आई एम विजिबल मैं वेट कर रही थी विजिबल हो ही नहीं पा रही हूँ और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है तो हाई बच्चो माई नेम इज़ वेलकम यू ऑल टू नीट टू वन चैनल इन द लेवल अप सीरीज़ एल्कोहल फिनॉल ईथर का वन शॉट अपन करने जा रहे हैं जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अगर नहीं किया तो क्योंकि अमेजिंग सेशन होने वाला है टाइम आज तुम्हारी मैम के पास थोड़ा सा कम है तो फास्ट चलेंगे क्या है गप्पे छप्पे मारते मारते सेशन पूरा करते हैं सेल्फ स्टडी स्टाइल में तो थोड़ा फास्ट चलना चाहती हूँ ताकि मेरी जो ऐप पे क्लास लगी है, चार बजे वाली उसको भी मैं ठीक से ले सकूं तो सेशन को शेयर कर दो यार है ना ऐसे क्या करते हो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स को बुला लाओ ठीक है अब स्टार्ट करते हैं इस सवाल से 2015 के नीट के इस क्वेश्चन से आज का सेशन होगा स्टार्ट फिर चैप्टर स्टार्ट होगा ठीक है बिल्कुल सिद्धार्थ यस बेटू मैं आगे से हट जाऊ आई एम सो सॉरी विच ऑफ रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलकाइल हेल्लाइट बिल्कुल पढ़ना ही है पढ़ सकते नहीं अर्पिता यस yes, मेरा जवाब है हाँ। हाय <coughs> श्री प्रिया आज मैं तुझे मैसेज करने वाली थी अर्पिता इसको पढ़ो बेटा इस सेशन को अटेंड करो मैं लास्ट में तुमको और अच्छे से गाइड कर दूंगी तो सबसे पहले रिद्धि बोल रही है बी एनी वन एल्स कोई और बच्चा जो आंसर करना चाहेगा इस सवाल का जल्दी जल्दी कर लो बिट्टू हाय गीतांजलि बिट्टू अगेन नितोपाल हजारिका इज संग भी कोमल पांडे मैम की प्यारी कोमल पांडे इज संग बी ना इज सेइंग बी यार एक बात बताऊँ क्या अपना दिमाग लगाया करो बताएँ ये चीज़ से मुझे बहुत दुख होता है कि तुम जब ना सोचते नहीं हो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइट डिड आई टेल यू इन द चैप्टर हेलो अल्केलो अन्स की यार अल्कोहल से अल्काइल हेलाइट खाली एच सी एल से भी बन जाते हैं ZnCl2 तो सिर्फ कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव करता है मैं तुमको हजारों बार बोलती हूं कि बेटा एनसीआरटी पढ़ो एनसीआरटी पढ़ो एनसीआरटी पढ़ो पर तुम सुनते थोड़ी हो नहीं सुनते ना क्लियर कट पहले ही पैराग्राफ में चैप्टर स्टार्ट होते ही लाइन लिखी हुई है कि एस जेड एन सी एल टू इज जस्ट अ कैटलिस्ट इट इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन सो इट इज यूज टू इनहस द स्पीड इवन इन द एबसेंस ऑफ जेड एन सी एल टू द रिएक्शन में अकर इट इज क्लियरली रिटन इन एनसीआर अगर इस सवाल का जवाब गलत देके भी अपन नहीं आ, आगा हुए हैं या अपन अलर्ट ये एक बेसिक अलर्ट है कि एनसीआरटी पढ़ो एनहाइड्रोजेड एनसी की प्रेजेंस में तो रिएक्शन हो ही जाएगी फॉर श्योर प्राइमरी है तो कैटलिस्ट मांगता है बी इज समथिंग कि प्राइमरी है तो कैटलिस्ट तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये ल्यूकास टेस्ट है जिसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री होता है तो थ्री डिग्री को कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती टू डिग्री कैटलिस्ट लो नहीं लो थोड़ा सा टाइम का फर्क पड़ता है कि नहीं लोगे तो बहुत धीरे होगा लोगे तो हल्का फुल्का तेज हो जाएगा थ्री डिग्री में तो भन्नाटेदार तरीके से होगा और वन डिग्री एक ऐसी चीज़ है जो कि वैसे ही एच सी एल के साथ ल्यूकास रिएजेंट के साथ आपको टेस्ट नहीं देता लंबे समय तक ऐसे में अगर तुमने जेड एन सी एल टू उड़ा दिया तब तो भैया पंगा हो गया इसका मतलब सेकंड नहीं होगा दिस इज थ्री डिग्री अल्कोहल एचसीएल के साथ बिना कैटलिस्ट के साथ बनना से रिएक्शन देगा देर विल बी नो प्रॉब्लम एंड दिस इज टू डिग्री अल्कोहल कैटलिस्ट है सो ऑल थ्री ऑफ देम विल गिव द डिजायर प्रोडक्ट सो आंसर इज डी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दिखावे पे मत जाओ अपनी अक्कल लड़ाओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ठीक है अगर किसी ने कोई चीज़ मिस आउट कर दी है दैट डजेंट मीन कि आप सब पीछे पीछे उसी ऑप्शन की तरफ बायस हो जाएं, ये एक ड्रॉबैक होता है जब आप खुले चैट बॉक्स में आंसर अटैम्प्ट कर रहे होते हो तो किसी एक ने भी आंसर दे दिया तो आपकी बायसनेस आ जाती है कि शायद आंसर वही होगा ऐसा नहीं करना है ठीक है एंड रिद्धि एन को ठीक से पढ़ना है वहाँ क्लियर लिखा हुआ है जेड एन की प्रेजेंस में भी होता है एबसेंस में भी होता है जेड एन सी एल टू द स्पीड एंड द थिंग इज कि प्राइमरी है तो उसको तो कैटलिस्ट की जरूरत है ही अब इतनी डांट पड़ गई है ना तो फिर अब याद ही रहेगा अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करते हैं <coughs> देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप नोट्स बना लेना शॉर्ट नोट्स साथ साथ बना लेना बेटू क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम ना किस बेसिस पे करेंगे कि कितने ओ एच OH ग्रुप्स हैं किसी भी अल्कोहल में कितने ओएच OH ग्रुप्स हैं उस बेसिस पे आ, हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो जैसे देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसका मतलब उसमें एक ओ एच OH ग्रुप है डाईहाइड्रिक एल्कोहल है जाहिर उसमें दो ओ एच OH ग्रुप है है ना एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तो ऑब्वियसली उसमें तीन ओ एच OH ग्रुप्स हैं ठीक है दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है आज ओरल टेस्ट लूंगी मैं और जो बच्चे कहते हैं ना हम चैट में कुछ लिखते नहीं

OH कैसे कार्बन एटम से अटैच होता है जो थ्री मोर कार्बन एटम से अटैच होता है अब मेरा वही सवाल जो मैं हर सेशन में पूछती हूँ अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं मतलब जो रेगुलर आते हैं वो एक सेकंड में बता देगा कि ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है कम बच्चों जल्दी हाय नवजोत मैं ठीक हूं बेटा तू कैसी है <coughs> बताओ जरा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है मैंने <coughs> अंश 1 डिग्री रिद्धि 1 डिग्री थैंक यू विदान थैंक यू सो मच कोमल पांडे वन डिग्री नैना 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 पे मुझे नैना गाने याद आ गया वन डिग्री वेरी गुड सो इट इज़ वन डिग्री क्लियर चलो अगला ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन आइटम टू बी चो एच ग्रुप इज अटैच भाई ये भी तो क्लासिफिकेशन हमने हमनेलोरिन में किया था कि भाई कौन से हाइब्रिड आइटम से कार्बन uh, अटैच है तो बेटा एस पी थ्री अब नीचे चलो एस पी थ्री एंड एस पी टू तो एस पी थ्री में कौन कौन से कैटेगरीज आती है जरा दिमाग में रिकॉल करो फिर चेक करो एसपी थ्री में आती है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल पड़ोसी का रायता विनाइलिक एल्कोहल नहीं विनाइलिक नहीं एलाइलिक वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एंड बेनजाइलिक sp2 टू में आ जाएगी आपका विनाइलिक एंड फीनॉल्स चलो अब एनसीआर टी मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुमको एनसीआर टी अच्छे से पढ़ा देती हूं क्योंकि तुम ना नलायक हो तुम खुद से तो पढ़ते हो नहीं तो तुमको मैं एक बार ही रीड करवा देती हूँ देखो क्लासिफिकेशन दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ओ एच ग्रुप्स आर अटैच सो एक ओ एच ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक दो ओ एच ग्रुप होगा तो डाईहाइड्रिक और तीन ओ एच ग्रुप होगा तो ट्राईहाइड्रिक ये एसपी थ्री वाले हैं ठीक है ठीके? और फिर उसके बाद की एस पी थ्री का अलग भी क्लासिफिकेशन दिया है जहाँ प्राइमरी वो वाला अल्कोहल है जिसमें ओ एच ग्रुप जिस, OH जिस कार्बन आइटम से अटैच है वो सिर्फ एक एल्कोहल ग्रुप से अटैच है सेकेंडरी वो जिसमें ओ OH एच ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो दो अल्कॉल ग्रुप से या दो कार्बन से अटैच है टर्शरी वो जिसमें ओ एच ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो तीन और एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है समरी नोट्स बनाने वाले बच्चे मैं आगे से हट जाती हूँ एक बार इसका स्क्रीन ले लो और इसको कंप्लीट कर लो मेन ठीक है मैं आगे बढ़ती हूँ <coughs> एसपी थ्री में एक और कैटेगरी आती है एलाइलिक ना व्हाट इज एलाइलिक एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड पे ओ एच OH ग्रुप नहीं है डबल बॉन्ड के पड़ोसी पे ओ एच OH ग्रुप है तो ये रहा पड़ोसी का रायता ने फैला दिया दिस इज प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल प्राइमरी क्यों क्योंकि ओ OH एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है ठीक है और एलाइलिक क्यों क्योंकि डबल बॉन्ड के पड़ोसी का रायता फैलाया है सेकेंडरी मतलब ओ OH एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो और कार्बन से जुड़ा है और एलाइलिक क्यों क्योंकि डबल बॉन्ड के पड़ोसी पे ओ एच OH ग्रुप चिपकाया है ठीक है टर्शरी क्यों क्योंकि ओ OH एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो तीन और कार्बन से जुड़ा है और एलाइलिक क्यों क्योंकि डबल बॉन्ड के पड़ोसी पर ओ एच चिपकाया है ठीक है ना वॉट ऑफ बेनजाइलिक पिछले जो मैंने वन शॉट लिया था हेलोरीन का उसमें मैंने क्लियर कट बोला था क्लियर कट बोला था कि बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिसमें बेंजीन के पड़ोसी कार्बन आटम पे ओ एच जुड़ा होता है तो देखो दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्योंकि बेंजीन के पड़ोसी पे ओ एच जुड़ा हुआ है एंड देख लो प्राइमरी है क्योंकि प्राइमरी तो दिख ही रहा है ना कि ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा दिस इज ओनली वन कार्बन टू एच दिस कार्बन इज अटैच सेकेंडरी कौन हुआ ओ एच जिस कार्बन से अटैच है वो दो और कार्बन से अटैच है ये क्या हो गया सेकेंडरी फिर उसके बाद टर्शरी कौन हुआ ओ एच जिस कार्बन से अटैच है वो तीन और कार्बन से अटैच है तो दिस इज टर्शरी बेन्जाइलिक एल्कोहल फिनॉल्स देख लो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स डाईहाइड्रिक फिनॉल्स ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स सो इफ देर इज वन ओ एच ग्रुप सो इट विल बी कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक मोनो मतलब वन हाइड्रिक मतलब अल्कोहल डायहाइड्रिक मतलब जिसके अंदर दो ओ एच ग्रुप्स हैं एंड ट्राईहाइड्रिक जिसके अंदर तीन ओ एच ग्रुप्स हैं बड़ी सिंपल पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी भी आ सकती है नोमन क्लेचर में बेटा एल्कोहल्स को हम बोलते हैं एल्केनॉल्स क्या बोलते हैं एलकेनॉल्स तो चलो इसका कर देते हैं नोमन क्लेचर जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी दिस इज क्योंकि हम एल्केनॉल्स बोलते हैं और वही तुम्हें मेन चेन गिननी है मतलब मेन चेन सेलेक्ट करनी है फिर नंबरिंग करनी है सो दिस इज मीथेनॉल दिस इज वन प्रोपेनॉल क्योंकि प्रोपेन डेरिवेटिव्स में फिर गिनती स्टार्ट हो जाती है प्रॉप में गिनती स्टार्ट हो जाती है तो प्रोपेन वन ऑल या वन प्रोपेनॉल दिस इज प्रोपेन टू ऑल या टू प्रोपेनॉल दिस इज़ ब्यूटेन वन ऑल या वन ब्यूटेनॉल दिस इज ब्यूटेन टू ऑल या टू ब्यूटेनॉल दिस इज वन टू थ्री तो टू मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल साथ साथ करते जा रही द लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम ऑल राइट सो टू मिथाइल टू प्रोपेन ऑल वेरी इजी ना तो मैं जल्दी जल्दी ले रही हूँ इसको ठीक है और ये क्या है इथेन वन टू डाइल इथेन वन टू डायऑल नो दिस इज प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई ऑल भाई जितने ओ एच उतने ऑल ऑल करते रहो ये ट्राई ऑल ये डाई ऑल ये ऑल ठीक है आगे बढ़ते हैं साइक्लिक अल्कोहल जो होते हैं मतलब अब इसमें क्या होता है डेरिवेटिव्स माने जाते हैं अगर आपके साइक्लोहेगजेन रिंग से डायरेक्टली ओ एच चिपका हुआ हो तो इस चीज को तो हम साइक्लोहेगेनॉल बोलते हैं एंड फॉर श्योर जो नंबरिंग स्टार्ट होगी ग्लाइकॉल्स आर डायोल्स एग्जैक्टली रिथी बट ग्लाइकॉल हम उसको कॉमन में बोलते हैं डायोल्स हम उसको आईओ में बोलते हैं एंड ग्लीस्टरॉल इज ट्रायोल एग्जैक्टली गीतांजलि ग्लीस्टर इज ट्रायल वन टू थ्री प्रोपेन ट्रायल इज एक्चुअली अ ग्लीसरॉल ठीक है चलो दिस <coughs> नाइक्लोहेगिन ये बेंजीन रिंग नहीं है कहीं गलती मत खा जाना कि मैम ये तो बेंजीन है दिस इज साइक्लोहेक्गजिन तो इसको क्या बोलेंगे साइक्लो है क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्गजिनॉल अच्छा इस फिर इसको छुपा देती हूँ इसको क्या बोलेंगे मतलब मैंने अगर मिथाइल ग्रुप छुपा दिया जरा इसको मत देखो ठीक है सिर्फ इतने पोर्शन को देखो तो साइक्लोपेंटेन रिंग है ना एक दो तीन चार पाँच पांच कार्बन आइटम है सो दिस इज साइक्लोपेंटेन रिंग वॉट डू वी कॉल इट वी विल कॉल इट टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन ऑल वन टू टू मिथाइल साइक्लो दिस इज साइक्लो दिस विल बी दिस विल बी दिस विल बी दिस विल बी बी टू है मैं निशा देख रही थी आज कैसे नहीं है चैट बॉक्स में कल तो मैसेज आया था आई एम वेरी एक्साइटेड साइक्लोप्रोपेनॉल यस तो दिस विल बी टू क्लोरोसाइक्लोप्रोपेनॉल ठीक है तो इस तरीके से ये हो जाता है अब फिनॉल्स को देख लो बेटा फिनॉल ना एराइल एल्कोहल्स होते हैं उधर एराइल हेलाइट्स नहीं होते हेलोरिन एराइल हेलाइट्स तो उसी तरीके से यहाँ क्या होता है फीनॉल्स होते हैं मतलब आप एराइल अल्कोहल्स को क्या बोलते हो फिन्स बोलते हो अब इसमें ये कॉमन नेम भी और आई ओ पी एस एक्सेप्टेड भी है तो तुमको ये ध्यान रखना है इसको क्या बोलेंगे अपन वन यहाँ से टू ये तो टू मिथाइल फिनॉल बोल सकते हो या ऑर्थो क्रिसोल बोल सकते हो आई थिंक एवरीबडी नोज मेटा एंड पैरा थिंग कि अगर बिल्कुल अगल बगल में हो तो ओ अगर एक पोजिशन छोड़ के हो मतलब कि ऑल्टरनेट तो हम उसको बोलेंगे एम और अगर ऑपोजिट हो तो हमको उसको बोलेंगे पी ओ एम पी ऑर्थो मेटा पैरा ओम प्रकाश जी ठीक है ओम प्रकाश जी ओके सो इफ दे आर एडजेसेंट ऑर्थो इफ दे आर अप लाइक ऑल्टरनेट मेटा एंड इफ दे आर ऑपोजिट पैरा सो ये क्रिसोल्स कहलाते हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग में एक मिथाइल और रोचे रटने की बात है ये इनको क्या बोलते हैं अपना क्रिसोल्स इसमें मैं कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई कंसेप्ट नहीं भारी वर्कम दे सकती ये तो नाम रख दिया भाई मेरा नाम मेरे मम्मी पापा ने मोनिक रख दिया अभी पता नहीं क्यों रख दिया रख दिया और कोमल का नाम कोमल रख दिया और सानिया का नाम सानिया रख दिया और अनिशा का नाम अशी अनिशा रख दिया और इसका नाम क्रिसौल रख दिया तो ना रटना है लेकिन क्रिसल में अगर ये चीज़ रटी हुई है कि भाई सी एच थ्री और ओ OH एच बस फिर और तो क्रिसल कि इनकी अगल बगल की तो पोजिशंस ठीक है और मेटा इनकी ऑल्टरनेट पोजिशंस और पैरा ऑपोजिट पोजिशन क्रिसौल याद रखना है इसके बड़े प्यारे नाम दिए बड़े प्यारे नाम दिए जैसे मेरी मम्मी ने मेरी दीदी का तो बड़ा प्यारा नाम दिया मेरा मोनिका दे दिया मेरी दीदी का नाम बहुत अच्छा है तो देखो इसका नाम कितना कॉल कैटी कॉल इसका रिसोर्स ऑल इसका हाइड्रोक्न रट्टो रटना पड़ेगा बना लो शॉर्ट नोट्स में लिख लो ठीक है मेरा सरप्राइज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्या बात है थैंक यू थैंक यू मैं ऐसे और सरप्राइजेज लेके आती रहूंगी अब देखो इधर ध्यान दो कैटिकॉल रिसोर्सिन हाइड्रोक्नोन बोलो जरा अपने अपने कमरे में बैठ के पता लगे हम भी मैम की क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लैपटॉप पे बैठे थर्ड आप थर्ड कैटिकॉल रिसोर्सिनल हाइड्रो क्वीनॉन कैटिकॉल रिसोर्सिनल हाइड्रो ठीक है कैटिकॉल रिसोर्सिनल हाइड्रो क्वीनॉन कैटिकॉल रिसोर्सिन हाइड्रो क्विन ठीक है चलो जी इसको क्विनोल भी बोलते हैं अब सेकंड नहीं है मतलब कि सेकंड थर्ड कैसे हो गई हाँ फर्स्ट क्लासिफिकेशन था सेकेंड नोमट्लेचर था और थर्ड अपना आ गया स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वही हमारी पानी की कहानी पानी की कहानी सुनाते हैं ये एकदम याद भी रहेगा और बहुत अच्छा सा तुमको ध्यान भी रहेगा ये देखो एक था पानी उसकी थी एक दुखद कहानी इलेवेंथ क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में लोन पैर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी मतलब इतना रिपल्जन किया था कि दो एच ओ एच बॉन्ड सिकुड़ के बेचारा डर के मारे एक डिग्री रह गया था ठीक है जैसे ना मैं लोन पेर को क्या बोलती जूते में गोबर लगा के कोई आ जाए तो बाकी के लोग सिमट जाते हैं ना पास पास तो ये जूते में गोबर लगा के आ गए और इनको ज़रा दूर हटना पड़ा तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए बॉन्ड एंगल से कुड़ के हो गया कितना एक सौ चार पॉइंट पाँच पानी ने सोचा कि मैं बदला लूंगा कैसे बदला लेगा पानी ने हाइड्रोजन हटा के क्या किया एक अल्कोहल ग्रुप लगा दिया क्या बन गए एल्कोहल्स बन गए वाटर के अंदर अगर एक हाइड्रोजन हटा के अल्कोहल लगा मतलब आर लगा दो क्या बन जाएगा अल्कोहल जैसे अल्कोहल बना बॉन्ड एंगल फैला ये एक्स्ट्रा पॉइंट फालतू में लगा हुआ है एक तो भी अपनी इज्जत को वापस नहीं पा पाया क्योंकि असली इज्जत जो होती है टेटर हैडन बॉन्ड एंगल की वो 108.9 में नहीं होती है 109.28 में होती है ठीक है लेकिन फिर भी फैला हिम्मत जुटाई और वापस एक्सपैंड होना शुरू हुआ और लोन पेयर से घबराना बंद किया ठीक है तो कितना हो गया 108.9 फिर पानी ने सोचा अगर एक एल्काल ग्रुप ने इतना कमाल दिखा दिया है तो फिर क्यों ना मैं दो अलकायल ग्रुप्स रख के देखता हूँ वेरिएशन तो जब दो एलकाइल ग्रुप रख के देखे तो भाई साहब अलकायल ग्रुप ने तो लोन पेयर से भी ज़्यादा रिपल्जन दिखाया अब लोन पेयर की भीगी बिल्ली हो गई क्योंकि अल्काइल ग्रुप फैल गए तो अल्काइल ग्रुप फैले क्या हो गया 101.7 अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड जितने अल्काइल ग्रुप बड़े होंगे मिथाइल हो सकता है इथाइल हो सकता है प्रोपाइल हो सकता है कुछ भी हो सकता है उतना ही एंगल और एक्सपैंड हो सकता है तो क्लास 11वीं की कहानी थी कि लोन पे लोन पे रिपल्जन इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पे रिपल्जन ओनली विद द केस ऑफ चिंदी छाप हाइड्रोजन बट इफ देयर इज अ बिगर अल्काइल ग्रुप देन द रिपल्जन इन बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स मे बी ग्रेटर देन द रिपल्जन बिटवीन द लोन पेयर्स ठीक है अब पानी ने सोचा यार ये तो खेल मिल गया अपन तो आप डराएंगे लोन पेयर्स को बहुत डर लिए ग्यारहवीं क्लास में बारहवीं क्लास में एल्कोल्फिन चैप्टर में अब हम डराएंगे ठीक है हमारी बारी है तो इन्होंने क्या किया एक हाइड्रोजन रहने दिया एक बेंजीन रिंग कर दी ठीक है बेंजीन रिंग कर दी ये लो बेंजीन रिंग करते हो गया फिनॉल फिनॉल के अंदर 109 डिग्री मज़े आ गए भैया कौन सा लोन पेयर काहे का लोन पेयर ठीक है सो so, ये बॉन्ड एंगल का ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होती है ईथर्स में और ईथर्स में एक्सपेंशन फर्दर इंक्रीज हो सकती है अगर अल्काइल ग्रुप्स बल्कि हो जाए तो ठीक है अदरवाइज जो वो कहानी थी कि लोन पेर लोन पे रिपल्जन मोर इट इज़ लाइक ये किस पे सीमित है सीमित की इंग्लिश नहीं आ रही है इंग्लिश बोलना शुरू इट इज़ लाइक लाइक यू नो वो आ जाता है मुंह में तो ये पानी तक ही सीमित है इंग्लिश होगी इट इज क्या मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा इंग्लिश नहीं सकते मुझे इट इज क्या रे? बोलो इट इज लिमिटेड लिमिटेड तो थोड़ा इससे बेटर वर्ड भी हो सकता है वैसे बोल देते चलो इट इज लिमिटेड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एज अ बॉन्ड पेयर ठीक है लिमिटेड टू वोटर नहीं लिमिटेड से भी और अच्छा वर्ड हो सकता है चलो इंग्लिश की कौन सी क्लास चल रही है केमिस्ट्री की चल रही है ना हम्म तो आगे देखो अब ये ये तो पढ़ लिया ना तुमने एक सौ आठ पॉइंट नो एल्कोहल्स में होता है एंड देन फिर अगर एल्कोहल ग्रुप बड़ा करोगे ना तो फिर ये इट इज़ नहीं रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं रेस्ट्रिक्टेड वर्ड तो अलग हो जाता है इट इज कन्फाइंड भी रिच इग्नोर सो मीथेनॉल क्या है जिसके अंदर बॉन्ड एंगल जो आपका एल्कोहल्स का बॉन्ड एंगल मतलब रेगुलर टेटर के क्लोज्ड होता है और फिनॉल के अंदर वही अगेन क्लोज होता है और ईथर्स के अंदर तो वो बाप हो जाता है मतलब आपका जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है उससे भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है आज वो भैया फोर्थ कैटेगरी पे कितनी जल्दी आए हैं हम हमने क्लासिफिकेशन कर लिया नोमट्लेचर कर लिया नेचर ऑफ ग्रुप्स पढ़ लिया अब बेटा सीधा प्रिपरेशन और प्रिपरेशन इतना धमाकेदार पढ़ेंगे अपन शानदार तरीके से पढ़ेंगे प्रिपरेशन प्रिपरेशन में अपन दो मेजर कैटेगरीज़ है दिमाग में तीन चार बार दोहराओ ऑर्गेनिक को थोड़ा लिख लिख के थोड़ा रिपीट कर कर के समझ में आती है ऑर्गेनिक तो तीन चार बार दोहराओ कि एक बार हम एल्किन्स पूरा कंप्लीट करेंगे फिर हम कार्बोनाइल्स करेंगे यही प्रिपरेशन है एल्कोहल्स की एक बार एल्कीस कंप्लीट करेंगे फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स कंप्लीट करेंगे और ये प्रिपरेशन होगी इस एल्कोहल्स के फिर हम फिनॉल्स की प्रिपरेशन करेंगे एल्किन्स में दो कैटेगरीज आएंगी एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और फिर कार्बोनिल में तीन कैटेगरीज आएंगी ठीक है तो पाँच टोटल कैटेगरीज हैं सबसे पहले किससे शुरू कर रहे हैं एल्कीस से शुरू कर रहे हैं किससे एल्कीस से अब एल्किस के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनना यह होती हैं एल्कीस जैसे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बेटा इससे तुमको बनाने क्या चीज अल्कोहल यू में फॉर्म आर सी एच टू सी एच टू ओ एच एंड अनदर एल्कोहल विच में बी फॉर्मड इज आर सी एच ओ एच सी एच थ्री कि आपका जो बेसिकली uh, क्या किया आपने अपने डबल बॉन्ड में डबली बॉन्डेड जो दो कार्बन आइटम्स थे ना उनमें से एक को दे दिया हाइड्रोजन एक को दे दिया ओ एच ग्रुप तो इट दिस प्रोसेस विच आई एम डूइंग इज हाइड्रेशन इस चैप्टर में मैकेनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म एल्कोहल्स हम क्या पढ़ रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म एल्कोहल्स अब हाइड्रेशन दो तरीके से हो सकता है पहला कि तुम इसको हाइड्रोजन दे रहे हो इसको ओएच OH दे रहे हो तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा दूसरा तुम हाइड्रोजन बीच में दे रहे हो ओएच OH साइड में दे रहे हो तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा क्या तुमको याद है डू यू रिमेंबर वो शेर व शायरी कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा था नेगेटिव पार्ट ने भी वहीं आके अटैक किया जहां हाइड्रोजन कम था याद आया क्या बोलते हैं मैं मैंने ट्वेल्थ आपसे पढ़ा था मेरे नाइन सेवन मार्क्स आए थे अरे वाह राघव तो फिर शेयर तो किया ही नहीं तूने शेयर किया होता तो इतने कम बच्चे थोड़ी होते <coughs> मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है अभी समझाऊंगी ना यस निशा प्रवीण इट इज मार रूल क्या बोलते हैं हम इसको मार्कोनिकॉफ रूल ठीक है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां आके अटैच होता है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है तो इससे ये वाला प्रोडक्ट आपका मार्कोनिकॉफ बना है इसका मतलब ऊपर वाला एंटी मार्कोनिकॉफ बना है अब रट्टा मारने का टाइम आ गया बेटा जब एल्गीस का हाइड्रेशन करके हम मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाते हैं तो तुमको ये पता होना चाहिए कि कब मार्कोनिकॉफ बनेगा और कब एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा मार्कोनिकॉफ बनता है डायल्यूट एसिड्स की प्रेजेंस में डायल्यूट एच टू एसओ फोर डायल्यूट एसिड्स के लिए इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन एंटी मार्कोनिक ऑफ के लिए तो तुमको पता है पेरोक्साइड्स वगैरह की जरूरत रहती है, है ना पेरोक्साइड्स वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई एल्काइल वाला एल्केनॉल पैरोक्साइड्स की जरूरत रहती है तो कहीं ना कहीं वो पैरोक्साइड और फिर इसका मेजर फिनमिना होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन

एल्कीन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें एक तो एल्कीन में अगर तुम सिंपल पानी का छिड़काव करते हो तो हमें तो अपने उन्हें लूटा गैरो में कहा दम था ओ एच माइनस ने वहां आके हमला किया जहां हाइड्रोजन कम था ये हो गया पूरा मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट जिसमें ओ OH एच बीच में आएगा साइड में नहीं आएगा टू ऑल्स विल बी फॉर्म प्रोडक्ट कौन से होते हैं टू ऑल्स बनते हैं इसमें टू ऑल्स विल बी फॉर्म फ्रॉम वन इन्स विल बी फॉर्म टू ऑल्स बनते हैं ठीक है और दूसरा है कि आपने वहाँ पढ़ा है ना एल्किन सेल्काइल राइड बनाते हैं तो ए, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से भी बनाते हैं तो उसमें उसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हर एक बच्चा चार्ट में लिख दो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हर एक बच्चा लिख दो जय वीरू की जगह या राज वीरू न्यू जोड़ी ठीक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अब इसके कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं एच टू ओ टू होता है के ओ एच होता है पानी होता है पानी तो हर जगह ही होता है पानी है ना और उसके अलावा बी टू एच सिक्स होता है तो बोरोन का होगा ना कंपाउंड बी टू एच सिक्स सारे बच्चे बॉक्स में लिख लो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ताकि ये लर्न हो जाए तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन से बनेंगे टू ऑल्स एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बनेंगे वन ऑल्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यस दक्ष चौधरी यस श्री प्रिया यस अंश यस निहारिका निशा प्रवीण गीतांजलि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भूले तो पिटाई ध्यान रखना एल्कीन से दो तरीके से बन सकता है तीसरा तरीका और भी है जो कि अभी बताऊंगी मैं डी ऑगजीमक्यूरेशन डी मक्यूरेशन बट अभी इन दोनों पे हम कन्फाइंड होते हैं चलो आगे बढ़ते हैं मेकनिज्म इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई पूछे ना कौन से ऑर्गेनिक के चैप्टर के मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो दिस इज वन ऑफ देम स्पेशली फॉर बोर्ड्स वाले बच्चे जो अभी ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड्स देने वाले हैं तुम गारंटी ले, ले लो दो नंबर का सवाल इस चैप्टर के दो मैकेनिज्म से एक आएगा और दोनों मैकेनिज्म में आज पढ़ाऊंगी हंड्रेड परसेंट आएगा मुझसे गारंटी ले लो नीट वाले बच्चे गारंटी ले लो डिहाइड्रेशन जो है उस पर क्वेश्चन बनता है और ही वाले बच्चे बेटा उनके हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन दोनों में से किसी भी, भी बन सकता है इसलिए सब कुछ अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो मैं वो तो बताती ही रहती हूँ तो, uh, जब एल्कोहल्स uh, बनाते हैं हाँ पानी पी लेती हूँ नाइट किचन हम्म तो ये मैकेनिज्म को अभी ना मैं मतलब ड्यूरिंग द लाइव क्लास हर बच्चे को तीन तीन बार अपनी कॉपी में लिखना है एक बार ही मैं समझाऊंगी फिर तीन तीन बार लिखोगे फिर कंफर्म करोगे कि मैम तीन, तीन तीन बार लिख लिया यहां बोलो कि मैं आगे बढ़ूंगी ठीक है मैकेनिज्म सुनो सबसे पहले जब नाम ही क्या है प्रोसेस का एसिड कैटेड हाइड्रेशन और प्रोडक्ट कैसा बनता है मार्कोनिकॉफ प्रोसेस का नाम क्या है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन प्रोडक्ट क्या बनता है मार्कोनिकॉफ यानी कि ओ एच OH कहा आएगा बीच में आएगा कहाँ आएगा बीच में आएगा ठीक है अब इसके लिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे विद इट्स नेम क्योंकि नाम की शुरुआत में ही एसिड लिखा हुआ है तो हमने एक एसिड लेना है है ना और फिर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन लिखा हुआ है तो हाइड्रेशन के लिए हमने पानी लेना है पानी और H प्लस को मिला के क्या कर देना है एच थ्री ओ प्लस कर देना है पानी और H प्लस को मिला के क्या कर देंगे हम एच थ्री ओ प्लस कर देंगे अब ये जो चीज़ बनी है ये जो बन के आया है ये किस पे हमला करेगी तुम किसका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करा रहे हो एल्कीन का ही तो करा रहे हो तो ये किस पे हमला करेगा एल्कीन पे हमला करेगा सो पहला स्टेप वो होगा जिसमें नाम से एसिड का H+ उठाएंगे हाइड्रेशन का पानी उठाएंगे और क्या बनेगा H3O+ अब H3 तुम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन किसका कर रहे हो तुम कर रहे हो एल्कीन का तो जो अगला स्टेप होगा उसमें एल्कीन होगी और एल्कीन पे H3O+ जो है वो अटैक करेगा अब पता अब तुम्हें मैं एक अजीब सी स्टोरी सुनाती हूँ फिर से एक कहानी सुनाती हूँ देखो एक, एक एल्कीन था ठीक है अपनी जिंदगी में एकदम स्टेबल एकदम सुखी ठीक है कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा पॉइंट था एक था पाई बॉन्ड ठीक है अब हुआ ये कि कई बार होता है ना कि खुद के दोस्त से हटके दूसरे दोस्त में इंटरेस्ट आने लग जाता है और खुद के टीचर से हट के दूसरे टीचर से पढ़ने की इच्छा लग जाती है ऐसा होता है ना तो बेसिकली कि कि कार्बन एक कार्बन ने सोचा कि मुझे अब इसके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है। ठीक है हाइड्रोजन ने कहा अगर मैं तेरे पास आया कार्बन अगर मैं तेरे पास आया तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो एक शर्त रहती है कि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा होता है ना केमिस्ट्री के अंदर जब हिट्रोलेटिक बॉन्ड टूटता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाती है तो हाइड्रोजन ने कहा कि मैं तेरे से दोस्ती करने को तैयार हूँ बट मेरे से ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये हमारे यहाँ रिवाज है केमिस्ट्री के रिएक्शंस में को, कोई बात नहीं तो आ जा मैं देख लूंगा ठीक है भैया हाइड्रोजन को ये बुला रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है तो देखो अब ये हाइड्रोजन जो है निहत्था खाली हाथ बिल्कुल हाथ हिलाता हुआ बिना कुछ इलेक्ट्रॉन के किधर आ गया इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है इस वाले कार्बन पे अटैक ठीक है जुड़ चुका है ये देखो ये वही हाइड्रोजन है लेकिन एक बात बताओ जब हाइड्रोजन के पास में कुछ था ही नहीं बाबा जी का टुल्लू था तो फिर ये बॉन्ड कहां से बने ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कहां से स्टेब्लिश हुआ हंड्रेड परसेंट ये इसने अपने पाइबो इस, इसने धोखा दिया किसको इस कार्बन को एक्स कार्बन ने वाई कार्बन को धोखा दिया क्योंकि इसने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर समेट के नया नए रिश्ते कायम कर लिए हैं ठीक है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये बेचारा कार्बन से एड कि भैया मैं क्या करूँ मेरे से तो अच्छा खासा शेयर था मैं तो चार इलेक्ट्रॉन वाला स्टेबल आइटम हूँ ठीक है मैं मुझे तीन इलेक्ट्रॉन वाले हर उसमें डाल दिया हालत ख़राब कर दी मेरी ठीक है मुझे धोखा दिया इसको धोखा दिया था धोखा तो इसको भी मिला था लेकिन ये बेटा डेढ़ जाना था इसने इलेक्ट्रॉन रख लिए थे इसने हाइड्रोजन को जाने ही तब दिया जब इलेक्ट्रॉन में रखूंगा कोई बात नहीं तो चिंता मत कर मैं आ रहा ठीक है तो रो मत मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है और इस तेरे तेरे पास नहीं है चलो अपन बॉन्ड बनाते हैं दोस्त ने किसी और से दोस्ती की मेरे दोस्त ने तो अपन दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं चलो जी अब जैसे ये इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो ये है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेट मतलब पानी का बदला इसको हम बोलते हैं पानी का बदला इस स्टेप का नाम है पानी आएगा और बदला लेगा पानी का बदला ठीक है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर अब वाटर जब अटैक करेगा तो इसी कार्बन पे तो करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अपने ऑक्सीजन के थ्रू वाटर ने अटैक किया ऑक्सीजन की, की एस ऐसी होगी क्योंकि ऑक्सीजन तीन बॉन्ड्स में स्टेबल नहीं होता ना ऑक्सीजन तीन बॉन्ड्स में एमबीएम की चुप <laughs> कौन है ये <laughs> तो जैसे ही इस ऑक्सीजन की हालत खराब हो गई इसके पसीना छूट गए कि भैया ये क्या मसला हो गया है ना तो ये देखो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हुआ फिर एक और वॉटर आया इसको डी प्रोटोनेट करके स्टेबलाइज करने स्टेबलाइज करने तो ये प्रोटोनेशन हो गई इसकी और फाइनली हमारे पास में एल्कोहल आ गया शुड आई रिपीट द प्रोसेस अगेन शुड आई रिपीट द प्रोसेस अगेन शुड आई रिपीट द प्रोसेस अगेन ओके okay, सुनो so no. फिर से सुन लो ये है किसकी ये बदले की कहानी है जो ये डी ये जो बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इस बदले की कहानी क्योंकि इसमें ना एल्कीन का मन बइमान हो गया था दूसरे हाइड्रोजन के लिए एच थ्री ओ प्लस के लिए तो इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा एसिड का एच प्लस उठाओगे पानी का पानी उठाओगे हाइड्रेशन वाला और इससे एच थ्री ओ प्लस बनाओगे और इस एच थ्री ओ प्लस पर इस कार्बन का मन बेमान होगा ठीक है और ये एच प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा यूजिंग दीज पाए इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से जो ये वाला कार्बन है ये वाला कार्बन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए कौन सा कहाँ गया एरा ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली एल्कीन ने एच थ्री ओ प्लस का हाइड्रोजन लिया जैसे ही लिया क्या बन गया कार्बोकेटाइन बन गया कार्बोकेटाइन पे फिर वाटर आया बॉन्डिंग करने फिर वॉटर आया तीसरे स्टेप में वाटर ने अपना प्रोटोन डी प्रोटोनेट कर दिया बट बेटा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है और तुम्हें पता है कार्बोकेटाइन तुम्हारे जैसे लतखोर प्राणी होते हैं है ना शरारती प्राणी होते हैं कैसे क्योंकि वो क्या होते हैं मोर स्टेबल कार्बोकोटेंस में रीअरेंज होने की कैपेसिटी रखते हैं तो वो ऐसा करेंगे तो फिर इसके अंदर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है मतलब हो सकता है कि तुम जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ही कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट निकल करके आए दिस इज क्वाइट पॉसिबल जैसे कि अगर एग्जाम्पल एग लेते हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू मुझे बताओ इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करने पर क्या बनेगा प्रोडक्ट बनाओ मैं इसका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करवा रही हूँ तुम अपने अपने कॉपीज में प्रोडक्ट बनाओ फिर मैं तुमको प्रोडक्ट बना के यहाँ दिखाऊंगी मैं इस इस मैकेनिज्म का तो कुछ भी नाम रख सकते हो तुम बदले की कहानी एल्कीन का मन बेईमान कोई भी सीगरेट टाइप की पिक्चर का नाम लग रहा है <laughs> डन चलो आप अपने प्रोडक्ट्स चेक कर देखो वेदांत ने नाम लिखा रिद्धि ने यहाँ पे आई यू पी एस सी नाम भी लिख दिया है तो बेटा हमें लगता है कि डायलूट एच टू एस ओ फोर है तो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग की प्रोडक्ट यहाँ बनेगा राइट हमें ऐसा लग रहा है कि प्रो वेज OH इधर आएगा बट प्रॉब्लम ये है कि जब इधर कार्बो कैटेन की फॉर्मेशन होती है तो कार्बो के टाइम के अंदर हाइड्राइट शिफ्ट हो जाती है वट इज दिस हाइड्राइट शिफ्ट आई इट शो यू देखो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा जिसमें सी एच CH, थ्री सी एच सी एच थ्री जो आपका हाइड्रोजन होगा ना वो प्रेफरेबली इस पर जुड़ेगा साइड वाले पे इधर इधर जुड़ेगा ताकि यहाँ कार्बोकाटाइन बन सके इट इज़ टू डिग्री बट द थिंग इज़ हाइड्राइट शिफ्ट होगी हाइड्राइट शिफ्ट होगी हाइड्राइट शिफ्ट होगी जिसमें हाइड्रोजन H माइनस लेकर के इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि दिस इज टू डिग्री कार्बोकाटाइन एंड इट विल गेट रियरेंज टू दिस थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री और इधर आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा थ्री डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना ठीक है पहले तो बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था सिर्फ जेई नीट वाले बच्चे जो है इसको करते थे हम भी जब अपना बोर्ड्स का बैच लेते थे तो बोर्ड्स के बैच में बोलते थे कि नहीं नहीं मत करना क्योंकि उनके जो आंसर की होती थी वो ऐसी होती नहीं थी और जेई नीट वालों के बैच में हम बोलते थे कि रिय अरेंजमेंट करना है लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूँ बोर्ड्स वाले भी होशियार हो गए हैं बोरे रेंज प्रोडक्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे अगर वो प्रोडक्ट मांगेंगे और आप ये वाला प्रोडक्ट यहाँ हुआ लगा दो गलत बता देंगे नंबर काट लेंगे ठीक है सो दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट इधर मिलेगा ना ओ OH. एच अब यहाँ जगह नहीं बची है लेकिन ओ एच OH यहाँ मिलेगा तो ये हो जाएगा टू मिथाइल और ब्यू टेन टूअल ये लिखा था तुमने टू मिथाइल किस किसने क्या लिखा था चैट तरफ स्क्रोल करके पढ़ती हूँ टू मिथाइल ब्यूटन टूअल किस किसने नाम लिखा था मिथाल दक्ष चौधरी ने लिखा था निशा प्रवीण ने लिखा था सौरभ ने लिखा था और अभिनव अभी ने भी लिखा था चेक कर लिया मैंने और अनीशा ने भी लिखा था ट्रू मिथाल बिट निहारिका ने भी लिखा था रद्दी ने भी लिखा था वेरी नाइस nice, तो तुम तो ऑलरेडी होशियार हो तो चलो इस पर आप टाइम स्पेंड नहीं करते आगे बढ़ते नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का वैसे पूरा मैकेनिज्म होता है बट वो किसी काम नहीं आता वो मैं तुम्हें इस रिएक्शन में इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ाती हूँ आज मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तुमने जैसे अच्छे से लर्न किया हुआ है कि एल्कीन्स में जय की जोड़ी लगाओ तो वन हेलाइड्स मिलते हैं अभी उस बात को फिर अच्छे से लर्न कर लो कि एल्किन्स में अगर तुम बी टू एच सिक्स एच टू ओ टू ओ एच माइनस एंड एच टू ओ

प्रोपेन वन ऑल ठीक है तुम्हें ये बोला जाता कि प्रोपेन से प्रोपेन वन ऑल बना दो सी एच टू सी एच टू तो तुम कहते मैम हमको आता है हम कर लेंगे कैसे कर लेंगे हम हम पहले इसके साथ जयवीरू की जोड़ी लगाएंगे एच बी आर पेरोक्साइड पेरोक्साइड कोई भी ले लो तुम तो हम इसके अंदर ब्रोमीन लगा देंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर ठीक है और फिर मैम हम एक्वस क्यूएच लेकर के इसको चेंज करेंगे हम क्या करेंगे एक्वस क्यूएच लेंगे और फिर इसको हम चेंज कर देंगे एक्वस एक्स के ओ एच लिखे बट अब तुम्हें इतने दो स्टेप्स की जरूरत नहीं है इस कन्वर्जन के लिए दो दो स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है अब तुम डायरेक्ट इस कन्वर्जन को कर सकते हो कैसे कर सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे तुम बी टू एच सिक्स एच टू ओ टू के ओ एच और पानी लर्न कर लो लर्न कर लो लर्न कर, कर लो कन्वर्जन बी टू एच सिक्स एच टू ओ टू के ओ एच पानी लर्न कर लो वेरी गुड अभिनव ने कर लिया थैंक यू राघव थैंक यू सो मच बेटा बी टू एच सिक्स एच टू टू के लिया बच्चों ने कर लिया ठीक है ओके <coughs> बेटा okay, श्री चलो अब आगे बढ़ते हैं आयुष बर्मन ने कर लिया अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस एल्कीन में अगर आप एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मार्कोनिको विद विद रीअरेंजमेंट क्योंकि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में कार्बो केटाइन एज एन इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट रीअरेंज हो सकता है तो आपको मार्कोनिको रूल फॉलो करता हुआ प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ओ एच OH ग्रुप ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा यहाँ आएगा हिसाब से तो इधर आता अगर हम क्या ये वाली बात ना जानते होते तो आएगा कहाँ इधर आएगा ठीक है ऑल राइट दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ अगर तुम हाइड्रोबोरेशन जैसे बी एच थ्री टी एच एफ टी एच एफ भी यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट एच टू टू एच माइनस यूज कर लो तो एंटी मार्कोनिक ऑफ मिलेगा कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ मिलेगा देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट बट यू विल यू कैन आस्क एक प्रॉब्लम कि मैम आप कहते हो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो ओ एच वन पे मिलेगा और अगर हम एसिड कर्टलाइज करेंगे हाइड्रेशन तो रिअरेंजमेंट होकर के ओ एच यहाँ मिलेगा तो मैम फिर यहाँ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है दिस इज अ बिग सवाल कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकते है? हर बार रीअरेंज जो कि मतलब वो एच इधर आएगा ही नहीं आएगा बेटा ऑक्सी डी डीमक्यूरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है विदाउट रीअरेंजमेंट ठीक है तीनों चीजें अच्छे से लर्न हो गई हैं विदाउट रीअरेंजमेंट तो एल्किस की एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएजेंट बोलो डायल्यूट एच टू एसओ फोर क्या मिलेगा रीअरेंज्ड मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑगजिम अक्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन क्या मिलेगा प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट ठीक है सेकेंड कैटेगरी पर आ गए अपन लोग प्रिपरेशन किए फिर देखो नीट के मस्त सवाल हैं खूब सारे बस ये खत्म होगी ग्रिगनार्ड वाली तो बहुत ही गजब है बहुत ही मस्त है ग्रिगनार्ड की तो फिर तुम्हारे ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन का नीट का सवाल है ट्वेंटी ट्वेंटी का है दो हज़ार छः का नाइनटीन नाइनटी एट का नाइनटीन नाइन्टी फाइव का है तो खब सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बट बिफोर दैट वी नीट टू कंप्लीट कार्बोनल कंपाउंड वाली प्रिपरेशन चलो अब एक ना जिसको जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो एक आ, मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ वो नोट कर लो जो दोबारा पढ़ रहे हैं वो भी ऐसे शॉर्ट में नोट कर लो वन डिग्री अल्कोहल आर सी एच टू ओ एच ठीक है वन डिग्री अल्कोहल आर सी एच टू ओ एच बेटा इसको जब माइल्ड ऑक्सीडाइज़ करते हैं ना माइल्ड ऑक्सीडाइज तो एल्डिहाइड बनते हैं आर सी एच ओ ठीक है फिर एल्डिहाइड्स को भी माइल्ड ऑक्सीडाइज करते हैं तो एसिड्स बनते हैं एल्डिहाइड्स को माइल्ड ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड्स बनेंगे ठीक है अगर तुम वन डिग्री अल्कोहल को स्ट्रोंग ऑक्सीडाइज कर दो तो सीधा वन डिग्री अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो सकती है याद है ना बायोमोलिक्यूल्स में जो आपके मोनोसैक्राइज होते थे वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही टेस्ट दे देते दे थे टॉलन टेस्ट फेलिंग टेस्ट बेनेडिक टेस्ट एंड एंडकीटोन्स ऐसा टेस्ट इसलिए दे देते दे थे, थे क्योंकि वो रियरेंज हो जाते थे याद आया है ना तो देन यू हैव टू लर्न माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि पीसीसी हो गया जैसे कि सी हो गया जैसे कि कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट कर दिया ये क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टू सी ब्लॉक में पढ़ते हो के ठीक है के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे कैन डायरेक्टली कन्वर्ट वन डिग्री एल्कोहल टू एसिड्स अगर एसिड्स का माइल्ड रिडक्शन करेंगे माइल्ड रिडक्शन ठीक है तो क्या बनेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स का माइल्ड रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा तो बता सकते हो इसके अंदर एल्हल कौन कौन से स्टेप से बना सकते हो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हो ना कार्बोनिल कंपाउंड से तो एल्डिहाइड के माइल्ड रिडक्शन से बना सकते हो एन ए बी एच फोर हो गया एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ पी टी पी डी एनआई रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं माइल्ड वाले आर सी डब्लू एच से डायरेक्ट भी बना सकते हो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एल आई एल एच फोर एल आई एल एच फोर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली एसिड को किस में बदलेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली एसिड को अल्कोहल में बदल देगा ठीक है क्लियर सबको क्लियर है ये बात ओके okay. अब अगर मैं टू डिग्री अल्कोहल ले लूँ आर सी एच ओ एच आर डैश ये टू डिग्री अल्कोहल क्यों है क्योंकि वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो और अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ है सो इट इज़ टू डिग्री अल्कोहल अगर बिटू मैं टू डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करती हूँ कोई सा भी ऑक्सीडेशन मैं कर दूं इसका फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा वो कीटोन होगा और कीटोन तो फर्दर एसिड में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते एक्सेप्ट इन बायोमोलिक्यूल्स बायो के अंदर कीटोन्स जो हैं वो रीअरेंज हो, हो जाते हैं बट यहाँ पे नहीं होते हैं और इसका फाइनल डेस्टिनेशन कीटोन है यानी टू डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनते हैं ऑन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या बनते हैं वापस कमिंग बैक टू टू डिग्री एल्कोहल्स टू डिग्री एलकोल से एसिड नहीं बनेंगे ठीक है तो ये चीज़ तुम नोट कर लो यहाँ से तुम्हें फ्रॉम कार्बोनियल कंपाउंड यू गेट टू हैव सो मेनी रिएक्शंस कि तुम एल्डिहाइड के माइल्ड रिडक्शन से वन डिग्री एल्कोहल बना सकते हो कीटोन के माइल्ड रिडक्शन से टू डिग्री एल्कोहल बना सकते हो एसिड के स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से वन डिग्री अलकोहल तुम बना सकते हो यही चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है यू जस्ट हैव टू लर्न माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स माइल रिड्यूसिंग एजेंट्स एच टू एन आई एच टू पी टी एच टू पी डी एन एच फोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एल आई ए एल एच फोर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो जो अभी अभी तुमने पढ़ा अभी अभी तुमने पढ़ा कि हम किल्डीहाइड की माइल रिडक्शन करेंगे एल्कोहल्स बनेगा एसिड्स की स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे एल्कोहल बनेगा कीटोन की माइल रिडक्शन करेंगे एल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड की माइल रिडक्शन करेंगे वन डिग्री एल्कोहल कीटोन की माइल रिडक्शन करेंगे टू डिग्री एल्कोहल एसिड की स्ट्रोंग रिडक्शन करेंगे वन डिग्री एल्कोहल चमका के नहीं चमका बोलो कुछ चमका कुछ समझे चौखे कि एल्डिहाइड की माइल रिडक्शन माइल रिडक्शन एजेंट्स रटो एच टू पी डी रिडक्शन करें तो हाइड्रोजन तो आएगा ना तो एच टू पी डी एच टू एन आई एच टू पी डी ठीक है और कीटोन की माइल रिडक्शन करेंगे एन ए बी एच फोर सोडियम बोरोहाइड्राइड ठीक है और एसिड की स्ट्रॉन्ग बट ना क्या है ये बहुत महंगा आता है ये येले येले जो है ना साउथ इंडियन कंपाउंड ये बहुत ही महंगा आता है मतलब अगर तुम वाकई में अपने लैब में बैठ के इसका रिडक्शन करना चाहते हो तो जेबें जो है ना वो बिल्कुल खाली हो जाएंगी बर्बाद हो जाएंगी तो हम क्या करते हैं लेबोरेटरीज में इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं और वो ऑल्टरनेटिव है कि पहले एसिड का स्टरीफिकेशन करा दो फिर इसका एच टू कैटलिस रिएक्शन करा दो तो अल्कोहल जो आ, मतलब बेसिकली एक अल्कोहल जो तुम यूज कर रहे थे वो तुम्हें वापस मिल जाती है और एसिड तुम्हारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बट 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 मेरे बच्चों लिखने के पैसे नहीं लगते तो तुम तो लिख सकते हो अब लिखने के पैसे नहीं लगते मतलब अभी बोर्ड वाले बच्चों को तो लिखना रह सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टिक मार्क करने के भी कोई पैसे नहीं लगते हैं ठीक है थीके? तो आपको तो पैसे खर्च नहीं है है ना तो आप एल आई एल अछोर को बढ़िया माने लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये महंगा तो है ठीक है एक महंगा रिएजेंट है ओके okay, आगे बढ़ते हैं पीसीसी इज ऑल्सो दिस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड यूज ग्रिग्नार्ड्रेजन अब ये भी बहुत ही अमेजिंग सी चीज है और इसको कंप्लीट करने के बाद में हम एनसीआरटी करने के बाद में सीधा नीट के पीवाई क्यू उस पर आ रहे हैं बेटा अच्छे से समझ तो आ रहा है ना सब इसके अंदर क्या है देखो कार्बोनिल कंपाउंड यूजिंग इन रिएक्शन इस रिएक्शन की सबसे खास बात है इसके अंदर हम अपनी चॉइस से अब वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्कोहल्स बना सकते हैं अपनी चॉइस से वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्कोहल्स बना सकते हैं कैसे बनाओगे सबसे पहले वन डिग्री अल्कोहल बनाते हैं वन डिग्री अल्कोहल बिटू वन डिग्री अल्कोहल के लिए तुम्हें कोई सी भी अल्कोहल बनानी हो वन डिग्री बनानी हो टू डिग्री बनानी हो थ्री डिग्री बनानी हो इस वाले रिएक्शन में दो रिएजेंट्स होते हैं एक होगा कार्बोनिल कंपाउंड और एक होगा ग्रिगनाड रिजन इसमें से नीट में क्वेश्चन बनता ही बनता है काफ़ी हाई चांस है कि इस वाले में से क्वेश्चन बने जेई में भी बनता है एक काम की एक मज़ मज़े की बात बताऊँ तुमको जेई वाले बच्चों को नीट वाले बच्चों को और बोर्ड्स वाले बच्चों को लगता है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अलग अलग हैं तुम्हें ऐसा सेशन लेके मैं प्रूव कर सकती हूँ कि जो जेई मतलब एन के लिए अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो जेई में भी उस टॉपिक में से ज़्यादा सवाल आते हैं लेटेस है ओजोन लेसिस ओजोनलिस जेई वाल वाले भी भर भर के सवाल डालते हैं नीट वाले भी डालते हैं और बोर्ड्स तो होता नहीं क्योंकि इलेवंथ क्लास का टॉपिक है तो ये बहुत कॉमन होता है पर बच्चों को पता नहीं होता तो एनी कमिंग बैक टू द पॉइंट ये जेई नीट और बोर्ड्स तीनों के लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है ठीक है जिस जिसका जो जो टारगेट एग्जाम है वन डिग्री अल्कोहल की बात करती हूँ तुमने ये ध्यान रखना है कि तुम एक लोगे कार्बोनिल कंपाउंड ठीक है और एक लोगे तुम

इन दोनों से बनेगा कैसे अब दर्जी बन जाओ टेलर बन जाओ टेलर टेलर कैसे बनोगे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव ठीक है मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव अल्कल पे पार्शियल इलेक्ट्रो नेगेटिव ये है ना मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है मेटल होता है तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है मैग्नीशियम की तुलना में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है अब दर्जी बन जाओ दर्जी क्या करता है सिलाई करता है तुरपाई करता है चीज़ों को जोड़ता है तुमने भी जोड़ना है किसको नेगेटिव को पॉजिटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव से तो तुम बनाओगे एडक्ट कैसे बनेगा एडक्ट कैसे बनेगा एडक्ट देखो एडक्ट बनेगा एच सी एडक्ट में हमेशा एडिशन होता है एडिशन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड पे होता है सिंगल बॉन्ड्स पे एडिशन नहीं होता ठीक है एडिशन हमेशा पाए बॉन्ड टूटता है तब कोई कंपाउंड ऐड हो सकता है तो हम पाए बॉन्ड ब्रेक करेंगे और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहने देंगे और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो उसके साथ हम जोड़ देंगे पॉजिटिव एमजीएक्स और कार्बन जो है वो पॉजिटिव है तो उससे हम जोड़ देंगे नेगेटिव आर ये बन जाएगा तुम्हारा एडिशन प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट का एड ले लो और डक्ट ले लो बन जाएगा एडक्ट इसको हम बोलते हैं एडक्ट एडक्ट की फुल फॉर्म होती है एडिशन प्रोडक्ट ठीक है अब इसमें हाइड्रोलिस की झाड़ू मारनी है हाइड्रोलिसिस की झाड़ू होती है जैसे दिवाली की सफाई में झाड़ू यूज करते हैं सब सफाई हो जाती है ना हाइड्रोलिसिस से ये जो कचरे जैसा दिख रहा है ना ये पूरा साफ हो जाएगा तो बन जाएगा R -CH2 -OH. so, ये क्या है वन डिग्री अल्कोहल इसी में अब तुम ले लो टू डिग्री अल्कोहल कैसे बनती है टू डिग्री अल्कोहल ध्यान से सुनना इसको कैसे बनती है आर सी एच ओ आर डैश एम जी एक्स ठीक है दर्जी बन जाएंगे चार्ज लगा दो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव अल्कार्ब्रो ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव जोड़ दो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो ठीक है क्या करेंगे आर सी ओ एम जी एक्स है ना एच जैसा था वैसा आर दिस इज नोन एज एडिशन प्रोडक्ट इन शॉर्ट एडक्ट मोनिका मैम इन शॉर्ट एम बी मैम ठीक है एडक्ट अब एडक्ट से क्या करेंगे की झाड़ू मार दो हाइड्रोलिसिस की झाड़ू मारते ही तुम्हारा जो एडक्ट है वो क्या बन जाएगा उसका जितना भी कचरे जैसा दिखने वाली चीज़ है ना ओ एम जी एक्स वो ओ एच हो जाएगी तो आर सी एच ओ एच और आर डैश ठीक है अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी एक अलग तरीके से ध्यान से सुनना मिस आउट मत कर देना अभी तो सिर्फ मैं एक बेसिक बेसिक चीज बता रही हूँ ट्रिक तो अब आएगी तीसरा थ्री डिग्री अल्कोहल थ्री डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन आर सी ओ आर डैश किसके साथ रिएक्शन करेगा आर डैश एम जी एक्स के साथ क्या बनेगा एडक्ट सबसे पहले चार्जेस बांट लो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ठीक है तो आर सी आर डैश ओ एम जी एक्स ठीक है और आर डबल डैश कर देते हैं आर डबल डैश ठीक है अब ये एडक्ट है एडक्ट के एडक्ट की सफाई कैसे करते हैं एडक्ट जो थोड़ा जानवर जैसा दिखता है शक्ल से तो उसको थोड़ा खूबसूरत बनाना होता है उसका मुंह धोना होता है कैसे धोते हैं एच ट्री ओ प्लस लगाएंगे आर सी आर डैश आर डबल डैश ओ एच अब सुनो मसला क्या है ध्यान से सुनना ये जो मैंने तुम्हारे सामने पूरी रिएक्शन लिख करके बताई है <coughs> मान लो कि ये एक पार्टी चल रही है अभी तो पार्टी शुरू हुई है है ना ये एक पार्टी चल रही है इस पार्टी के अंदर सबसे पहले तुम्हें ये पहचानना ज़रूरी होता है कि जो प्रोडक्ट है वो वन डिग्री है टू डिग्री है या थ्री डिग्री है तो उसको पहचानने का तरीका है जिसके अंदर सी एच टू ओ एच तुम्हें दिखाई देगा वो वन डिग्री है जिसके अंदर तुम्हें सी एच ओ एच दिखाई देगा सी एच ओ एच वो टू डिग्री है और अगर सिर्फ सी ओ एच दिखाई देगा तो थ्री डिग्री है फिर से सुन लो एक बारी पहचानोगे ही नहीं कौन सा डिग्री है फिर कैसे डिसाइड करोगे इसके अंदर अगर आपको सी एच टू एच दिखाई दे रहा है तो वन डिग्री है सी एच ओ एच दिखाई दे रहा है एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है टू तो डिग्री है और एक बीच हाइड्रोजन नहीं सारी की सारी गुल सी ओ एच तो फिर ये थ्री डिग्री है अब तुम्हें क्या करना है अब वन डिग्री एल्कोहल है वन डिग्री एल्कोहल की पहचान होती है कि सी एच टू ओ एच छोड़ करके तुम्हें एक एल्कोहल ग्रुप नजर आता है वन एल्कोल ग्रुप यू कैन सी अब ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक ही डिश है मेन्यू में कि हम सब पार्टी करेंगे और सिर्फ मैगी खाएंगे ओनली मैगी विल बी द क्योंकि जब एक ही डिश होती है तो हमेशा वो मैगी ही होती है सो so, मैगी है ठीक है अब ये दो दोस्त लोग मिलकर के कर रहे हैं ये पार्टी जिनमें से एक दोस्त यानी हमारा ग्रिगू हर एक में कॉमन है इधर भी ग्रिगू इधर भी ग्रिगू इधर भी ग्रिगु ग्रिगना रिलजन ये ग्रिगू कहते हैं भाई पा पार्टी में एक डिश तो मैं ही लाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे थैले में एक डिश भर के लाऊंगा मेरे टिफिन में ठीक है तुमने कहा भाई डिश ही एक है ये ज़िद्दी है कह रहा है एक तो मैं ही लाऊंगा इसका मतलब जो एल्काइल ग्रुप है वो यहीं से आएगा यहीं से आएगा मतलब एल्काइल ग्रुप ऑफ वन डिग्री एल्कोहल ऑलवेज कम्स फ्रॉम ग्रिगनाड रिएजेंट सोर्स अगर तुम्हें रिवर्स रिएक्शन लिखनी पड़े रिएक्टेंट्स एज्यूम करनी पड़े तो ग्रिगू पार्टी में कह रहा है कि मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा मैं लाऊंगा लिया लिया तू एक ही तो है तू ही लिया तो फिर ये महाराज सिर्फ खाने आ रहे हैं मेरे जैसे ठीक है मैगी बनती तुम खाने पहुंच जाते हैं छोड़ते नहीं हम ठीक है तो ये खाने आ रहे हैं एच सी एच ओ इनके पास कोई एल्का ग्रुप नहीं ये तो मजे करने आ रहे हैं ठीक है दूसरी है टू डिग्री टू डिग्री को कैसे पहचानते हो सी एच ओ एच से ठीक है सी एच ओ एच से पहचानते हो और तुम्हें दो एलकाइल ग्रुप्स आराम से विजिबल होते हैं अब ये वो पार्टी है जिसके मेन्यू में दो डिशेज़ हैं मैगी भी है कोल्ड ड्रिंक भी है मतलब दो चीज़ें पार्टी मेन्यू में दो चीज़ें हैं मैगी एंड कोल्ड ड्रिंक ठीक है ये कह रहा है एक चीज़ तो मैं लाऊंगा अभी लिया लिया, लिया। किसने मना किया तो एक अल्का ग्रुप तू लिया मैगी लिया कोल्ड ड्रिंक मैं ले आऊँगा इसका मतलब इस बार जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन होगा आर सी एच ओ एच थ्री ओ भी लिख सकते हैं बेटा पानी से भी हो जाता है कन्नू ठीक है अब हमारा हम थ्री डिग्री अल्कोहल्स की बात करते हैं थ्री डिग्री अल्कोहल अमीर पार्टी रिच पार्टी मेन्यू में तीन तीन डिशेज हैं मैगी है कोल्ड ड्रिंक है तीसरी क्या रखें तीसरी क्या रखें स्प्रिंग रोल रखेंगे तो मैगी कोल्ड ड्रिंक एंड स्प्रिंग रोल्स ठीक है ग्रिगू कह रहा है एक तो मैं लाऊंगा लूँगा आए भले आना कहता एक से ज़्यादा नहीं लाऊंगा लेकिन इस बार ग्रीगू को अकल आ गई बोला एक से ज़्यादा नहीं लाऊंगा मैं ठीक है सो so, एक डिश ये ला रहा है बचा कौन स्प्रिंग रोल एंड कॉफी थोड़ी थी स्प्रिंग रोल एंड कोल्ड ड्रिंक वो ये ला रहा है कीटोन यानी इस बार एक ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड की जरूरत है जिसपे दो अल्काल ग्रुप कैन बी कीटोन ओनली सो इन वन डिग्री अल्कोहल ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज़ देयर सी एच टू एच को छोड़ के एक ही अलका ग्रुप है और एक अल्काल ग्रुप तो ये लाता ही है तो हमें ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड की जरूरत है जिसमें एक भी अल्काल ग्रुप नहीं विच इज एच सी एच ओ कंक्लूजन वन डिग्री अल्कोहल सिर्फ एच सी एच ओ से बन जाता है सिर्फ एच सी एच ओ मतलब जिसमें अल्कोहल ग्रुप ना हो ऑफकोर्स ग्रिगू तो चाहिए मेन हीरो है हमारी पार्टी का टू डिग्री एल्कोहल जिसमें दो एल्का ग्रुप्स होते हैं सी एच ओ एच छोड़ के एक एल्कॉल ग्रुप कम्स वाया ग्रिगु ग्रिगनाड ड्रीजन एंड द अदर वन कम्स वाया कार्बोनिल तो कार्बोनिल हैज टू बी सम एल्डिहाइड विच विल ऑफर वन एल्कॉल ग्रुप आर सी एच ओ सो आर सी एच ओ एंड द थर्ड वन विद द पार्टी हैज थ्री डिश मेन्यू मैगी अनीशा गरी मोमोज तो मोमोज ही खाएंगे भाई मोमोज मुझे भी अच्छे लगते हैं तो मैगी मोमो कोल्ड ड्रिंक तो अब एक तो ग्रिगू लाता ही है एक एल्कोल ग्रुप वाया ग्रिगु आएगा तो इस बार हमें वो कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जो दो एल्कोहल ग्रुप ला सके कीटोन तो थ्री डिग्री एल्कोहल हमेशा किससे बनेंगे कीटोन से मैम आप खाने आ जाओ मैं सब कुछ बना के रेडी रखूँगा अभी ना आऊँगी मैं ज़रूर आऊँगी बेटा भगवान ने चाहा तो अपन ज़रूर मिलेंगे <coughs> अभी आनंद अरोड़ा ठंड सबर करो सबर करो तो बहुत चीज़ें बाकी हैं अभी एस्ट्रोफिन तो आने लगे तुम सब करेंगे अपन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का डाउट नहीं पूछना है ठीक है ये दो साइड क्यों लगा दी मैंने तो बिना काम किया चलो अब लगा दी है तो तुम करो फिर सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच बताओ कौन सा डिग्री अल्कोहल है कौन सा डिग्री अल्कोहल है बताओ फटाफट सेशन को भी लाइक कर देना वन डिग्री इट इज वन डिग्री अल्कोहल वन डिग्री अल्कोहल में मैंने कहा था सी एच टू ओ एच को छोड़ दो और बचा हुआ है जो सिंगल अल्कोहल ग्रुप मान लो उसको और इसको कौन लाएगा इसका सोर्स कौन है इस रिएक्शन में इसका बिटू सोर्स कौन है मेरे बच्चों सोर्स कौन है सोर्स आगे भी एग्जांपल्स हैं तो और नहीं कर पा एक डिश है तो ग्रिगुल आएगा एक डिश है तो हमारा ग्रिगू लाएगा तो ये एज इट इज़ जो हमने अल्काइल है एल्काइल ग्रुप मार्क किया है ये ग्रिगू की जिम्मेदारी है ठीक है और फिर एम जी एक्स लगा दो भाई ग्रीगू आर एम जी एक्स ही तो होता है तो आर एम जी एक्स का आर ये रहा प्लस एच सी एच ओ वन डिग्री अल्कोहल में ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए होता है जिसके पास अल्काइल ग्रुप ना हो तो एच सी एच ओ है ना अब इसी को एन से ज़रा ठीक से देख लो एक बार कि हाँ मैम हमको आता है बस तो फिर आगे बढ़ेंगे सवालों की तरफ तो ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड है आर एम जिक्स के साथ एडक्ट बनाता है एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट और फिर इसमें हाइड्रोलिसिस की झाड़ू मतलब एच लिख दो इसमें एनसीआर में पूरा एच है तो तुम एच लिख देना इसमें कन्फ्यूज मत होना मैं एच टू लिखें एच प्लस लिखें तो बोर्ड वाले बच्चे एच लिख देना और जई वाले बच्चों को और नीट वाले बच्चों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ लिखा लिखाया आएगा तो एच से भी हो जाता है और एच से भी हो जाता है ठीक है तो ये हो गया आपका आर सी एच टू अब मेरी बात सुनो वन डिग्री अल्कोहल पहचाने जाते हैं सी एच टू ओ एच को देख के तो उनमें जो अल्काइल ग्रुप हुआ यानी सी एच टू एच छोड़ के जो अल्काइल ग्रुप है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पॉन्सर करता है ठीक है टू डिग्री अल्कोहल पहचाने जाते हैं सी एच ओ एच देख के उसमें हमें दो अल्काइल ग्रुप मिलते हैं जिसमें से कोई भी एक इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रिग्नार्ड एंड द अदर वन बाय आर सी एच ओ आर थ्री डिग्री अल्कोहल को सी एच सी ओ एच से हम पहचानते हैं एंड द थ्री अल्काइल ग्रुप्स आर दीज थ्री एंड जिसमें से एक अलकाल ग्रुप स्पॉन्सर कौन करेगा ग्रिगू और बचे हुए दोनों कौन करेगा कीटोन आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन इसका रिएजेंट फटाफट से अपने कॉपी में प्रैक्टिस लगाओ मैं जरा दस सेकेंड बैठ जाती हूं एम बी मैम का एलिफेंट अरे मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया एक टाइम हुआ करता था जब मैं लाइव आती थी तो इतना बच्चा लाइव आ जाता था और सबके सब बच्चे इतने यूनिक यूनिक नाम एम बी का एलिफेंट एम बी एम के चोया एम की बिल्ली तुम्हें तो पता मुझको मेरे घर वाले एम बी की बिल्ली बुलाते हैं मुझको मेरे ही घर वाले एम बी की बिल्ली ऐसे बुलाते हैं क्योंकि मेरी स्टूडेंट थी ज्योतिका बड़ी प्यारी बच्ची आज मैं मुझसे टच में उसने अपना नाम एक साल तक एम एम की बिल्ली रखा हुआ था तो वो मेरे को बड़ा क्यूट लगता था एम की बिल्ली और सारे के सारे तो मैं कहती भाई कौन सा है ये ये <laughs> बी की बिल्ली चूहा शेर शेरनी और पता नहीं कौन कौन अजीब जानवर जिनका नाम भी नहीं जानते तो वो बिल्ली बहुत फेमस हुआ था तो मैं आ, तब से मैं खुद एम की बिल्ली के नाम से जानी जाती हूँ अपने घर में तो <laughs> चलो अब फटाफट देखो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है ओ सी एच ओ एच से पहचाना जाता है टू डिग्री अल्कोहल सो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं ये है आर वन ये है आर टू तो कोई भी एक अल्काइल ग्रुप दे दो सी एच थ्री एम जी एक्स ठीक है और दूसरा अल्काइल ग्रुप आर सी एच ओ का आर है यानी सी एच थ्री सी एच ओ आर सी एच ओ का आर यानी सी एच थ्री सी एच ओ ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है इट्स टू डिग्री अल्कोहल कैन बी रिकॉन्इज बाई सी एच ओ एच सो देर टू अल्काइल ग्रुप्स वन अल्काइल ग्रुप हैज़ कम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट

ठीक है नीट 2021 का क्वेश्चन करो जरा करो बेटा वॉट इज आ यूपीएससी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन सोच समझ के कोई गलती नहीं मुझे चाहिए बिल्कुल भी नहीं तो पिटाई हो जाएगी वेदांत और सानिया सी बोल रहे हैं 2021 में ये क्वेश्चन आया नीट के निशा बोल रही है डी <coughs> राघव बोल रहा है सी नहीं बेटा नवजोत एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे ये यह जो स्टूडियो लाइट्स होते हैं डिजिटल बोर्ड होता है ना इसमें शुरू में जैसे मैं जब मैं फाइल पे काम कर रही तो मुझे ठंड लगती है लेकिन जब हम एक तो बोलना चालू करते हैं बहुत ये गर्मी करती हैं चीज़ें तो इसलिए नहीं लगती है जब बहुत ठंड आएगी तब यहाँ ठंड लगेगी और मुझे ज़रा वैसे भी सर्दी कम लगती है सी ठीक है तो देखो वॉट एसीटोन एसीटोन तो फिर दो एलकाइल ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा है क्योंकि कीटोन तो दो एलकाइल ग्रुप स्पॉन्सर करता है कीटोन दो एल्काल ग्रुप स्पॉन्सर करता है ठीक है उसका रिएक्शन किससे करवाया है ग्रिगू कर कौन है C2H5. तो वन ग्रुप इज दिस ठीक है एक ग्रिगु ने स्पॉन्सर किया दो इसने स्पॉन्सर किए इसका मतलब तीन एल्काल ग्रुप इसका मतलब टर्चरी एल्कोहल तो तुम्हारा टर्चरी एल्कोहल का सी ओ एच लगाओ तुम है ना और फिर तीन एल्का ग्रुप लगा दो सी टू एच फाइव सी एच थ्री सी एच थ्री ठीक है सो इट विल बी टू मीथाइल ब्यूटेन टू ऑल सी इज़ द करेक्ट आंसर निशा करू तेरी पिटाई मैं करो तेरी पिटाई तूने क्यों बोला ये कि मैम टू मिथाइल प्रोपेन ऑल टू ऑल कौन बोलेगा रे ऐसे गलत गलत आंसर दोगे तो कैसे काम चलेगा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन करो 2020 में से इस वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया रिएक्शन बिटवीन एसिटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड विल हाइड्रोलिस वेदांत सबसे पहले आंसर दे रहे आज फिर राघव नैना रिद्धि कहां गई आज के लीडरबोर्ड में सबसे बढ़िया अभी फास्ट एम फास्ट वेदांत चल रहा है हम्म सौम्या चतुर्वेदी वेरी गुड निशा प्रवीण सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि अगर तुम एसिटोन की रिएक्शन कर रहे हो तो दो एल्काइल ग्रुप्स ये स्पॉन्सर कर देगा फिर एक एल्काइल ग्रुप ये स्पॉन्सर कर देगा तो डेफिनेटली थ्री डिग्री एल्कोहल बनेगी तो आइसो सेकेंडरी और आइसो नहीं होते हैं ये थ्री डिग्री होता है क्वेश्चन नंबर फोर करो टू थाउजेंड सिक्स का अच्छा हाँ एक और बात बता दूं बेटा लेट मी जस्ट टेल यू कि नेक्स्ट वीक से तुम्हारा लेवल अप सीरीज़ का टाइम मतलब एक डेज रिस्केड्यूल हो रहे हैं तो मेरा दिन जो है वो फ्राइडे होगा वो ट्यूसडे नहीं होगा तो इसका मतलब जो हमारा अगला है, अल्डेहे, की कर बॉक्सलिक वो फ्राइडे को होगा ट्यूसडे को नहीं होगा इज एवरी वन क्लियर अबाउट इट ठीक है नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा टाइम टेबल बदल रहा है एनीवेज तुम लोग हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तो मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ इथाइलिन ऑक्साइड वेन ट्रीटेड विद ग्रिगनाड रिएजेंट ईल्स अनुष्का ने आंसर सबसे पहले इस वाले इस वाले क्वेश्चन का ए दिया है बट आई विल स्टिल कंफर्म कि आंसर सही है क्या है एम मैम की चुया यस मैम अरे नाम तो बता दे यार सानिया खान ए अनुष्का सी राघव बी, रवि बी, गीतांजलि बी, अच्छा अब सुनो जरा इसको मैं करके बताती हूँ इथाइलिन ऑक्साइड बेटा ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है <coughs> ये इस तरीके का कंपाउंड है इसका मैंने बॉन्ड लाइन बनाया है अब अगर मैं इसका रिएक्शन ना आर एम जी एक्स से करती हूँ आर एम जी एक्स से तो बेसिकली क्या होने वाला है वॉट इज गोइंग टू हैपन सोचो जरा सब बी बोल रहे हैं रिद्धि ये है, बोल रही है सोचो जरा क्या होने वाला है इथाइलीन ऑक्साइड का रिएक्शन जब ग्रिगनारियजन से करेंगे ना तो यहां से बॉन्ड टूटेगा इधर से टूटेगा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ठीक है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो इस पे क्या आएगा ओ एम जी एक्स आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा इस पे आर जुड़ जाएगा फाइनल जो एच टू ओ के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से शुरू करो तुम आर फिर ये सी एच टू फिर ये सी एच टू फिर ये ओ OH, एच क्योंकि ये झाड़ू लग के साफ मुँह धो के आएगा तो ओ OH एच बन जाएगा ना ये अभी तो ये कचरे वाला हो रखा है ओ एम जी एक्स फिर पानी से मुँह धो के आएगा ये ना पानी पानी से मुँह धो के आएगा तो ओ OH एच हो जाएगा ये तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं बेटा ए इज अंश ने सही आंसर दिया था ठीक है ईपॉक्साइड एग्जैक्टली ई भी बोलते हैं वेदांत बिल्कुल सही ठीक है ध्यान से समझ लो इसको कि यहां से ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की और इसमें वन डिग्री अल्कोहल ही बनता है तो दिस इज समथिंग न्यू जो कि नीट में बहुत पूछा जाता है मतलब 2006 का क्वेश्चन तो मैं लाई हूं लेकिन मैंने इसको पिछले कई सालों में बार बार रिपीट होते देखा है ये आया था रिएक्शन ऑफ दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ

फिर पानी से मुंह धोएंगे तो क्या बन जाएगा ओ OH, और ये फिर यहाँ क्या जुड़ जाएगा आर तो आर सी एच टू सी एच टू ओ एच इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा आपका प्राइमरी एल्कोहल ठीक है अब आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन करो मैं थोड़े पुराने लाई क्योंकि नए नए तुम करते रहते हो द एल्किन दिस रिएक्ट रेडिली विद डाइबोरिन एंड द प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कोलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस छठे का आंसर अच्छा ओके okay, ओके okay, बेटा वेदांत क्वेश्चन नंबर सिक्स का जवाब दो हाँ जी बेटा नेहा पांडे अभिनव ने अब सबसे पहले आंसर किया है नैना ने फिर उसके बाद अंश ने फिर गीतांजलि ने और फिर सानिया खान ने बेटू बिल्कुल सही क्योंकि इसके अंदर एंटी मार्कोनिक ऑफ बनेगा तो आपके वनॉल्स बनते हैं और इससे मत कंफ्यूज ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कल हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो इस रिएक्शन का ही पार्ट है ठीक है सो डी इज द प्रोडक्ट तो हमको प्रिपरेशन एल्कोहल्स की पूरी अच्छे से आ गई एल्कोहल्स की प्रिपरेशन हमको पूरी अच्छे से आ गई जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था दो ब्रॉड कैटेगरीज थी एक था एल्कीन से एक था कार्बोनिल कंपाउंड से एक्चुअली एल्कीन में भी तीन कैटेगरीज थी और फिर कार्बोनिल में भी तीन सब कैटेगरीज थी एल्कीन में पहला था एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जिसके अंदर हम डायल्यूट एच्रोसोफोर्स से रिएक्शन कराते हैं मार्कॉनिक ऑफ विद रीअरेंजमेंट मिलता है और दूसरा है हमारा एंटी मार्कॉनिक ऑफ हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन जिसमें हम डायरेक्टली एल्कीन को वन ऑल्स में बदल सकते हैं तीसरा है ऑक्जीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन जिसमें हमें मार्कॉनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है विदाउट रीअरेंजमेंट uh, इधर हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स में तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर तुम लाइक वन डिग्री अल्कोहल्स को माइल्ड रिड्यूस uh, करोगे तो क्या बन जाता है अल्कोहल और अगर आप एसिड्स को स्ट्रॉन्ग रिड्यूस करोगे तो भी बन जाएगा अल्कोहल और अगर आप टू डिग्री अल्कोहल को माइल्ड रिड्यूस करोगे माइल्ड क्या बना रहे थे अल्कोहल बना रहे थे ना तो ऑक्सीडाइज़ करोगे किसको कीटोन को तो क्या बन जाएगा ऑक्सीडाइज़ नहीं रिड्यूस कीटोन को तो क्या बन जाएगा टू डिग्री अल्कोहल क्लियर आयुषी इज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स ओके ओके वैसे तुम इतने रेगुलर बच्चे हो कि तुम में से एक एक बच्चे का अगर मुझे मालूम हो कि कौन किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो और बढ़िया लगेगा ठीक है शॉर्ट नोट में सानिया खान बिटू कैसे लिखना है? सुन ले सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फिनॉल्स की अलग डलेगी ठीक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स दो एरो लगाना पहले एरो के नीचे लिखना फ्रॉम एल्किन्स इधर लिखना फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन से फिर तीन एरो खींचना आज मेरे से टेलीग्राम पे शेयर भी करना फिर तीन एरो खींचना

फ्राम दिस मतलब हम एल्डी हाइड बना रहे हैं सॉरीकोहल्स बना रहे हैं फ्राम एलडी हाइड फ्राम कीटोन फ्राम एसिड एलडीहाइड की माइल्ड रिडक्शन से बनेंगे वन डिग्री एल्कोहल कीटोन की माइल्ड रिडक्शन से बनेंगे टू डिग्री एल्कोहल और एसिड की स्ट्रॉन्ग रिडक्शन से बनेंगे वन डिग्री एल्कोहल ये पूरी की पूरी छह रिएक्शंस तुमको लिखनी है और जो नीट जैसे सानिया नीट की है तो सानिया तू तो ऑक्जी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन का रिएजेंट लिख करके बोलना कि प्रोडक्ट विल बी एंटी मार्कोनिक ऑफ तो ये तुम्हारा पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा अल्कोहल्स की प्रिपरेशन का ठीक है इसके अलावा पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एस से भी बना सकते हैं कि हेलोजन को हटाया और एक्वस के ओएएच एक्वस एन चाहो तो उसको इसमें ऐड कर लेना प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्कालाइट का तीसरा एरो भी डाल देना फ्रॉम एलकाइल हेलाइट्स मतलब इसको बेसिकली तीन मोटी कैटेगरीज में करना फ्रॉम एल्कीन फ्रॉम एलकाइल हेलाइड एंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्काइल हेलाइड में लिखना बाय एसेंट टू रिएक्शन और फिर रिएजेंट लिखना एक्वस के ओए एच या एक्वस एन एच तो ये तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन चार्ट कंप्लीट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फिनॉल्स क्या होते हैं कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं फिनॉल को जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन फिनॉल को क्या बोलते हैं कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं अब फिनॉल की प्रिपरेशन चार है देखो मैं कितनी जल्दी तुमको लर्न करवाती हूँ फिर ये एक क्वेश्चन यहाँ फिनॉल की प्रिपरेशन में से है और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं बेटा सबसे पहले मेरे को बताओ तुमको वो याद है सबसे पहली चीज़ कि आ, हेलो हेलो अरिन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो कि जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ना हेलोल के हेलो, हेलो तो हमने पढ़ा था हेलो अरन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन आसानी से तो नहीं होता याद आया यस और नो में जवाब दो हेलो अरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन आसानी से नहीं होता उसके चार कारण थे एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक इस कार्बन का sp2 टू हाइब्रिडाइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से सख्ती से पकड़ के रखना एक बेंजीन की रिचनेस एक पोलैरिटी कम होती है वो सारी चीज़ें तो हमें पता था कि भाई इसके अंदर आसानी से नहीं होते लेकिन मुश्किल से होते हैं अब मुश्किल देखो कितनी आ रही है तीन सौ तो प्रेशर रखना पड़ रहा है छः सौ तेईस के टेम्परेचर रखना पड़ रहा है एन ओ एच ई एजेंट आर एक्स होता तो भी तो एन ए ओ एच डाल के एक्वस एन ओ एच ई एक्वस के ओ एच डाल के आर ओ एच बना लेते जो भी मैंने तीसरी कैटेगरी ऐड कराइए प्रिपरेशन की ऑफ एलकोहल्स तो में एल्किन कार्बोनल कंपाउंड से प्रिपरेशन सेवच से बन जाता है यहाँ पे तुमको 623 ट्वेंटी थ्री कैलविन टेम्परेचर थ्री हंड्रेड एटमोसफेयर प्रेशर इतना कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाके पहले सॉल्ट बनेगा फिर एच से क्या बनेगा एल्कोहल इसी के अंदर अगर तुम नाइट्रो ग्रुप्स लगाते हो और जितने ज्यादा लगाते हो ये रिएक्टिविटी उतनी ही तेज हो जाएगी ये फटाफट बनने लगेंगे ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं फ्रॉम बेनजीन सल्फोनिक एसिड पहले बना तो ले हम में ओलियम, डाल के बन है. रटो इसको. में ओलियम डालने से बेनजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है ठीक है और इसके अंदर बेस और एसिड दोनों डालने से फिनॉल बन जाएगा तीसरी चीज है फ्रॉम डायजोनियम सोल्ट डायजोनियम सोल्ट का मसला ये है कि जब तुम एनिलिन ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी हमने कि एनिलिन को ठंडे बर्फ के भगोने में जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस पे एनिनो टू एच सी एल के मिक्सचर से ट्रीट कराने पे बेंजीन दो नाइट्रोजन यानी डाई एज एज का मतलब होता है नाइट्रोजन और डाई का मतलब होता है दो

और सीओ सी एन डाल के बनता था साइनो बंजीन सैंडम्यस अभी पानी डालेंगे गर्म करेंगे हल्का सा गुनगुना पानी फिनॉल बन जाएगा अगर वो पानी को गर्म नहीं करे तो केस मत ठोक देना उसके ऊपर कि तुम्हारी ऐसी कितने ऐसी पानी गर्म नहीं करके लाए ठंडे से भी रिएक्शन हो जाती है थोड़ी रिएक्टिविटी स्लो थोड़ी देर पहले जो पहला सवाल था आज के सेशन का उसमें एक कैटलिस्ट नहीं डाला था तो ऐसी तैसी कर दी थी तुमने सवाल की कि कैटलिस्ट नहीं डाला रिएक्शन ही नहीं हो तेरी तो वो नहीं करना थोड़ा पानी ठंडा भी चल जाएगा

रिएक्शन किसको पटको रिएक्शन कैसे होगा देखो

फिनॉल तो फिनॉल एंड एसिडोन आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन तो चार रिएक्शन लर्न करो फटाफट टोटल भी बताती हूँ कितनी लर्न कर ली पहले लर्न कर ली तुमने क्लोरोबेंजीन वाली दूसरी लर्न कर ली तुमने खाली बेंजीन में ओलियम डाली बेंजीन सल्फोनिक एसिड फिर डायजोनियम सॉल्ट फिर ये अब फटाफट फ़त मैं रिएक्शन रिवाइज करवाती हूँ ये तुम्हारा नीट ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है फटाफट फ़त मैं रिएक्शन रिवाइज करवाती हूँ सारी की सारी शुरू से तो अपन ने एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दोनों की प्रिपरेशन एक साथ निपटा ली है पहली क्या थी सबसे पहली फ्रॉम एल्किस तीन सब कैटेगरीज रिएक्शन नंबर वन डायल्यूट एच टू एस ओ फोर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट विद रीअरेंजमेंट रिएक्शन नंबर टू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बी रिएजेंट बी टू एच एक्स एच टू ओ टू पानी के ओ एच तीसरी रिएक्शन ऑक्जी मक्यूरेशन डी मक्यूरेशन मार्कॉनिक ऑफ प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट ये तीन रिएक्शंस में एक कैटेगरी फिनिश होती है चौथी रिएक्शन में नेक्स्ट कैटेगरी शुरू होगी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम एल्डिहाइड वन डिग्री अल्कोहल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम कीटोन टू डिग्री अल्कोहल माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम दिस एसिड वन डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉग रिड्यूसिंग एजेंट हमने छः रिएक्शंस कर लिए और दो कैटेगरीज कंप्लीट की हैं फ्रॉम तीसरी आती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोल फ्रॉम एल्कॉल हिलाइट्स एल्का हिलाइट्स गिव्स एल्कोहल्स ऑन रिएक्शन विद एक्स एन ओ एच याओएच न्यूक्लिफ्लिक सब्सटीट्यूशन एस एन टू सेवन रिएक्शंस कंप्लीटेड आठवीं रिएक्शन क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्टिंग विद विदिवे एट वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर गिव्स फिनॉल एट्थ फिनॉल की प्रिपरेशन आ गई नाइन्थ रिएक्शन आप बेंजीन में ओलियम डालो क्या बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसमें एसिड बेस दोनों डाल दो बन जाएगा फिनॉल टेंथ रिएक्शन अब आ रही है तुम्हारी इलेवेंथ इलेवंथ कौन सी है एनिलिन का डायजोटाइजेशन करा के हल्का गुनगुना पानी डाल दो फिनॉल बन जाएगा और बारहवीं रिएक्शन कौन सी आ गई तुम्हारी आई थिंक ग्यारह या बारह ग्यारह हो गई क्यूमिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा अगर तुम इन ग्यारह रिएक्शन में से मेरे से पूछना चाह रहे हो कि मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है एक पहली थी एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और एक आखिरी है क्यूमीन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट और आखिरी पली ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट ठीक है फिनॉल एंड एसिटोन प्लीज रिमेंबर फिनॉल एंड एसिड इस क्वेश्चन का आंसर करो द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज सेवेंथ वेरी गुड निशा प्रवीण देखो इन्होंने इंटरमीडिएट पूछ लिया तो बाई प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बाय प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी वेरी 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 नाइस 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 इज द ठीक है तो ये आपका इंटरमीडिएट बनता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला ये इंपॉर्टेंट है अब आते हैं सीधा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ लगे हुए हैं क्योंकि मैंने बहुत सवाल लगाए हैं आज तो कहाँ लगाए हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई ये फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई क्या ये मेरे ख्याल से एसिडिटी पे तुम्हें ये पूछा ही नहीं तुमने कि मैम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या वैसे तो मैं इस पर सेशन भी करूँगी अब अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इवन बोर्ड्स के हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन फिर है तुम्हारा क्यूमीन वाला रिएक्शन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तुम्हारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स जिसमें कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप्स लगाने से रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है फिर है तुम्हारा विलियमसन इधर सिंथेसिस फिर एच आई से जो हम बॉन्ड तोड़ते हैं वो हो गया और नेम रियक्शन में कोलबेज एंडमन कहीं लिख लेना ये सारी चीजें इस चैप्टर में से इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा नीट का भी और बोर्ड्स का भी ठीक है जई वाले जो है ना उनको क्या होता है कि बारह शिफ्ट के क्वेश्चन बनाने होते हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट वाले फंडा उतना हेल्प नहीं करता करता तो है मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करता नो no डाउट करता है बट जई वालों को क्या होता है चौबीस पेपर बनाने होते हैं तो ये लफड़ा होता है ठीक है तो अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बॉइलिंग पॉइंट अब बॉइलिंग पॉइंट देखो बॉइलिंग पॉइंट के अब ये रूल तो मैं तुम ऐसे ही रटा दूंगी पाँच मिनट में भारी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना अल्काइल लाइट में भी तो पड़ा था कि भारी होगा वजन बढ़ेगा किसी कंपाउंड का वो चिड़िया उड़ गेम खेला चिड़िया उड़ मैना उड़ कबूतर उड़ टेबल उड़ भारी हो, हाथी उड़ भारी होगा तो कैसे उड़ेगा तो कोई भी कंपाउंड जितना भारी होगा उसके उड़ने में प्रॉब्लम होगी यानी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब जैसे जैसे अल्कोहल्स बड़े होंगे इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉ उनके वॉन्डेबॉल फोर्सेस बढ़ेंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे ठीक है फिर बात करते हैं अपन ब्रांचिंग की ब्रांचिंग तुम पहले ही पढ़े हुए हो कि मैम वन होगा तो बांधना आसान होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ब्रांची ब्रांच ही ब्रांच होगा तो ब्रांच को क्या मैं बोलती हूँ ब्रांचिंग में सर्फेस एरिया कम होता है कैसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम जैसे ये पेंट डेरेवेटिव है इसका ब्रांचिंग करोगे तुम कार्बन तोड़ करके यहाँ से तोड़ करके कहाँ लगाओगे इधर लगाओगे फिर यहाँ से तोड़ करके कहाँ लगाओगे इधर लगाओगे ठीक है यहाँ लगाओगे तो बेसिकली तो ये छोटू मोटू गोल मटोल होता जा रहा है तो जितना छोटू मोटो गोल मटोल सर्फेस एरिया उतना ही कम फुटबॉल हो गया अब बांधोगे कैसे ऐसे ही लुढ़कता रहेगा इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कम टेम्परेचर पर लुढ़कता फिरेगा ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है एल्का एल्कोहल एं, एंड फिनॉल्स का वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और यही चीज़ एन में लिखी हुई है क्योंकि एन लगाती हूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है मैं ये मानती हूँ एन बहुत वैल्यूएबल किताब है तो देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल क्यों ज्यादा होते हैं इसको मैंने हाईलाइट कर दिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम पहला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन आइटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ठीक है एल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ये मिसबिहेव करता है ना ऐसे कभी कभी तुम ये मत समझ रही हूं ऐसे क्यों लिख रही हूं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सेकेंड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तीसरी चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर इसको सपोर्ट करता है इनका वैसे दूसरे क्लासेस ऑफ कंपाउंड से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है चौथी चीज हाँ वही लिखा अदर क्लासेस ऑफ से ज्यादा होता है क्लासेसिलिटी घुलते हैं यार हाइड्रोजन अच्छे मतलब बहुत मिलन सा रहे हैं ये पानी वानी के साथ बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इसलिए पानी में अल्कोहल्स घुल जाते हैं ठीक है, है? चलो अब यही चीज इसमें दे रखी है सॉलिबिलिटी के ऊपर एक बात और है कि जितना एल्कोहल ग्रुप बड़ा होगा ये पूछ की जैसे हिंडर क्रिएट करेगा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो अल्काइल ग्रुप बड़ा होने पर सॉलिबिलिटी घटेगी ठीक है जी अब क्वेश्चन करके दिखाओ विच ऑफ द फॉलोइंग दल इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिनिमम एज क्विक एज यू कैन एज क्विक एज यू कैन मैं देखना चाह रही हूं मेरे कितने बजे खत्म होगा मेरा फाइल बनी हुई नहीं है फोर्टी टू अथ स्लाइड पे अपन अभी सी 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 वेरी गुड क्योंकि ना इसमें ये चार कार्बन आइटम्स का था इसमें ये चार कार्बन आइटम का ये चार कार्बन आइटम का ये पांच कार्बन आइटम का और ये आपका चार कार्बन आइटम का तो हमें पता है हाँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम रखना है तो हमें कम कार्बन आइटम वाला देखना है और और भी कम रखना है तो ज्यादा ब्रांचिंग वाला देखना है तो अगर ये क्वेश्चन होता मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तो ये आंसर होता मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट तो इन तीनों में से कोई होगा इन तीनों में से तो मिनिमम सबसे ज्यादा ब्रांच और सबसे कम कार्बन तो फिर से पॉइंट्स रिपीट कर लो कार्बन जितने ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा ओ एच ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है और एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी ठीक है अब आ रहे हैं एम बिटू केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स मीन ध्यान रखना कि प्रिपरेशन का पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए जिसके अंदर तुम्हारी तीन रिएक्शन वो वाली हैं किसकी एल्कीन से फिर तीन है तुम्हारी कार्बोनिल कंपाउंड की फिर एक है अल्कायल हेलट की और फिर चार हैं फिनॉल्स की तो तीन तीन एक और चार ग्यारह रिएक्शंस तुम्हारी बिल्कुल कंप्लीट अब तक हो जानी चाहिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल बेटू केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स को दो कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड किया है एल्कोहल होता है आर ओ एच ठीक है आर ओ एच तुम चाहो तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ो तुम चाहो तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ो तो दो तरीके की रिएक्शंस ये शो करते हैं कि बॉन्ड कहाँ कहाँ से टूटते हैं हाँ बेटा गीतांजलि सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट बिटू गीतांजलि जितना छोटा है साइंसिन होगा उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी अच्छी होगी ठीक है हाँ एनी वेज तो इधर से तोड़ोगे तो पहली कैटेगरी आ रही है चार्ट बना लो कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स में ओ एच बॉन्ड को तोड़ रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं तो देखो रिएक्शन शोइंग एसिडिटी भाई ओ एच एच जा रहा है तो रिएक्शंस एसिडिटी शो करने वाली होंगी भाई प्रोटोन दे रहे हैं

माइल्ड एसिडिक होती हैं, ज्यादा नहीं होती प्रूव करो अच्छा प्रूव करते हैं पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज कि अगर ये एसिडिक है तो ये मेटल्स जो कि बेसिस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करेंगे मेटल्स जो कि बेसिस होते हैं उनके साथ रिएक्ट ये करेंगे ठीक है तो अल्कोहल्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं फिनोल्स भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं फिनॉल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा एसिडिक होने के कारण मेटल के हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करते हैं तो ये पूरे पेज में एक चीज़ जो सबसे काम किया उसको मैंने एक पॉइंट में डाल दिया है रिगार्डिंग दिस थिंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ वेच बॉन्ड पहला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो एल्कोहल्स एज वेल एज फिनॉलॉल्स आर माइल्डली एसिडिक सो दे रिएक्ट विद मेटल्स और देयर हाइड्रोक्साइड्स एल्कोहल्स आर फर्दर मोर मतलब लेस एसिडिक फर्दर लेस एसिडिक ठीक है तो जितना एल्कोहल क्योंकि कम एसिडिक है तो वो मेटल के साथ ही खाली रिएक्ट करता है उसके हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं करता लेकिन फिनॉल थोड़ी ज्यादा एसिडिक है तो मेटल और उसके हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ करती है रिपीट करूँ पहला पॉइंट एल्कोहल एंड फिनॉल की एसिडिटी प्रूव करनी है मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा दो ठीक है ये देखो रिएक्शन करा के सॉल्ट बना रखा है ठीक है अब एल्कोहल बिल्कुल कम एसिडिक होती हैं तो वो सिर्फ सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और फिनॉल थोड़ी ज़्यादा एसिडिक होती हैं तो मेटल और उनके हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन करती हैं पॉइंट नंबर टू में आते हैं रिगार्डिंग एल्कोहल्स की रिलेटिव एसिडिटी बेटा जितना एसिड गरीब होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा गरीब ज़्यादा तड़पा हुआ होता है ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिटी इन्हेंस होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी बढ़ डिक्रीज होती है तो देखो इधर ये थ्री डिग्री एल्कोहल है ये टू डिग्री एल्कोहल है ये वन डिग्री एल्कोहल है इन तीनों में कंपेयर करो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री जितना अमीर उतना घटिया एसिड और जितना तड़पा हुआ गरीब उतना अच्छा एसिड प्लस आई ग्रुप्स एसिडिटी को हमेशा डिक्रीज करता है माइनस आई ग्रुप्स एसिडिटी को हमेशा इंक्रीज करते हैं ये देखो इसके पास एक प्लस आई है इसके पास दो प्लस आई हैं पता ना, है ना अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं इसी को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं इसके पास तीन तीन प्लस आए हैं बेटा तो बहुत अमीर है झेल लेगा हाइड्रोजन को क्यों डोनेट करेगा तो जितनी अमीर होंगी एसिडिटी उतनी कम उतनी कम हो जाएगी तो वन डिग्री टू डिग्री, डिग्री थ्री डिग्री दो पॉइंट्स बन गए हैं दो पॉइंट्स बन गए हैं पहला पॉइंट एल्कोहल्स एंड एज वेल एज फिनॉल्स आर माइल्डली एसिडिक एल्कोहल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स वैल्ड फिनॉल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दूसरा पॉइंट रिगा एल्कोहल्स के अंदर जो रिलेटिव एसिडिटी होती है वो वन टू थ्री डिग्री के ऑर्डर में घटती है तीसरा पॉइंट एल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर अगर तुम पानी और एल्कोहल का कंपैरिजन करोगे तो एल्कोहल वीकर एसिड्स होते हैं क्योंकि अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट ये जो अल्कोहल है उसका कॉन्जुगेट बेस आर ओ माइनस ये नहीं ये बना रखा आर ओ माइनस ये कम स्टेबल होता है पानी का कॉन्जुगेट बेस ओ एच माइनस ज्यादा स्टेबल होता है कारण कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज अ नेगेटिवली चार्ज स्पेशी कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और नगेटिवली चार्ज स्पेशी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन से फिल फिल होती है भरा होता है जैसे मैम ने खूब सारा खाना खा रखा है और निशा प्रोवीन कह रही है मैम मेरे सेवियों वाली खीर है वो तो खाओ ना तो मैं कह रही हूँ कि व्यूटर मुझे नहीं खानी है मैं बहुत फुल हूँ तो मैं अनस्टेबल हो जाऊँगी ठीक है तो कार जो आपका कॉन्जुगेट बेस होता है एसिड का वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो नेगेटिव चार्ज वाला होगा तो, तो उसको और चार्ज दोगे प्लस आर के थ्रू तो उसकी क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है तो कॉन्जुकेट बेस एनायन है और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है इलेक्ट्रॉन डोनर इसको डिस्टेबलाइज करेगा तो एल्कोहल्स का कॉन्जुकेट बेस कंपेरेटिवली अनस्टेबल होता है ठीक है और पानी का कॉन्जुकेट बेस कंपेरेटिवली स्टेबल होता है ठीक है तो तीनों पॉइंट अच्छे से लर्न हो गए क्या क्या थे एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर माइल्डली एसिडिक तो एल्कोहल्स रिएक्ट्स विद एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करते हैं एल्कोहल मेटल्स के साथ फिनॉल्स थोड़े ज्यादा एसिडिक होते हैं मेटल और उनके हाइड्रोक्साइड के साथ Among alcohol, one to three degrees the order of decreasing acidity, and uh, alcohols are more acidic. Alcohols are less acidic than water. यहाँ एक relative order आया है phenols वाला. Phenol stronger acid है alcohols and water से. इसका मतलब चौथा point क्या है? कि सबसे ज़्यादा phenols acidic है. Phenols के बाद में फिर water acidic है और water के बाद में फिर alcohols acidic. एक हाईलीगोस्टिक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज धर रखा है तुमने. तीन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हेड्स टू कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट सेल्फ so you can see three resonating structures where it is carrying positive charge so resonating structure is structures of phenol is not as stable as that of phenoxide iske conjugate base zyada stable hota hai usme oxygen ka ego jo hai wo apni jagah reh jata hai इसीलिए phenol acidic होता है phenol H+ को फेंक देता है कि मैं positive charge carry कर रहा हूँ मुझे positive charge carry नहीं करना तुम निकलो यहाँ से ठीक है तो hydrogen को फेंक देता है और यही कारण है phenol acidic होते हैं और इसीलिए फिनॉल मेटल्स और उनके हाइड्रोक्साइड्स दोनों से रिएक्ट करते हैं ठीक है तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया चौथा पॉइंट उसके बाद में यही बता रखा है कि देखो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होता है फिनॉक्साइड का ये लेस स्टेबल होता है ये लेस स्टेबल होता है ठीक है और ये मोर स्टेबल होता है ये मोर स्टेबल होता है और इसीलिए फिनॉल्स कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं ओके आगे बढ़ते हैं ये फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ईगो हर्ट नहीं हो रहा है फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ईगो है हाँ चार्ज सेपरेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न अगर क्या होता है किसी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं ना तो वो तड़पे हुए चार्जेस कहलाते हैं जैसे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीन स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है और तो तड़पे हुए होंगे ना तो फिर वो आ, कहते हैं ना ही हीरझा को क्लास के भी तो ही हीरझा होते हैं ना उनको दूर दूर बिठाओगे तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते रहेंगे इशारेबाजियाँ कर करके उनको पास पास बैठा दो जो बाकी लोग पढ़ाई कर सके आराम से बैठ के तो चार्ज सेपरेशन डी स्टेबिलाईज और क्यों तो एक तो ऑक्सीजन का ईगो हट हो गया पॉजिटिव चार्ज ठीक है दूसरा प्लस माइनस आर ही रनज ऑफ द क्लास लेट देम बी यूनाइटेड लेट देन लेट अस नॉट सेपरेट देम ठीक है इनको सेपरेट नहीं करेंगे अपन सेपरेट करेंगे तो लफड़ा होगा तो उस हिसाब से तो मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है इन तीनों में से सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है बताओ ए बी सी में से बता दो बीच वाला सानिया खान कह रही है बीच वाला क्योंकि इसमें बेचारे तड़प तड़प की तुमने उनको कितना दूर बिठा दिया रे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को कितना दूर बिठा दिया टीचर कान पकड़ के बिठा देते तुम दोनों अलग अलग बैठो उधर हालांकि मैं तो ऐसी टीचर भी हूँ बैठोगे बेचारे मुंह लटका के बैठे हुए तो तो पास पास बिठा पास पास ठीक है so this is least stable. Okay? तो ये हो गया तुम्हारा काफी सारे अपन ने याद कर लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉइंटर्स को ताकि अच्छे से हो जाए अपना पहला पॉइंट था कि एल्कोहल्स एंड माइल्ड एसिडिक जिसमें से एल्कोहल सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है उसके हाइड्रोक्साइड्स के साथ एल्कोहल्स की रिलेटिव एसिडिटी वन टू थ्री डिग्री के ऑर्डर में घट जाती है एल्कोहल्स पानी से ज़्यादा एसिडिक पानी से कम एसिडिक होते हैं ठीक है और ये फिन जैसे कि अभी गीतांजलि ने आई थिंक पॉइंट आउट किया कि इसका डिटेलिंग कर दो तो फिनॉल्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो कारणों से तड़पे हुए होते हैं ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होना ही तड़प है एक और प्लस और माइनस को दूर दूर बिठाना तो और भी बढ़ी है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस मैंशन किया था अपन ने कि फॉल्स सबसे ज्यादा एसिडिक फिर पानी फिर एल्कोहल और फिनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इतनी तड़प नहीं होती क्योंकि देखो चार्ज सेपरेशन नहीं होते ओनली नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो एक ही पार्टनर है दूसरा है ही नहीं तो देर इज नो तड़प ठीक है तो ये हो जाएगा अपना स्टेबिलिटी प्लस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज भी नहीं है ठीक है मूविंग अहेड अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा नीट क्वेश्चन बने हुए हैं सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कि अगर तुम फिनॉल्स को नाइट्रो ग्रुप से सब्सिट्यूट कर दो तो फिनॉल्स की एसिडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और अगर तुम फिनॉल्स को मिथाइल से सब्सटीट्यूट कर दो क्रिसोल्स में याद करो मैंने शुरू में बताया था मिथॉइल तो फिनॉल्स की एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ता है बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाएगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा और जब एसिडिटी बढ़ती है तो पी जो है वो क्या हो जाता है कम एसिडिटी और पी इनवर्स होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ठीक है तुम्हें कौन सबसे बढ़िया एसिडिक लग रहे हैं तुम्हें नाइट्रोफिनोल सबसे बढ़िया एसिड्स लग रहे होंगे क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इनको तगड़ा एसिडिक करेगा तो इनके पीके ए कम है मेटा पोजिशन पर नाइट्रो बेचारा कुछ काम नहीं कर पाता पावरफुल नहीं होता इसलिए मेटा का पीके ए इन दोनों से ज्यादा है क्योंकि उसकी एसिडिटी कम है पीके ए ज्यादा एसिडिटी कम मेटा वाला वीकर एसिडिक है सिंपल फिनॉल का दस है मिथाइल ग्रुप लेते ही मलिया मेट गुड़ का गोबर तुमने सी एच थ्री ग्रुप इंट्रोड्यूस किया क्रिसोल है सी एच थ्री ग्रुप इंट्रोड्यूस किया सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन देगा उसको अमीरी का एहसास करेगा अमीर मतलब वीक एसिड तो ये देखो इनका बढ़ गया क्रिसोल्स का टेन पॉइंट टू टेन पॉइंट वन टेन पॉइंट टू और इथेनॉल का तो बिल्कुल ही मतलब गुड़ का गोबर हो गया फिफ्टीन पॉइंट नाइन हो गया पीके विच मींस एल्कोल्स आर मच लेस एसिडिकीनॉल्स ठीक है अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा इस्टरिफिकेशन अनेदर येट इम्पोर्टेंट येट अनेदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज ईस्टरीफिकेशन अब बेटू ईस्टरीफिकेशन क्या होता है वो सुनो ईस्टरीफिकेशन जब तुम एसिड्स और एल्कोहल्स को मिलाते हो तो जो कंपाउंड्स बनते हैं हम उनको बोलते हैं ईस्टर्स एसिड्स और एल्कोहल्स को मिलाने से जो कंपाउंड्स बनते हैं <laughs> उसको हम क्या बोलते हैं बेटा मेरी वोकेबलरी मैं बहुत सिंपल हूँ मेरे को ऐसे ज़्यादा कोई तगड़ी वोकेबलरी नहीं आती है मेरे को कुछ भी नहीं आता बस यह, यही यही बोलती रहती हूँ मैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चे तो बहुत वैसे मतलब लैंग्वेज हाई फाई होती है उनकी मेरी तो बहुत फर्जी है मुझे पानी लग, लेके आना है गर्म करके ईस्टर्स की भी बिल्कुल सही वेदांत ईस्टर्स की भी फ्रूटी स्मेल होती है हालांकि कुछ नहीं होती सड़े हुए गले हुए फ्रूटो जैसी स्मेल होती है ईस्टर्स की मतलब ऐसे वो पॉपिंस नहीं होती पॉपिंस खाई कभी तुमने ठीक है तो पॉपिंस ओके सो ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है एसिड और एल्कोहल को मिक्स करके ईस्टर बनाते हैं एसिड और एल्कोहल को मिक्स करके ईस्टर बनाते हैं तुम्हें ये ध्यान रखना ईस्टर की भी तुम दो चार बातें ध्यान रख लो एक तो ओ OH एच के बीच में से टूटता है यहाँ से ईस्टर में एल्कोहल हाइड्रोजन देता है और एसिड ओ एच कितने अजीब बातें ना उल्टा लग रहा है ना ऐसा लग रहा है एसिड है तो एच प्लस देना चाहिए पर इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है जिसमें एसिड जो होता है वो ओ OH एच देता है और एल्कोहल खाली एच देता है एसिड ओ एच देता है और अल्कोहल जो है वो खाली एच देता है ठीक है अल्कोहल ओ एच देता है और, खाल, OH देता और खाली एसिड जो है वो एसिड ओ एच देता है और अल्कोहल खाली एच देता है अब तुम्हें क्या करना है पॉइंट नंबर वन इस्टरिफिकेशन का राघव ने लिख दिया है कि अल्कोहल कंपल्सरी है ठीक है अल्कोहल कंपल्सरी है तुम्हें एसिड भी मिल सकते हैं एसिड के रिश्तेदार भी मिल सकते हैं डेरीवेटिव ऑफ एसिड बट एल्कोहल्स का होना तो मस्ट है अगर एल्कोहल नहीं है तो स्टेरिफिकेशन नहीं होगा अब वो 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 एल्कोहल भी हो सकती है फिनॉल भी हो सकता है मीन्स हाइड्रॉक्सी ग्रुप कंपाउंड शुड भी मस्ट ठीक है एसिड्स या उनके रिश्तेदार हो सकते हैं इनका स्टेफिकेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है और आर सी ओ आर ओ के साथ जुड़ जाएगा जिसमें आर सी ओ का फ्रेगमेंट एसिड फ्रेगमेंट होगा और ओ आर विल भी एल्कोहल का टुकड़ा अब देखो स्टेरिफिकेशन में अपन क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है ना कि अल्कोहल का होना कंपलसरी और वो बीच में से टूटती है ये सी के बाद से बीच में से ओ बीच में से और एसिड सी के बाद से ओ बीच में से और एसिड सी के बाद से बीच में से ओ बीच में से बीच में से ओ और एच के बीच में से और ये सी के बाद ओ एच के बीच में से सी के बाद ओ एच के बीच में से सी के बाद बन जाएंगे भाई प्रोडक्ट क्या करना है आर ओ ओ सी आर ये देखो ना ये बन गया ईस्टर पानी बच गया हाइड्रोजन और ओ एच पानी आर ओ ओ मतलब सी ओ आर ठीक है ये बन गया ईस्टर क्या बन गया बचा क्या एनहाइड्रेट का तो मैं तुम्हें करके ना दिखा दूँ बेटर रहेगा कि एनहाइड्रेड वाला तो करके दिखा दूँ एनहाइड्राइड मालूम क्या होता है आर सी ओ सी ओ आर डैश ठीक है इसके साथ किसका रिएक्शन करते हैं अपन आर ओ एच का तो मैंने क्या ना? कहा था इसको बीच में से और इसको सीओ के बाद से ये बाई प्रोडक्ट है ये बाई प्रोडक्ट है तो ये बन जाएगा r-cooh r-cooh बाई प्रोडक्ट r-cooh बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट वही तुम्हारा एस्टर hcl विल बी बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट ईस्टर। सो अगेन द सिंगल सिंगल थंब रूल ऑफ एस्टरीफिकेशन इज कि अल्कोहल का होना कंपलसरी है एल्कोहल का होना लिख दो चैट बॉक्स में एल्कोहल का होना मुझे कोई चीज़ तुम्हें याद करवानी होती है मैं चैट बॉक्स में लिखवा लेती हूँ एल्कोहल का होना कंपल्सरी है बेचारे जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे मैं का लिखें एल्कोहल का होना कंपल्सरी है ईस्टर एसिड या उसके रिश्तेदार हो सकते हैं ठीक है एल्कोहल को ओ के बीच में से तोड़ दो एसिड को सी के बाद से फोड़ दो बन जाएगा तुम्हारा ईस्टर ठीक है तो ये देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो था ना वो एसिड का डेरिवेटिव था तो इन दोनों में से एक्टिव ग्रुप कौन होगा जो स्टेडिफिकेशन पार्टिसिपेट करेगा ओ OH. एच OH ओ एच विल बी द एक्टिव ग्रुप ठीक है ओ OH एच को बीच में से तोड़ दो और इसको सी ओ के बाद से तो सी एच थ्री सी डब्लू एच तो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा और ओ सी ओ सी एच थ्री एस्प्रिन दिस विल बी योर मेन प्रोडक्ट ठीक है इसको ये भी स्टेडिफिकेशन का पार्ट है तो एसिडिटी भी कर लिया और स्टेडिफिकेशन भी कर लिया टिक मार दे इन्वॉल्विंग ओ एच बॉन्ड ब्रेकिंग में रिएक्शन शोइंग एसिडिटी कर ली एसिडिटी में क्या क्या पड़ा एल्कोल्स एंड फिनॉल्स दोनों एसिडिक होते हैं फिनॉल्स थोड़ी ज़्यादा एसिडिक होती हैं तो एल्कोहल्स सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं फिनॉल मेटल और उनके हाइड्रोक्साइड के साथ देते हैं एल्कोहल्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी वन टू थ्री डिग्री होता है फिर उसके बाद हमने एक ऑर्डर कम्प्लीट किया था कि फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिर पानी होता है फिर एल्कोहल्स होता है और फिर हमने ये बताया था कि फिनॉल खुद इतनी स्टेबल नहीं होती क्योंकि चार्ज अप्रेशन भी रहता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और फिर लास्ट एंड लॉर्ट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एसिडिटी का था कि नाइट्रो ग्रुप से फिनॉल्स की एसिडिटी इनहांस होती है मेटा पे थोड़ा कम इन्हांसमेंट होगा और मिथाइल ग्रुप से फिनॉल्स की एसिडिटी डिक्रीज होती है रिवाइज हो गया पूरा मिथाइल ग्रुप से फिनॉल की एसिडिटी डिक्रीज होती है पी के इंक्रीज़ हो जाएगा ठीक है सबको रिवाइज हो गया रिगार्डिंग स्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एल्कोहल हैज़ टू बी भी दच ग्रुप कंपाउंड हैज टू बी दे बल्कोहल मे बी बीनॉल बट ओ एच वाला कंपाउंड होना चाहिए फिर एसिड या उसका डेरिवेटिव चलेगा दूसरा पॉइंट क्या है ओ एच को बीच में से ब्रेक करना है और एसिड या उसके डेरिवेटिव को सीओ के बाद से ब्रेक करना है बच्चा खुचा माल कचरे के डिब्बे में बाई प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट विल बी इस्टर दोनों कंप्लीट हो गए अब ये स्टार्ट करते हैं चलो ओ एच बॉन्ड तो दो दो तरह के रिएक्शन में तोड़ लिया एसिडिटी एंड इस्टरिफिकेशन अब बिटू अपन तोड़ेंगे सी ओ ब्ड ये वाला बॉन्ड टूटेगा ठीक है सी ओ बॉन्ड तोड़ना है ये तुम पढ़ चुके हो अभी अभी क्लास के शुरू में ही तुमने मेरे को मतलब गलिया दी थी मैं आई मीन मतलब मैंने तुमको सुना दिया था कि आर ओ एच का एच एक्स के साथ रिएक्शन होगा तो आर एच प्लस बन जाता है रिएक्शन एच एक्स के साथ भी हो जाता है ठीक है रिएक्शन एच एक्स के साथ भी हो जाता है टू प्लेज द द द रोल ऑफ ऑफ अ रेट रिएक्शन एंड इन केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स लुकास रिएजेंट पूरा मिलके फेल हो जाता है तो फिर खाली एच सी एल क्या ही उखाड़ लेगा तो लुकास रिएजेंट एग्जैक्टली तो बेसिकली प्राइमरी एल्कोहल खाली एच सी एल के साथ तो कत्ते ही रिएक्शन नहीं करेगा ठीक है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होती है इसके अंदर ये लुकास टेस्ट होता है ये इसमें टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी जिसके विजुअल्स तुम बड़े प्यारे से वहाँ देख चुके हो है ना कहाँ पे पिछले चैप्टर में फिर है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन ये अगर तुम इनकी हमेशा देखना आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है पिछले पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा कौन आयोडाइड लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन आयोडाइड और जो इस वाले रिएक्शन में लुकास टेस्ट में सबसे अच्छा कौन आयोडाइड अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल ये पढ़ चुके हो थ्री डिग्री टू डिग्री एंड वन डिग्री प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म आर एक्स बायू रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल एसन टू रिएक्शन से आर एक्स बनाते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर एक्स बनाते हैं एस एन वन से प्राइमरी एस एन टू से सेकेंडरी एस एन वन से नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन करो पटाफट -पटा. वेरी गुड रद्दी 2023 में नीट में नीट का तो पेपर भी बेचारा एक ही होता है तो वेरी गुड राघव कन्नू निशा प्रवीण वेदांत वेरी गुड कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी क्या करना है टू मिथाइल ब्यूटेन टॉल का एच के साथ रिएक्शन करके तुमको ये प्रोडक्ट बनाना है क्या हो रहा है एच हो रहा है एच का मतलब अपना वो एल्कोहल से एल्काल हेलाइड बना रहे हैं अपन जो अपन अपने अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड बना रहे हैं बेसिकली ठीक है तो अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड न्यूक्लोफिल सब्सटीट्यूशन से बनता है ये अपना हिलोल केलोरीन -हिलो वाले चैप्टर में पहली पहली रिएक्शंस थी जिसमें अल्कोहल रिएक्ट्स विद एच एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे यहाँ हमने एच एक्स दिया पर कैटलिस्ट नहीं दिया ठीक है बट ये कार्बोकेटन मैकेनिज्म से होगा और कार्बोकेटेन मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होता है इसलिए आपका प्रोडक्ट हो जाएगा फोर्थ मतलब आपका ओ एच हटेगा यहाँ से लेकिन इधर कार्बोकेटाइन बनेगा ना तो आपका ब्रोमाइडाइन आएगा यहाँ पे क्योंकि वो कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टू से थ्री डिग्री में रियरेंज हो जाएगा मॉडर्न मार्कोनिक ऑफ टाइप का नेक्स्ट आता है ये ध्यान है सबको पीसीएल फाइव पीसीएल थ्री वाला पीसीएल फाइव के साथ बाय प्रोडक्ट मैंने पिछले चैप्टर में लर्न करवा दिया था किट विथ पी सी एल फाइव टू फॉर्म पी ओ सी एल थ्री एंड आर ओ एच रियक्ट विथ पी सी एल थ्री टू फॉर्म एच थ्री पी ओ थ्री सो देर आर सो मेनी ऑफ द थ्री बिकॉज थ्री मोल ऑफ आर react with विद to form थ्री टू फॉर्म थ्री मोल ऑफ So there एंड एच थ्री पी in थ्री सो You आर सो learn थ्री इन द रिएक्शन यू कैन ईजीली लर्न इट ठीक है ये तो मैं पिछले रिएक्शन करवा दिया था डार्जन प्रोसीजर जिसमें आर ओ एच रिएक्ट विद एसोसिएल टू दिस इज द बेस्ट रिएक्शन सब्सटीट्यूशन न्यूक्लोफिल इंटरनल आर एक्स रिएक्ट आर ओ एच रिएक्ट विद एसोसीएल आर सी एल प्योर प्रोडक्ट मिलता है बेस्ट ईल्ड मिलती है क्यों क्योंकि बाई प्रोडक्ट इज बाई प्रोडक्ट आर मेरा तो बहुत बुरा हाल है रे सच्ची मेरा यही होने वाला है एक दो सालों के बाद में मैं बिल। <laughs> एक दो सालों के बाद में मेरा क्या होगा सब कंटेंट बना रहे हो उधर एम मैम एक नालायक बच्चे की तरह कोने में खड़े होके क्या कर रही होगी रट रटरी होगी <laughs> क्योंकि गलती हो जाती है स्पेलिंग में एकदम कोने में बच्चों के सामने बेइज्जती नहीं हो जाए टेलिंग के ठीक तो बाई प्रोडक्ट आर एस्केपेबल गैसेस सो तो मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें क्यों प्योर यील्ड में मिल जाता है ठीक है अच्छा इसके अंदर एक बात ध्यान रखना जेई नीट वाले बच्चे बोर्ड्स में नहीं जाएंगे इस लेवल तक बोर्ड्स में तो बस तो तो वो एसओसीएल टू पूछेगा तो ओएच हटा के तुमको सीएल लगाना है ठीक है सी यू ई टी में शायद पूछ ले लेस चांसेस बट पूछ सकते किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना खाली सी ओ सी एल टू लगाए एसो SO, सी एल टू लगाएंगे तो रिटेंशन होता है लेकिन अगर पिरीडीन की प्रेजेंस में एसोसीएल SO, टू लगाएंगे तो इन्वर्जन होता है इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा सेम बनेगा खाली एसओ SO, सी एल टू लगाएंगे ना तो बस ये देख लेना कि पिरीडीन है कि नहीं है डार्जन प्रोसीजर में तो ये हो जाएगा अपना ओ OH एच की जगह तो सी एल आ गया ना ओ OH एच की जगह आ गया आलू ले प्याजले की तुमको आवाज़ आ रही है फिर ये एच सर्दियों में हर आवाज़ इतनी तेज़ आती है ना सी एच थ्री ये एज इट इज़ बस ओ OH एच हटा के क्या लगा दिया वो तो ग्रेडी वाला आता है ना आलू प्याजले मेरे कान में चीख है आलू ल्याजले ले नहीं लेना नेक्स्ट <coughs> देखो इससे इन्वर्जन हो जाएगा अब इसमें क्या होता है देखो प्रायोरिटी ग्रुप्स ये वन है ये टू है ये थ्री है और ये फोर है तो वन टू थ्री फोर एंटीक्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस है ये है एंटी प्रायोरिटी ग्रुप्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो 1। फिर कार्बन इधर एक के इधर खूब सारे हैं तो ये ये हो हो जाएगा फिर ये 3 हो जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन सबसे चंदी फोर हो जाएगा अब इसका एंगल ऑफ रोटेशन देखो तुम वन से टू पे जाओ टू से थ्री पे जाओ तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब ये एस है अब अगला तुमको जो प्रोडक्ट बनाना है ना मतलब पीरिडिन की प्रेजेंस में वो आर होना चाहिए ठीक है आर होना चाहिए तो ओ एच की जगह क्लोरीन लगा दिया और फिर इधर क्या लगा दिया अपन इधर लगा दो तुम बेंजीन पेंजीन क्लोरीन हाई से हाई प्रायोरिटी हो जाएगा यहाँ पे ठीक है और इधर आ जाएगा तुम्हारा सी एच थ्री और फिर ये हाइड्रोजन तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी तो तुम अब क्लॉकवाइज घूम रहे हो मतलब आर विल बी द प्रोडक्ट तो बस इतना ही ध्यान रखना कि एसओसी एल टू की प्रेजेंस में जो आपका प्रोडक्ट होता है अगर पिरीडिन के एब्सेंस पिरीडिन नहीं लेते हो तो रिटेंशन होता है और पिरीडीन लेते हो तो इन्वर्जन होता है ठीक है ये एसिड डिहाइड्रेशन जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा और नीट के लिए मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होता है एसिड डिहाइड्रेशन एसिड डिहाइड्रेशन क्या है इसके अंदर तुमको कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है बेटा देखो एल्कीन में हाइड्रेशन कराते हो तो एल्कोहल बनता है और एल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराते हो तो एल्कीन बनता है एल्कीन की हाइड्रेशन कराते हो तो एल्कोहल बनता है और एल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराते हो तो वापस से एल्कीन बनता है डायलूट एच टू एसओ फोर डाला अपन तो एल्कीन की हाइड्रेशन हो गई डायलूट एच टू एसओन की डिहाइड्रेशन हो गई ये तो बढ़िया है ना तरीका याद रखने का कि एल्कीन में पानी डालना है विद एसिड एसिड कैटेड हाइड्रेशन तो बन जाएगा एल्कोहल लेकिन एल्कोहल का पानी उड़ाना है तो पानी हमेशा कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स के थ्रू उड़ाया जाता है डिहाइड्रेशन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रटेड एसिड्स सोसेंट्रेट एस टूस से क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन टेम्परेचर ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट अगर टेम्परेचर थोड़ा भी कम किया ना तो एल्किन के बजाय ईथर्स बनने लगते हैं जो आगे, आगे में पढ़ाऊंगी सो फोर फोर्टी थ्री के टेम्परेचर का तुमको ध्यान रखना एच थ्री पी ओ फोर की प्रेजेंस में एच टू एस ओ फोर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में डिहाइड्रेशन बहुत ईजिली हो जाता है ठीक है देखो एच थ्री पी ओ फोर तुमने एटी सिक्स परसेंट लिया है डिहाइड्रेटो कैल्किन बन गया ट्वेंटी परसेंट लिया थ्री हंड फिफ्टी एट क्योंकि टर्चरी एल्कोल है रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो अगर एल्कोहल तुम टर्चरी ले रहे हो तो तुम टेम्परेचर भी कम ले सकते हो और डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो ठीक है और अब इसका मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म मैं ईथर के टाइम पे और अच्छे से पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं दोनों मेकानिज़म्स ऑल टुगेदर पढ़ाती हूँ क्योंकि इन्हीं अल्कोहल से अगर आप 443 फोर्टी थ्री केलवेन पर कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोस फोर लेते हो तब तो एल्कीन बनता है लेकिन 413 वन थ्री के एलवन पे लेते हो तो ईथर बनता है तो दोनों मैकेनिज्म साथ साथ पढ़ने के मजे ही अलग है है ना कि भाई टेम्परेचर टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ गया तो वो बहुत अमेजिंग है बट टिल देन तुम इसको समझ लो एक बारी जब भी तुम्हें एच प्लस दिखें और लोन पेयर वाले ऑक्सीजन दिखें तो हमेशा एच प्लस को चिपका देना उस पर और फिर ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा एलिमिनेट इथाइल एग्जोनियम आयन आता है स्लोली एलिमिनेट हो जाता है कार्बोकटाइन बनता है और फिर ये इधर गिर करके एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है ईवन ई टू मैकेज़म्स के बारे में मैंने तुमको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था जिसमें याद करो कि ई टू में स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है ईवन में वीक बेस होता है E2 जो होता है वो बाई मोलिक्यूलर होता है इसलिए उसके अंदर बेस का अटैक ऑल टूगेदर होता है बेस अटैक करता है और एक साथ ही वो सब जो भी लिविंग ग्रुप जाते हैं और E1 जो था उसके अंदर बेस का अटैक होने से पहले बेस फुद्दो होता है बिल्कुल चिंदि छाप बेस अटैक ही नहीं कर पाता तो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो कौन सा होगा ई टू वीक बेस लोगे तो ई होगा ये मैंने तुमको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था ठीक है तो ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हें अभी के लिए तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि येस मैम भाई एसिड कैटेलाइज है मतलब H2SO4 ले रहे हो तो H+ प्लस ओ एच पे जाके चिपक जाएगा फिर ये बन जाएगा पानी पानी बन के निकलने की कागार पे आ जाएगा निकलगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होता नहीं है इसलिए H को भी जाना पड़ेगा एंड फाइनली इट विल फॉर्म एल्कीन ठीक है इसी को एनसीआर में से पढ़ लेते हैं ताकि रिविजन भी हो जाएगा हमें तसली भी हो जाएगी कि एनसीआर आती है हमको देखो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हिलाइट्स रिएक्शन reaction करके reaction कर कुछ नहीं दे सकती ठीक है मूविंग हेड फॉसफोरस ट्राई अपन ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पी सी एल थ्री द बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट इज बजे पहले क्लास छोड़नी है आज मेरी ऐप पे क्लास है चार बजे जो कि प्रिपेयर ही नहीं है सुबह से इसी पे बैठी हूँ एच थ्री H3PO3 थ्री अंश बाई प्रोडक्ट एच थ्री पीओ थ्री वेरी गुड ओके आगे बढ़ते हैं आ, ये हो गया हमारा फिर नेक्स्ट आ गया डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हम कंसनट्रेटेड एसिड्स में करवा देते हैं ठीक है ये देखो फोर फोर्टी थ्री पे एल्कीन बना रखी है और जैसे जैसे तुम एल्कोहल्स की टर्शरी मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से टर्शरी से, 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 लेते हो तो कहाँ तुम्हारा इतना एच टू जितना घाव तक डेंजरस एसिड फिर तुमने थोड़ा ऐसा हल्का एसिड ले लिया टेम्परेचर भी कम कर दिया और कम कर दिया और डायलूटेड एसिड लिया सो so, reactivity in eliminations decreases in this order elimination वैसे भी थ्री टू वन डिग्री में ही होता है पिछले चैप्टर में बताया था मैंने कि एलिमिनेशन सबसे बढ़िया थ्री डिग्री में होता है फिर टू डिग्री में होता है फिर वन डिग्री में होता है ठीक है मैकेनिज्म जैसे कि अभी भी पढ़ाया कि अगर अपन कंसनट्रेटेड एसिड ले रहे हैं तो H प्लस कहाँ के कह, चिपकेगा कह? एच OH पे आके चिपकेगा क्या बन जाएगा ओ एच टू ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव पानी निकलने की फिर ले लेगा पानी निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेसिकली इसके अंदर आपका एच जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके एल्कीन में तब्दील हो जाएंगे किस में एल्किन में चलो आगे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन अब ये फिर इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन इज यट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या तुम्हें वो चार्ट याद है जो मैंने चार्ट पकौड़ी वाला चार्ट नहीं अभी एक मैंने चार्ट बनाया था मैंने कहा था कि आर सी एच ओ माइल्ड रिडक्शन करते हैं तो आर सी एच टू ओ एच बनता है है ना और आर सी डब्लू एच का बेटा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हैं तो सीधा तो आर सी टू सी एच टू ओ एच बनता है अब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या मैं एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैम हाँ मैम हम हमें आता है क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम मुझे बता दो मैम एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा ऑक्सीडाइज करके क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि एल्कोहल से डायरेक्ट एसिड कैसे बनेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे पी होगा सी होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे के टू सी आर टू सेवन होगा के एम एन ओ फोर होगा ठीक है अब हम डिग्री पे काम करेंगे अल्कोहल की डिग्री कौन सा डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा तो बेटा अगर ये तुम्हारा जो अल्कोहल है ये सिंपल वन डिग्री अल्कोहल है वन डिग्री तो कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डीहाइड बना देगा जस्ट हैव अ लुक वन डिग्री एल्कोहल एल्डीहाइड बनाते हैं तो कोई भी ये क्या बना देगा वन डिग्री एल्कोहल एल्डीहाइड ये देखो एलाइलिक एल्कोहल है पीसीसी की मदद में इसने एल्डिहाइड बना दिया टू डिग्री एल्होहल है सीआरओ से क्या बना दिया कीटोन बेटा CRO3 अपने आप में तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन अगर तुम CRO3 को H2SO4 के साथ ले लेते हो तो ये जोन्स रिएजेंट हो जाता है इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग एजेंट अगर तुमने सीआरओ को एच की प्रेजेंस में ले लिया इट बिकम स्ट्रोंग ठीक है ये कैसा हो जाएगा स्ट्रोंग हो जाएगा समझ गए ना इट बिकम स्ट्रॉन्ग जोन्न ठीक है तो अभी तो तुम तो माइल्ड माइड ले रहे हो माइल्ड माइल्ड ले रहे हो तो माइल्ड से क्या बन रहे हैं ये तुम्हारे एल्ट जो वन डिग्री एलकॉल थे अच्छा जब तुम ऑक्सीडाइज करते हो तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन कार्बन का जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जाएगा इधर भी देखो एक हाइड्रोजन कार्बन का जाएगा एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जाएगा ठीक है हाँ वो प्लेन रहेगा सिंपल रहेगा अभी ठीक है तो एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा क्लियर अब देखो जरा वन डिग्री कॉपर हीट इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर हीट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वन डिग्री एल्कोहल से क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया टू डिग्री एल्कोहल से क्या बन गया कीटोन बन गया इधर में कार्बन से एक हाइड्रोजन इससे भी एक हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने रिड्यूसिंग तो नहीं बोला ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बन जाएगा कीटोन यहाँ क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया ठीक है लेकिन अगर तुम थ्री डिग्री अल्कोहल लेते हो मेरे बच्चों तो तुम्हें एक फंडा तो क्लियर है कि मैम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जाता है एक हाइड्रोजन कार्बन का जाता है पर यहाँ कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने है कार्बन देखो बोलते हाइड्रोजन है गई नहीं नहीं है ठीक है तो जब नहीं है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ठीक है तो फिर क्या होगा बगल वाला हाइड्रोजन जाएगा और ओ OH पूरा जाएगा सो so, क्या हो जाएगा ये ये बन जाएगा आपका एल्कीन, यानी कि ये हो जाएगा डी हाइड्रेशन डी हाइड्रेशन क्लियर ओके क्लियर तो अब रट लो वन डिग्री एल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन पे बनाते हैं एल्डिहाइड्स टू डिग्री एल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन पे बनाते हैं कीटोन्स एंड थ्री डिग्री एल्कोहल कोई सी भी ऑक्सीडेशन करा लो क्या बनाएंगे एल्कीन्स और राइट चलो जी आगे बढ़ते हैं ये देखो वन डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड्स टू डिग्री एल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडेशन पे कीटोन्स वन डिग्री एल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पे एसिड्स जानते हो ना उस चार्ट में पड़े थे अपन थ्री डिग्री एल्कोहल कॉपर हीट

मेरे को इंग्लिश तुम सिखाते ही नहीं हो हुँ? ये बताओ मुझे इसमें पानी भर के दो लेकिन अगर दो डिग्री पे स्ट्रॉन्ग लिया तो भी कीटोन बनेगा ना दो डिग्री पे हा, हाँ हाँ यस वेदांत यस 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 देखो तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे फिर मैं तुमको पंजाबी सिखाऊंगी ठीक है एक हाथ दे एक हाथ को देखो <laughs> नहीं मुझे बिहारी एक्सेंट आता है वो कभी कभी अंदर से निकलता है मेरा बिहारी एक्सेंट हमेशा निकलता हमेशा नहीं होता वो टोन जो है ना वो अपने आप आ जाती है कभी कभी चलो आ जाओ वापस बेटा कॉपर हीट करेंगे ना कॉपर हीट करेंगे तो कॉपर हीट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट

मीडियम ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये वन डिग्री अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है टू डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलता टू तो मुल्ला की दौर मस्जिद अभी कुछ भी करोगे टू डिग्री कीटोन से आगे नहीं जाएगा कीटोन में बदलता है एंड इट नॉट एफेट थ्री डिग्री में थ्री डिग्री को एफेक्ट नहीं करेगा है? 3 का तो वैसे भी डिहाइड्रेशन सी आर ओ एस मिला दो कार्बोक्सिलिक तो एसिड बदलेगा सीधा टू डिग्री कीटोन बदलेगा थ्री डिग्री इफेक्ट नहीं होता और एम एनो टू इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां पे एम एनो टू इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहाँ पे या जो होता है वो में तो हो जाता है अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग दसवां इसका ईयर मेंशन नहीं है मिस आउट हो गया है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का करेंगे दो सवाल करो नीट के करो फटाफट निपटा कुछ नहीं दिया निशा किसी ने कुछ नहीं दिया हाँ जी टेंथ का आंसर करो रिद्धि कह रही है बी एनी वन एल्स कन्नू कह रहा है बी अंश कह रहा है बी राघव कह रहा है बी और एलिफेंट हमारा कह रहा है बी अच्छा जैसे इसको अपन हीट करते हैं ना हीट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट तो इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट होएगा वो कौन सा है अगर एच एच प्लस की प्रेजेंस में तुम तो हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा एंड मोर सेडजिफ एल्किन बनेगी मोर सब्सटीट्यूटेड और मेजर प्रोडक्ट सेडजिफ एल्किन ये होगी सी एच थ्री सी सी एच थ्री फिर डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच थ्री

विच अमंग द विल बी मोस्ट रेडिली अंडर एसिडिक हाँ एक मगरमच्छ भी था ना अंश एम बी मैम का मगरमच्छ एम बी मैम की चिड़िया एम बी मैम की बिल्ली हाँ जी मगरमच्छ पे सबसे ज्यादा हसी आई थी राघव को लग रहा है डी और ए, हमारे MBM के एलिफेंट को लग रहा है ए अभिनव को लग रहा है ए अभिनव सही है, का है <laughs> <laughs> तो मेरे को सच्ची याद आ गया वो टाइम <laughs> पूरा का पूरा चिड़ियाघर और मैं खुद कौन थी फिर <laughs> अभी घर में तो मेरे को बिल्ली बुलाते हैं मैं भी नाम की बिल्ली मैं खुद ही हूँ ए लग रहा है सबको बिल्कुल सही बेटा इसके डिहाइड्रेशन से कॉन्जुकेटेड डाइन प्रोड्यूस होगी इसके डिहाइड्रेशन से कॉन्जुकेटेड डाइन प्रोड्यूस होगी प्लस नाइट्रो ग्रुप का जो इंपैक्ट आएगा ना वो ऐसा आता है कि कार्बोकेट को डिस्टेबलाइज करता है नाइट्रो ग्रुप तो इसीलिए सबसे रेडिली ये होगा फर्स्ट वाला वन इज द करेक्ट आंसर ओके अब फिनॉल्स की रिएक्शंस कर लेते हैं अपने रिएक्शंस के दो तरीके की थी मेजरली एक तो थी कौन सी एसिडिक नेचर दूसरी थी एसिड uh, मतलब जिसमें अपने ओ एच बॉन्ड को बीच में से तोड़ा था तो एसिडिक नेचर एंड स्टेरिफिकेशन और फिर हमने सी ओ बंड को तोड़ा था तो उसमें तो अपन एच एक्स से रिएक्शन करवा रहे थे और फिर अपन पी सी एल थ्री से करवा रहे थे पी सी एल फाइव से करवा रहे थे खूब से रिएक्शन अपन ने सीखी और उनकी बारीकियाँ भी सीखी ठीक है अब अपन फिनॉल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिनॉल्स में भी रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स की हैं जैसे कि एक तो तुम फिनॉल तो ये होता है तो ओ एच OH ग्रुप की भी रिएक्शन करवा सकते हो ओ OH एच की भी और बेंजीन रिंग की भी रिएक्शन हो सकती है ओ OH एच की भी हो सकती है और बेंजीन रिंग की भी हो सकती है मैं भी नेम रख लू एम का रैबिट भी था उसमें एक इमोजी कहाँ से मिलती है पढ़ लो तो ओ OH एच की भी होती है और ये बेंजीन रिंग की भी रिएक्शन होती है तो बेटा ओ एच OH ग्रुप की रिएक्शन है जिसमें हम एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ओ OH एच बीच में से टूटेगा एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ओ एच का जो बीच में से टूटेगा जिंक डस्ट तो मस्त है जिंक की भी झाड़ू होती।, होती है जैसे हाइड्रोलिसिस की झाड़ू होती है ना जिंक की भी झाड़ू होती है पूरा कचरा साफ कर देगी फिर फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन एंड देन आएंगी बेंजीन रिंग वाली तो चलो एक बारी फिनॉल्स की भी एसिडिटी प्रूव कर देते हैं एसिडिटी देखो ज़रा कैसे प्रूव करनी है हमको तो मैं पता है ना फिनॉल्स एसिडिक होती हैं क्योंकि फिनॉल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में गीतांजलि बेटू है कि गई फिनॉल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस माइनस का चार्ज सेपरेशन रहता है ऑक्सीजन का ईगो हर्ट हो जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है तो फिनॉल इतना स्टेबल नहीं होता फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है इसीलिए ये एसिडिक होते हैं और ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और उनके बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं ठीक है तो ये हमारा हो गया फिनॉल्स की एसिडिटी तो हमने यहाँ मेटल के साथ भी रिएक्शन दिखाया है और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स के साथ भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन दिखाए एसिडिक इनका ऐसा भी होता है कि ये ब्लू लिटमस रेड टर्न कर सकते हैं तो जस्ट एफ वाई आई कि कैन फिनॉल्स में टर्न ब्लू लिटमस रेड फिनॉल्स क्या कर सकते हैं ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर सकते हैं क्वेश्चन करो नीट का कितने है? एक दो तीन चार चार सवाल एक साथ आ गए हैं चारों में से चारों सही होने चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन करो फटाफट ऑल फोर क्वेश्चन शुड बी करेक्ट क्या हुआ हाइड्राइश बेटा Riddhi कह रही है बी आंसर है अनुष्का को बी लग रहा है गितंजलि को टू लग रहा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल एबसोल्यूटली करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड कह रहा है एंड पैरा विल हैव सेम एसिड्स नो इट इज नॉट सेम मेटा नाइट्रो की सेम नहीं होती है तो ये स्टेटमेंट तो सही है और ये स्टेटमेंट गलत है क्या तुम इतने आसान सवाल कर लोगे बोथ स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन इज करेक्ट टू इज इन करेक्ट अब देखो बेटा अगर ये चैप्टर तुमने पढ़ लिया तो ऐसे क्वेश्चन को तो ऐसा किक मार के छक्का उड़ा दोगे तुम अगला सवाल करो चारों सही होने चाहिए फोर्टीन करो द करेक्ट एसेडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज 2001 का नीट का सवाल है ये। भी लग रहा है सबको नाइट्रो ग्रुप वाला सबसे ज्यादा फिर बिल्कुल सही बी इज द करेक्ट आंसर बी टू वेरी नाइस ठीक है ना तो तुम्हें मैंने बोला था ना ज्यादातर क्वेश्चंस अगर पीवाई क्यूज में देखोगे तो फिनॉल्स की एसिडिटी पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं ये उल्टा लग गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन करो अरे वानुष्का गॉड ब्लेस यू बेटा तो रिद्धि कर रही है डी वेदांत कह रहा है सी एम का एलिफेंट भी कह रहा है डी तो अब क्या सोचे 246, फिनॉल। एक काम करो जरा मुझे जरा आ, सब डी बोल रहे हैं बट एक बारी तुम गूगल कर लो गूगल तो आसानी से कर सकते हो टू फोर सिक्स नाइट्रोफिनॉल और एसिटिक एसिड में से मुझे लगता है ये स्ट्रांग है पिक्रिक एसिड ट्रैक करो जरा मुझे लगता है ये स्ट्रोंग है थर्ड वाला सबसे स्ट्रोंग है फिर सेकेंड है फिर उसके बाद में फिनॉल है और फिर उसके बाद में साइक्लो दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर चेक कर लो चेक करो चेक करो ए होगा आंसर हाँ हाँ बेटा यश एजुकेशन पॉइंट ये करो नेक्स्ट क्वेश्चन वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड ये आया तुम्हारे नीट 2017 में सबसे ज्यादा सवाल इसमें देखने को मिलते हैं अपने को फिनॉल्स वाले में जी अनुष्का ट्राई नाइट्रोफिनॉल्स आर वेरी स्ट्रांग वेरी गुड रिद्धि और अभिनव ने सी बोल दिया है निशा प्रवीण क्या कह रही है सी सो विच वन इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड ऑफ कोर्स जब एसिडिक एसिड acid को बात कर दिया तो ये क्या चीज है सी अब है भी बेंजीन रिंग वाली रिएक्शंस मतलब अभी हमने क्या करी थी अह ओएच ग्रुप वाली रिएक्शंस करी थी एसिडिटी वाली अब है बेंजीन वाले रिएक्शन ये काफ़ी अच्छी रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट भी है जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सबूशन हो गया कोलबेज होगा रिमर्थम रिमर्थि सुपर इंपॉर्टेंट कोलबेज सुपर इंपॉर्टेंट इन दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो सुन लो इसी चैप्टर के दोनों मैकेनिज्म में से किसी एक मैकेनिज्म पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और इन दोनों में से किसी एक रिएक्शन पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ठीक है नीट और जेई में चीज़ों की गारंटी नहीं होती है पर हाँ इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं बोर्ड्स में तो गारंटी हो जाती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट बेंजीन जो सब्सटीट्यूटेड होती है ऑलरेडी उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ओरल टेस्ट इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए रिदी अभी स्किप किया हुआ है क्योंकि चार बजे मेरा आर है है ना तुम तो हो भी सही उस क्लास में और मेरी फाइल तैयार नहीं है और मुझे अच्छे क्वेश्चन छाँटना है तो मेरे को कम से कम एक घंटा तो प्रिपरेशन का चाहिए होता है ये तो मैं मिनिमम सेट बोल रही हूँ इसलिए तीन बजे से पहले सेशन वाइंड अप करना मेरी मजबूरी है आज सबके नहीं लिखने होंगे अनुष्का जो बाय प्रोडक्ट एनसीआर में लिखे हैं बस वही वह लिखने होंगे है ना अदरवाइज फिर वो आरबीसी जो है वो टल जाएगा उसको मैं टालना नहीं चाहती तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोटिक हाउ मेन यूफ यू रिमेंबर की बेनजीन पे जो ग्रुप लगे हुए होते हैं वहाँ से डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे आता है और अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजिशन पर आता है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मैं इसको बोलती हूँ मैं इसको बोलती हूँ ओ एच जो है वो बेंजीन रिंग को एकदम टेस्टी टेस्टी बना देता है कि इसके ऑर्थो पैरा पोजिशन पर तुमको खूब सारे इलेक्ट्रोफाइल्स की भीड़ नजर आ सकती है ये कहानी भी सुनना ध्यान से ओ एच ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को बोलते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो बेंजीन की एक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन को इन्हांस कर देता है ठीक है एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आपको ऑर्थोपे प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं पैरा पे प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं ऑफकोर्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बट आपने पानी में मिला के ले लिया चनोत्री पानी में मिला के एच एन ओ थ्री ले लिया अब लफड़ा ये है पानी में मिला के एच एन ओ थ्री ले लिया अब लफड़ा ये है कि एच एन ओ थ्री कम है इलेक्ट्रोफाइल कम है खाना बहुत टेस्टी है पर बाराती कम है तो जब कितना ही टेस्टी खाना हो कोविड वाली शादी याद है जिसमें बराती ही कम होते थे तीन लोगों से भी शादी हो रखी है लड़का लड़के की माँ और बस लड़के तीन तीन बाराती जिसमें लड़का इं इंक्लूडेड है तो अगर बराती कम होंगे तो भीड़ कहाँ से नजर आएगी स्टॉल्स पे चाहे कितना भी टेस्टी खाना हो तो ओ एच ग्रुप तो इतना बेंजीन को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कि औरतों मतलब सारी पोजीशन को बड़ा टेस्टी टेस्टी बना देता है लेकिन ये तो कोविड वाली शादी है इसके अंदर नाइट ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल कम है तो या तो औरतों पर देखेंगे या पैरा पे देखेंगे इस स्टॉल पर है तो उस स्टॉल पर नहीं है उस पर तो इस पर नहीं है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी बेटा तो जितने भी इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट पे भी सवाल आ सकता है क्योंकि उनका बॉयलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है एग्जांपल, एग्जांपल, मैं जब इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हूँ तो मैं खुद के हाथ पकड़ लेती हूँ और मेरे हाथ बंध जाते हैं लेकिन जब मैं इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड मैं किसी और के साथ पकड़ती हूँ जैसे मैंने एक जो लेफ्ट हैंड है वो किसका पकड़ रखा है गीतांजलि का और राइट हैंड मैंने पकड़ रखा है अभिनव का ठीक है अब सोचो कमरे में लगी आग अब अभिनव को भी भागना है मुझे भी भागना है गीतांजलि को भी भागना है हम सबको भागना है तो हम हम कहीं हाथ छोड़ हाथ छोड़ हाथ छोड़ भागना है भागना है भागना है परेशान हो जाएंगे इसका मतलब हमें भागने में तकलीफ होगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा ठीक है और अगर मेरे ही हाथ बांध दिए मैंने अपने एक हाथ से अपना ही दूसरा हाथ बांध दिया इसे इंट्रा इंट्रामोलिकुलर अब आग लगा दो तो मेरे को भागने के लिए हाथों से भागती क्या मैं मैं तो क्या हूँ एम भी मैम हूँ <laughs> मैं बिल्ली थोड़ी हूँ मैं एलिफेंट भी नहीं हूँ तो मेरे को हाथों की जरूरत नहीं पड़ती है मैं भाग जाऊंगी पैरों से बंधे हुए हाथों के साथ ही समझे <laughs> तो बेसिकली इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जिस तरह मुझे भागने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है इसको भी बॉयल होने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है ठीक है जुड़ा जुड़ा ही भाग जाएगा जुड़ा जुड़ा ही वेपर फेज में आ जाएगा ठीक है तो ये इसलिए इंट्रा इंट्रामोलिकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम ऑर्थो वालों का पैरा वालों का होता है ज़्यादा अब बात आते हैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन्फ्लुएंस की बात की थी ओ एच ग्रुप के ठीक है ओ एच ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन्फ्लुएंस की बात की थी एलिफेंट मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया नाराज़ नहीं हो ना मैं तो पढ़ाने के लिए कुछ भी बोलती हूँ है ना दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए तो डाइल्यूट एच एन ओ थ्री मतलब कोविड वाली शादी कोविड वाली शादी जिसके बराती हैं कम तो कभी इस स्टॉल पे तो कभी इस स्टॉल पे लेकिन जब तुम लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड एच एन तो ओ थ्री ठक्की टकी ठक्की टिककी ठक्की टक्की वाली शादी खूब सारे बराती नाच रहे हैं बराती डांस हो रहा है स्टॉल का खाना बड़ा ज़बरदस्त है हर बारात में ऐसे डुल रहे हैं मुझे दे दो पहले मुझे दे दो पहले लाइन लग रही है हर पोजीशन पे बाराती हर स्टॉल पे नजर आ रहे हैं मतलब पिक्रिक एसिड जब कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री होगा तो पिक्रिक एसिड ऑर्थो मेटा पैरा सारी पोजिशंस पे बराती बराती दिख रहे हैं ठीक है डायलूट लोगे तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो इसी तरीके से तुम ब्रोमीन को अगर सी एस टू में लेते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करता है ठीक है तो ये क्या है ये ऑर्थो पे ब्रोमो एंड मेटा पे ब्रोमो लेकिन अगर तुमने क्या ले लिया ब्रोमीन को एक्सेस में ले लिया तो फिर थकी टिक्की वाली शादी ठक्की टिक्की वाली शादी में तुमको इन सारी पोजीशंस पे ब्रोमीन मिलेगा क्योंकि एक बात तो होता है कि ओएच OH ने बेंजीन को बड़ा टेस्टी बना रखा है बराती कम होंगे तो ऑर्थो पैरा ज्यादा होंगे तो तीनों पोजीशंस एक साथ ब्रोमिनेट हो जाएंगी नेक्स्ट है अपनी नेम रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज तो कोलबेस रिएक्शन ठक्की टिक्की नहीं होता बेटा ठक्की टिक्की होता है ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की था नहीं सुना तुम लोगों सॉरी पानी पी रिएक्शन <laughs> पढ़ लो अभी कोलबेज रिएक्शन में तुम फिनॉल से बनाते हो बेंजोइक एसिड सबसे पहले तो ये याद रखो कि सैलिसिलिक एसिड बनता है मतलब टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ठीक है फिनॉल से जब तुम बेंजोइक एसिड बनाते हो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड दिस इज नोन एज कोलबे रिएक्शन तो छोटा सा कोलबे बोलबे छोटा सा रिएक्शन है ना रिएक्शन भी छोटी सी है नाम भी छोटा सा है रिएक्शन भी छोटी सी है पहले क्या डालेंगे बेस बनाएगा सॉल्ट बिकॉज फिनॉल्स एसिड क्या बेस से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं सॉल्ट बनाती हैं ठीक है फिर हम ओ मतलब इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिस तरह क्यूमुईन वाली रिएक्शन में ना वो ओ टू नहीं घुस गया था ऑर्थो पोजिशन के कार्बन और हाइड्रोजन को फाड़ के जबरदस्ती बीच में ये भी इसको फाड़ के जबरदस्ती बीच में इधर पे घुस एंट्री मार लेगा तो ये देखो सी आ गया इधर सी और एच के बीच में सी आ गया क्या बन गया साले से बहुत सिंपल है कार्बन डाइऑक्साइड देखते ही कंक्लूड कर देना कि कौन सी रिएक्शन है कोल्बे एन ओ एच सी ओ टू एच प्लस अभी मैं ओरल टेस्ट लूंगी मैंने आज किताब ऊपर ही ऊपर रखी हुई है एंड में लूंगी टाइम बचा दो तो। ठीक है तो कोल्बे नाम भी छोटा और रिएक्शन भी छोटी सी और इसमें एन एच लिया जाता है लिख लो बिना देखे एक बार सी ओ टू एन एच प्लस दूसरे आता है नाम भी कॉम्प्लेक्स है रिएक्शन भी तोड़ू टाइप की है बहुत लंबी है रिमर तिमन रिएक्शन में क्या होता है फिनॉल के साथ सी एच सी एल थ्री लेते हो और सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली सभी एग्जाम्स में पूछाता है जेई में नीट में बोर्ड्स में तो ये चीज शायद अब सीवी टी मतलब एमसी क्यूज में पूछ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है डाई क्लोरोकार्बीन स्पीशीज बनती हैं क्या बनती है बेटा गीतांजलि एक सेकेंड क्लोरोकार्बीन स्पीशीज बनती हैं कौन सी स्पीशीज डाई क्लोरोकार्बीन तो वो डाई क्लोरोकार्बीन स्पीशीज ये नाम रटो लिखो सब चैट बॉक्स में डाय क्लोरो कार्बीन हाँ बेटा ठीक है रिद्धि डाय क्लोरो कार्बीन तो डाय क्लोरो कार्बीन स्पीशीज जो होती हैं वो एज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं इसके अंदर किसके अंदर फिनॉल्स में जब हम रिमर तिमन करते हैं और वो या ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पहले हम इसका सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं फिर उसके बाद ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पर डाईक्लोरोबिन चिपक जाता है और फाइनली एनओ एच की प्रेजेंस में ये सी एच ओ बन जाता है और एसिड की प्रेजेंस में प्रॉपर सैलिसल डिहाइड बनता है सैलिसल डिहाइड इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी वहाइड तो सैलिसलिक एसिड किस में बनता है कोलबे में और रिमर तिमन में क्या बनता है पहले क्लोरोफॉर्म और एनडो को अब कैसे याद करोगे तुम मेरे हिसाब से इसको ऐसे याद करो तुमने एनओएएच कोल्बे में भी लिया था तुमने एन इधर भी लिया है तो तुम ऐसा इसको ना प्रैक्टिस तीन चार बार अभी के अभी कर लो कि ये तुमने ली फिन ठीक है फिर यहाँ तुमने लिया क्या चीज लाइक एन ओ एच एक्वस एन ठीक है और दूसरे में तुमने ले लिया क्लोरोफॉम ये रिमर तिमन होती है सी एच वाली और एक्वस एन तुम्हें पता है दोनों ही केसेस में क्या होगा पहले वाले केस में क्या होगा अगर तुम बेसिकली एनओ और ओ एच का रिएक् फिनॉल का कर रिएक्शन कराओगे सॉल्ट बन जाएगा ओ और इधर तुमने एक्स्ट्रा ये क्लोरोफॉम भी ले रखा है तो ऊपर तो ओ बनेगा ही इस क्लोरोफॉम के चक्कर में क्योंकि इसमें डाईक्लोरोबीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर तुम्हारा सी इसको बोलते हैं डाईक्लोरोबीन इंटरमीडिएट अब इसको तुम आगे करो सी ओ टू सी ओ टू लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा इधर तो ओ एन ए हो जाता है और यहाँ सी डब्लू एच हो जाता है ठीक है और इद, इसका रिएक्शन तुम किससे करवाओगे एन से तो सॉल्ट तो दूसरे स्टेप में भी देखो सॉल्ट रिटेन रह रहा है और इधर भी तुम्हारा सॉल्ट रिटेन रह रहा सॉल्ट रिटेन रह रहा है ठीक है थीके? इसको पीछे चेक कर लेते हैं लेकिन इसने एक साथ हाइड्रोलिस एक ही स्टेप में करवा दी है हाइड्रोलिस के बाद वो ओ हो जाता है तो हम अगले स्टेप में करवा रहे हैं ठीक है तो इसमें एन ले लिया अपन ने और एन लेकर के इधर क्या बन गया तुम्हारा सी अब तुम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाओ इसकी और यहाँ पे करवाओ इसकी तो इसकी हाइड्रोलिसिस से ये सी ये हट जाएगा पूरा मतलब ये हट जाएगा पूरा ये पूरा ये, ये मुँह धोके आ जाएगा ठीक है तो ये बन जाएगा सैलिसरिक एसिड सी डबल ओ एच और ओ OH. एच और इधर इसमें बन जाएगा तुम्हारा ये ये मुँह के आएगा तो तो ओ एच ओ जाएगा ओ एन ए हमेशा मुँह धोके ओ एच बन जाता है और सी एच ओ जो है वो लगा हुआ है ही तो ये सहले एसिड हो रही है देखो रिएक्शन्स के स्टेप्स ऐसे पैरल चार पाँच बार लिख करके प्रैक्टिस करो चार पाँच बार लिख करके प्रैक्टिस करो कि पहले स्टेप में कॉमन क्या एन ओएच एन एच और रिमर तिमन में एक्स्ट्रा क्या क्लोरोफॉम दूसरे स्टेप में आपके कोलबे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी तो कार्बन डाइऑक्साइड औरतों के बीच में हमला बोल गई और यहाँ दूसरे स्टेप में एन ओएच था ठीक है फिर उसके बाद आखिरी स्टेप कॉमन था एच प्लस ये कॉमन था एन शुरुआत बेस से होगी अंत एसिड से होगा ऐसे करके रट्टा मारो उसका चार पांच बार लिखो शुरुआत बेस से होगी अंत एसिड से होगा और दोनों को साथ साथ लिखोगे तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा नहीं तो बाद में क्या होगा उसका उसमें याद आएगा उसका उसमें याद आएगा ठीक है एक साथ चार पांच बार लिखना फिर है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन जिंक की झाड़ू इसका टकला साफ कर देगी फिनॉल का मतलब ये ओ एच ग्रुप को हटा देगी तो फिनॉल को कभी डायरेक्टली बेंजीन बनाना हो ना तो जिंक की झाड़ू मार देना और पता है ये रिएक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है इसका इतना इंपॉर्टेंट होने का कारण ये भी है कि तुम बेंजीन की नए सिरे से कुछ रिएक्शन करा सकते हो तो तुमसे कोई बेंजीन फिनॉल से टॉलोवीन बनाने को बोले तो पहले तो जिंक से इसका टकड़ा साफ कर दो सफाई कर दो फिर इसका फ्रिडल क्राफ्ट एल्साइलेशन करा दो सी एच टी सी एल इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री एसिटोफिन बनाना हो जैसे एक बच्चे ने शुरुआत में बोला था एसिटोफिन तो एसिटोफिन कैसे बनेगा सी एच टी सी ओ सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री है ना तो तुम तुम्हें ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप सपट तुम हटा सको मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप सपट हटा सको तो ये रिएक्शन तो पता होना चाहिए एनएच टू भी हट जाता है एनएच टू पता कैसे हटता है तुम अगर एनएच टू लगाओ तो उसका पहले डायजोटाइजेशन कराओ बर्फ के भगोनाच सी एल फिर उसके अंदर एच थ्री प्योर टू डाल दो या फिर तुम इथेनॉल डाल दो तो उसका टकला साफ हो जाता है तो एनलिन को बेंजीन बनाने का तो एज ओ के जरिए होता है और फिनॉल बेंजीन तो जिंक की झाड़ू लगाई लो भाई खत्म ठीक है ये इंपॉर्टेंट ओके <coughs> okay? और फिर बेंजीन की नए सिरे से वो तुमसे कन्वर्जेंस पूछ सकता है कन्वर्जेंस की इसी चैनल पे मैं प्रैक्टिस सेशंस लगाऊंगी ठीक है उस लेकिन उसके लिए ऑर्गेनिक पहले अच्छे से आनी चाहिए मैं कहूँगी जिंक की झाड़ू क्या करती है तो तुम बोलोगे बोलो कहें को बेंजीन बनाती है मैं बोलूँ बेंजीन कैसे बनाऊँ तुम बोलो जिंक की झाड़ू हो इतना याद होना चाहिए तब कन्वर्जन समझ में आते हैं नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में ये इस पर क्वेश्चन आता है एन ए टू सी आर टू सेवन एन ए टू सी आर ओ फोर एन ए टू सी आर टू ओ फोर कुछ भी अंटर चंटर देगा बोलेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इनमें से किससे किया जाता है याद रखो फॉमूला एन ए टू सी आर टू ओ सेवन एन ए टू सी आर टू ओ सेवन लिख दो चैट बॉक्स में एन ए टू सी आर टू ओ सेवन सारे बच्चे लिख दो और मैं एक बार फिर से बता कि मेरा अगला वन शॉट जो है ऑर्गेनिक का वो ट्यूजडे नहीं होगा शेड्यूल चेंज हो गया नेक्स्ट वीक का प्रॉबेबली वो मेरा फ्राइडे को है जो कि मैं तुम्हें तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मैसेज भेजूंगी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मैसेज भेजूंगी ठीक है एन ए टू सी आर टू सेवन इन एच टू एसो फोर बनता है बेंजो क्विनोन एक बेनजो क्वीनऑल भी था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन दिस वन ठीक है एक दो तीन तीन ये करो फिर आगे बढ़ते हैं कितनी स्लाइड्स हो गई नाइनटी है तीन के बाद तो हाँ मतलब इस वीक का आज हो गया ना अगले वीक का फ्राइडे होगा मतलब ट्यूसडे नहीं होगा मैं बता दूंगी लेकिन जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी रिएक्शन ऑफ इनॉल विद क्लोरोफॉम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप 2015 में नीट में पूछा था वेरी गुड प्रवीण इट इज सी एच ओ वेरी वेरी गुड गीतांजलि वेदांत इट इज सी एच ओ अगला क्वेश्चन इन द रिएक्शन दिस द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इज 2018 नीट में क्वेश्चन आया था कि इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है वेरी गुड रिद्धि इट इज डी शाश वेरी गुड अंश इट इज डी दाही क्लोरोन इंटरमीडिएट एंड ने रिएशन इज वॉट इज द नेम ऑफ द रिएशन वॉट इज द नेम ऑफ द रिएशन मेरे बच्चों निशा प्रवीण रिमर तिमन वेरी गुड रिमर तिमन रिमर तिमन फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट दौ हजार नौ में आया क्वेश्चन मुझसे तो लिखवाई मत लेना ना रिमर तिमन मैं तो बिल्कुल झोल कर दूंगी ये थोड़ा सा अगले अगले चैप्टर से भी कनेक्टेड है अब पिटाई करेंगे अब अब हथौड़ा लेके आने का टाइम आ चुका है पिटाई पिटाई हो जाएगी फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाओ सबसे पहले हम्म ये रहा फिनॉल फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करवाओ जिंक तो झाड़ू है इसका कचरा साफ करेगी क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा बेंजीन का रिएक्शन ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाओ सी एच थ्री सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री क्लोरीन का चोर है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है सी एच थ्री ए एल सी एल थ्री क्लोरीन का चोर होता है बचा हुआ चीज़ बेंजीन पे अटैच कर दो टोलुइन टोलुइन का रिएक्शन के एन ओ फोर से करवाओ बेटा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की इंटीग्रेटेड है दो चैप्टर्स का कॉमन क्वेश्चन है अगले चैप्टर में भी डालूंगी मैं एल के एम एन ओ फोर क्या करता है सी एच थ्री को सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा और कित इवन जो सी एच टू सी एच थ्री है उसको भी सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट कर देगा तो बेंजोइक एसिड विल बी द प्रोडक्ट अब इसके बारे में अगले चैप्टर में पता लगेगा फिलहाल योर आंसर इज बी ठीक है अब अपन आगे बढ़ते हैं सम कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्कोहल्स बेटा सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स में क्या क्या बातें तुमको ध्यान रखनी है सब कुछ तो नहीं कर सकते हो तुम बट इसको तो रीड कर लेना जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मल रीडिंग ये पढ़ लेना सी ओ प्लस एच टू अगर ये कैटलिस्ट पूछ सकता है बेटा क्या होता है ना कि कई बार किस्मत खराब हो तो पूरा चैप्टर कर लेते हैं और ऐसी फर्जी चीज पे सवाल आ जाता है तो इसलिए इसको पढ़ लेना कि सी ओ और हाइड्रोजन को मिला के जेडनो सिया टू थ्री की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे मीथेनॉल बनता है तो मीथेनॉल का प्रोडक्शन मीथेनॉल पॉइजनस होती है ये ध्यान रख लेना उसके अलावा इथेनॉल में एंजाइम्स वाला पोर्शन तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स में भी है कि इन्वर्टेज क्या करता है जाइमेज क्या करता है किसको किस में किस बदलता है तो ये उस लिहाज से कर लेना कि सुक्रोज को पानी और इन्वर्टेज डाल के ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदल सकते हैं दिस इज़ नोन एज हाइड्रोलिस ऑफ सुक्रोज सुक्रोज बनता किसका है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का मैंने बायोमालिक्यूल्स चैप्टर में बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है ठीक है और जायमेज क्या करता है तुम्हारा ये ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है ठीक है वाइन मेकिंग जो होती है ना वाइन जानते हो ना वाइन 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 मेकिंग ग्रेप्स आर दर सोर्स ऑफ शुगर्स एंड ईस्ट और इसको ना ये ध्यान रखना एरोबिक में करवाया जाता है सॉरी एन एरोबिक में करवाया जाता है क्योंकि अगर तुमने एरोबिक में किया ना तो खराब हो जाता है उसका टेस्ट यहाँ कहीं लिखा होगा जरूर मैं पढ़ देती हूँ वाइन मेकिंग में ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट और ग्रेप्स जब पकते हैं तो क्वांटिटी ऑफ शुगर उसमें बढ़ती है जो कोई भी फ्रूट पकता है ना तो उसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज हो मीठा होता था केला देखा कभी कच्चा कैसा होता है फिर पक्का वो कितना मीठा होता है और जैसे कीवी या फिर ग्रेप्स ये देखेंगे अभी कि ये जो फीके होते हैं ना वो तो कैसे होते हैं थोड़े से यानी कि मीठे कम होते हैं और जब पकते हैं तो कितने मीठे होते हैं एंड देर इज़ वन फ्रूट आई रिमेंबर इसको फ्रूट क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं है कैन यू नेम दैट मतलब देर इज़ वन फ्रूट जिसको फ्रूट क्यों बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं जो ना कच्चा होता है तब मीठा होता है ना पका होता है जब मीठा होता है महंगा इतना कि पूछो मत महंगा इतना कि तुम्हारी मैम तो एक बार ही लाई थी तो हालत ही मेरी खराब हो गई पूरी मतलब मुझे लगता है कि मेरे जैसी बंदी अगर वो वाला फ्रूट खरीद के लाए तो वो रात जाग कर उसके पकने का वेट करेगी अरे वो होता है ना एक सुपर फूड फ्रूट जो पतले होने के लिए खाते हैं यस yes, एवो स्पेलिंग होती है एवो कैडो एवो कैडो एवो कम वक्त मारा पता नहीं पकता है तो हल्का होता है कि कच्चा होता है तो हल्का होता है पता नहीं क्या होता है मतलब रोज रोज़ चेक करते रहो सुबह शाम पक गया पकता है कच्चा उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है पता तुम्हें कच्चा 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 पक गया सड़ गया सड़ गया सड़ गया सड़ गया तो मतलब इतनी छोट मतलब एवोकेटो की जो वो यूथ पीरियड होता है ना जवानी वो छः घंटे नहीं टिकती और अगर गलती से आप सो गए उस पीरियड में तो वो सीधा सड़ा हुआ मिलेगा आपको तो उसको आप अपनी मर्जी से नहीं खा सकते उसको उसकी मर्जी से खाना पड़ता है एवोकेटो को कि वो जब पकता था उसे खा सकते फ्रूट क्यों मालूम नहीं क्योंकि अच्छा तो वो कभी भी नहीं होता ना कच्चा अच्छा होता है ना पका हुआ अच्छा होता है ठीक है और यही चीकू के साथ होता है कच्चा 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 पक गया सड़ गया सड़ गया सड़ गया सड़ गया सड़ गया तो <laughs> उस जब वो ये चीकू है वो कैडो ये जब जवान होते हैं ना तो इनके साथ रहना होता है अगर आप सो गए और आपकी रात निकल गई उसमें तो खत्म हो जाते हैं फिर ठीक है तो एनी फ्रूट्स जब पकते हैं तो उनकी क्या हो जाती है शुगर इन्हांस हो जाती है तो देखो द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस इन ईस्ट ग्रोज ऑन आउटर स्किन और जब ग्रेप्स को क्रश करते हैं तो एनजाइन और शुगर एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं फॉर्मेंटेशन आती है एनोरोबिक यानी ऑक्सीजन नहीं देनी होती इसको अगर तुमने ऑक्सीजन दे दी तो जो इसका मजा लेते हैं उनके मज़े खराब हो जाएंगे ये देखो एक्शन ऑफ जयमेज यहाँ ही लिखी हुई है ये चीज फॉर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक कंडीशन इन एबसेंस ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज द एक्शन ऑफ ऑफमेज इज इनिबिटेड इन द परसेंटेज ऑफ एल्लॉम इतना इफ एयर गेट्स इंटू फर्मेंटेशन मिक्सचर द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑक्सीडाइजेज इथेनॉल ये लर्न करना बेटा इथेनॉल विच इंटर्न डिस्ट्रॉयज द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स ठीक है तो मज़ा खराब हो जाएगा सामने वाले का फिर उसके बाद है तो कॉमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई मिक्सिंग इट इट्स हम कॉपर सल्फेट कॉमर्शियल एल्कोहल को अनफिट कर देते हैं कॉपर सल्फेट डाल के टू गिव इट अ कलर एंड पिरेडिन गंदी स्मेल इट इज़ नोन एज डी नेचुरेशन हमारे लैब के अंदर भी अल्कोहल होती थी जब हम हम मैंने रिसर्च इतना करती हूँ ना मैं तो हमारे लैब में अल्कोहल होती है लेकिन डी नेचर्ड होती है नहीं तो पता लगे रिसर्चर्स की ज़िंदगी इतनी ख़राब है इतनी डिप्रेस लाइफ है उनकी कि वो जो अल्कोहल का वो पड़ा है ना भरनी भर के उसको गटक के बैठे कहीं कोने में पड़े हों है ना तो इसलिए उसको कैसा बनाना पड़ता है रिसर्चर्स की लाइफ बहुत डिप्रेसिंग होती है तो देखो फाउल स्मेलिंग बना देते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट आ इतनी गंदी उसमें से बद्दू है कि उसको वो नहीं मतलब इनटेक नहीं कर पाएँ ठीक है चलो ये हो गया हमारा अब ईथर स्टार्ट हो रहा है ब्रेक का टाइम भी नहीं और बैक बहुत दुख रही है क्या करना चाहिए वैसे तो ईथर्स में देखो दो प्रिपरेशन दो फिजिकल प्रॉपर्टी और दो केमिकल प्रॉपर्टी लगे दा, कर डालें क्या अरे वाह थैंक यू मेरी बच्ची कोमल थैंक यू मेरा बेटा से फिनॉल बनाने का मशन कह सकते हैं कह सकते हैं कह सकते हैं वॉट टू डू बिट टू अगर मैंने ब्रेक दी तो लफड़ा हो जाएगा और लफड़ा ही हो जाएगा कि मेरे को आरबीसी मतलब शिफ्ट करना पड़ जाएगा और ब्रेक नहीं दी तो बैक का लफड़ा हो जाएगा क्लास तो चार बजे ही है हुँ. तो आरबीसी चाहिए और क्लास बनानी है आरबीसी अभी कुछ किया ही नहीं उसका मैंने क्वेश्चन छाँटने हैं चिपकाने हैं सारा काम बचा हुआ है <coughs> अरे वो डाउस प्रोसेस पूछ रही थी ना बेटा डाउस प्रोसेस वो थी <coughs> फिनॉल से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं गीतांजलि मैंने उस वक्त रोका था ना तो फिर थोड़ा सा स्पीड से कर ले पाँच मिनट से कुछ भी नहीं होगा बिट्टू पाँच मिनट से कुछ नहीं होगा मैं वो बहुत तेज़ बाग के को रहा है तो ऐसा करें थोड़ा स्पीड से कंप्लीट कर लें कि ईथर्स का मैं मेन देख सबसे पहले मैं फटाफट इसका नोमटलेचर करवाती हूँ है ना और फिर दो वो करवा देती हूँ प्रिपरेशन दो प्रॉपर्टीज और दो क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चलो अब ईथर्स होते कौन है देखो ज़रा ईथर्स होते हैं जिनमें तुम्हें पानी का बदला याद है कि दोनों के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं ये ईथर्स होते हैं मतलब दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं अब वो दो अल्काइल ग्रुप सेम हो तो हम उनको बोलेंगे सिंपल ईथर और अगर वो दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग होंगे तो हम उनको बोलेंगे मिक्स्ड ईथर ठीक है आईयूपीएसी सिस्टम में ईथर्स को बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन बहुत ही सिंपल वे में जिसको नहीं आती है मैं उसको आईयूपीएसी समझाती हूँ ईथर होता है आर ओ आर डैश अगर वो मिक्स्ड ईथर है तो फॉर श्योर उसमें से एक जो अल्काइल ग्रुप होगा वो छोटा होगा और एक एल्काइल एल ग्रुप बड़ा होगा कोई भी हो सकता है वो बड़ा होगा ठीक है जो बेटा छोटा एल्काइल एल ग्रुप है उसको छोटी बहन समझ के ऑक्सीजन दे देना और उसका नाम रखते हैं ना एल्कोक्सी छोटी बहन एल्कोक्सी नाम भी ऐसे छोटी बहन का लग रहा है और बड़े को क्या कर देना एल्कोक्सी एल्केन अब देखो जैसे सपोज करो अब सीधा हम एनसीईआरटी का ही करते हैं जैसे इसके अंदर देखो तुम मीथॉक्सी मीथेन दोनों एक जैसे है ना तो एल्कोक्सी एल्केन तो छोटी बहन को ऑक्सीजन पकड़ा दो इनमें तो दोनों बराबर ही हैं तो किसी को भी पकड़ा दो मीथॉक्सी मीथेन इसमें बराबर है तो ईथॉक्सी ईथेन इसमें भी बेटो एक मेन चेन है और एक ये सब्स्टिट्यूंट माना जाएगा छोटी बहन ये रही बड़ा भाई ये रहा ये रही छोटी बहन ये रहा बड़ा भाई नाम हो जाएगा और यह सिर्फ सब्सटीट्यूंट और कुछ भी नहीं है तो वन टू थ्री तो वन मीथॉक्सी प्रोपेन जैसे वन क्लोरोप्रोपेन वन ब्रोमोप्रोपेन वैसे ही वन मीथॉक्सी प्रोपेन छोटी बहन बड़ा भाई अब इसमें कौन है ये छोटी बहन है ये छोटी बहन है तो नाम हो जाएगा मीथॉक्सी बेंजीन एल्कोक्सी एल्केन है ना तो नाम हो जाएगा मीथॉक्सी बेंजीन ठीक है फिर इसमें देखो इथॉक्सी बेंजीन है कि नहीं फिर इसमें देखो इसमें इधर छह है और इधर सात है तो इस बार छोटी बहन तो बेंजीन हो गई तो बेंजोक्सी मत कर देना ये होता है है तो हेप्टेन हेप्टेन बड़ा भाई इस बार मेन चेन को मैं बड़ा भाई कर रही हूँ इसको देखो वन टू थ्री ये मेन चेन हो गई और टू मिथॉक्सी प्रोपेन टू मिथॉक्सी प्रोपेन ठीक है फिर इसमें ये बड़ा भाई लग ही रहा है मतलब मेन चेन और इसकी नंबरिंग तुम यहां से शुरू कर दो तो थ्री मीथाइल वन आ, ये को, अरे नहीं रे ये तो छः कार्बन इधर है सॉरी छः कार्बन है तो फिर ये आपका वो हो जाएगा ब्रांचिंग मतलब अल्कॉक्सी हो जाएगा दिस विल बी एल्कॉक्सी सब्सटीट्यूंट ये अल्कॉक्सी सब्सटीट्यूंट हो जाएगा ठीक है अब इसका नाम तो गिनती यहाँ से शुरू होगी तो थ्री मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन थ्री मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन छोटी बहन कौन हो गई ये हो गई थ्री मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन अब इसको देखो ये आपका बड़ा भाई और दो दो छोटी बहनें हैं इसकी तो वन टू डाई मिथॉक्सी इथेन ठीक है और इधर ये आपका एल्केन डेरिवेटिव है इस पर आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी इफ यू रिमेंबर मैंने नोम क्लेचर में हमेशा बोला है कि जब दो से ज्यादा यानी तीन सब्सिट्युएंट होते हैं ना रिंग पे तो आपको लोएस्ट सम रूल लेना होता है तो नाम हो जाएगा टू इथोक्सी वन वन डाइमिथल साइक्लोहेक्न टू इथोक्सी वन वन डाई मिथाइल क्यों वाई डिड आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस वाला कार्बन देन द पोजिशंस विल भी वन टू टू समल बी फाइव वन प्लस टू प्लस टू फाइव सो आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेयर सो नाउ इट इज वन प्लस टू इच इज फोर सो ले रूल इज फॉलोड ओके एंड देन आता है प्रीपरेशन बिटू दो प्रीपरेशन है इसकी मेनली एक है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर्स याद करो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 443 फोर्टी थ्री पर अगर तुम कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर लेते हो तब तो बनते हैं कौन एल्किन्स लेकिन अगर तुम टेम्परेचर बदल दो तो क्या बन जाएंगे ईथर्स तुम देखो टेम्परेचर कम है तो पानी कम उड़ रहा है एवरी टू एल्कोहल विल रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल सो दैट द टू विल ज्वाइन थ्रू ऑक्सीजन देखो सी टू एच फाइव ओ एच एच ओ सी टू एच फाइव अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल वॉटर एलिमिनेट हो जाएगा और ए, दो सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ सी टूर विल बी फॉर्म गॉट इट ठीक है तो टेम्परेचर कम रखोगे तो दो दो एल्कोहल में से एक एक पानी उड़ेगा टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो बड़ी गर्मी होगी बड़ा पानी उड़ेगा तो देखो हर अल्कोहल में से एक एक पानी उड़ेगा बट यू विल यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द मैकेनिज्म कि मैम क्या लफड़ा हुआ टेम्परेचर से तो तुम्हें तो मैं बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग मेकानिज्म की देती हूँ क्योंकि इस टेम्परेचर में, में मेकानिज्म ही मेन होते हैं देखो सी एच थ्री सी एच इसका रिएक्शन किससे करवाया था अपन ने h प्लस से क्या बना सी एच थ्री सी एच टू और यहाँ पॉजिटिव चार्ज अब आएगा टेम्परेचर का रोल अब टेम्परेचर का रोल कैसे आएगा देखो एक हम कर रहे हैं 443 केल्विन पे और एक हम कर रहे हैं फोर वन थ्री इसको ध्यान से समझना ये ना कोई समझाता है ना किताबों में लिखा होता है कि चार सौ तेरह पे क्या होगा और फोर फोर्टी थ्री पे क्या होगा <coughs> अगर तुमने टेम्परेचर फोर फोर्टी थ्री कैल्वन कर दिया विच इज़ मच हायर अगर तुमने टेम्परेचर फोर फोर्टी थ्री कैल्वन कर दिया जो कि बहुत ज्यादा है तो ये थर्मल एजुटेशन होगी इस बॉन्ड में क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी एनर्जी मिलती है जितनी ज्यादा एनर्जी मिलती है बॉन्ड टूटने के आसार होते हैं तो ये टूट जाएगा और क्या बन जाएगा कार्बो के टाइम सी एच थ्री सी एच टू प्लस और फाइनली कार्बो के तुम्हारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू CH2 सी एच टू लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर रखा कम तो इसमें थर्मल एजिटेशन भी कम है ये बॉन्ड कम कांप रहा है कम टूटने के चांस इस है इससे पहले कि ये लिविंग ग्रुप बन के निकले और जाए कौन ओ एच टू ये टूटे टेम्परेचर कम रखा है ना अनेदर एल्कोहल मॉलिक्यूल का इस वाले कार्बन पे बैक साइड की अटैक की संभावना है इस वाले कार्बन क्योंकि तुम देखो ये एक लिविंग ग्रुप भी है <coughs> तो जब तुम टेम्परेचर कम रखते हो तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू पे अटैक कर देता है एक और एल्कोहल का मॉलिक्यूल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कहां पे इस वाले कार्बन पे एस एन टू अटैक करता है ठीक है एस एन टू अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका अब तो जाना ही पड़ेगा इसको एज ए लीविंग ग्रुप अब निकलना पड़ेगा तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू ओ पे एच जुड़ा हुआ ये पूरा आपका अटैकिंग न्यूक्लियो uh, है दूसरी एल्कोहल और ये सी एच टू सी एच थ्री ये क्या बन गया तुम्हारा इस पे पॉजिटिव चार्ज फिर ये डी प्रोटोनेट होगा और क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ ये ये बन जाएगा तुम्हारा ईथर समझे तुम तुम तो नोटिस करो कि हायर पे क्या हुआ और लोअर टेम्परेचर पे क्या हुआ जब टेम्परेचर ज्यादा था तो इतनी जल्दी बॉन्ड टूटा कि दूसरे अल्कोहल को अटैक करने का मौका ही नहीं मिला एल्कीन बन गई लेकिन जब टेम्परेचर कम था तो वो टाइम लैग मिल गया अटैक करने का ठीक है तो जैसे दूसरी अल्कोहल ने अटैक किया तो ये निकल गया और क्या बन गया तुम्हारा ईथर बन गया ठीक है सो so, अब एक और बात है क्योंकि एसेंट टू अटैक होता है इसमें ये ये है इथर वाला तो ये तो पुराना मैकेनिज्म है ये तो हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल् एल्कोहल्स टू फॉर्म एल्किन्स वाला मैकेनिज्म अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं इथर का तो बेटा ये तुम देखो इसमें एसेंट टू अटैक है और डू यू रिमेंबर एसेंट टू अटैक के लिए प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स आर बेस्ट एसेंट टू अटैक के लिए प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स आर बेस्ट ठीक है तो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप बेस्ट होते हैं और अनहिंडर्ड होने चाहिए लेकिन और उसके अलावा एक और चीज़ आपका जो अटैक कर रहा है और जिस पे अटैक हो रहा है वो एक जैसा होना चाहिए अगर तुमने मतलब अलग अलग अल्कोहल्स ले ली जैसे तुमने इथेनॉल और मीथेनॉल का मिक्सचर ले लिया तो इथेनॉल पे इथेनॉल अटैक करके इथॉक्सी इथेन बना सकता है मीथेनॉल पे मीथेनॉल अटैक करके मीथॉक्सी मिथेन बना सकता है इथेनॉल पे मीथेनॉल अटैक करके मीथॉक्सी इथेन मीथॉक्सीमथेन मिथेन इथॉक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन इथोक्सी जो भी है वटेवर तीन चीज़ें बन सकती हैं एक का मिक्सड ईथर दो सिंपल ईथर मिक्सचर किसको मांगता है

डू वी हैव सम बेटर ऑप्शन तो बेटू बेटर ऑप्शन है हमारा विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस इज अ मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन ऑफ ईथर जहाँ तुम अनसिमेट्रिकल ईथर्स को बखूबी बहुत अच्छे से बना सकते हो जो एल्कोहल्स का सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो ग्रिगनाड वाला था जहाँ वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री एल्कोहल्स तुमने मन भर के बनाई थी अपनी मर्जी से ग्रिगू की मदद से और आपके ईथर्स का जो बेस्ट मेथड ऑफ़ प्रिपरेशन है वो विलियमसन हल्का बल्कि कॉन्सेप्ट अब तुमसे पूछा जाएगा कि विलियमसन के रिएक्टेंट्स या रिएजेंट्स कौन से होंगे के रिएक्टेंट्स या रिएजेंट्स कौन से होंगे बहुत सिंपल है अनसिमेट्रिकल ईथर जिसमें एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप है दूसरा तरफ कोई और अल्काइल ग्रुप है नेचुरली अगर दोनों अल्काइल ग्रुप्स बेटू अलग अलग है तो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप हल्का होगा और कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप भारी होगा कंपैरेटिवली एक ही रूल है विलियमसन सिंथेसिस का कि जो ईथर्स हैं वो बनते हैं एक रिएजेंट कौन कौन से एक तो आर ओ एन ए होता है और एक आर एक्स होता है तुम्हें ध्यान रखना है भारी विल ऑलवेज कम वाया दिस हमेशा वो आर ओ एन ए के फॉर्म में आएगा और जो हल्का होगा वो हमेशा आर एक्स पे आएगा मालूम क्यों मालूम क्यों हल्का भल्की कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि तुम्हें मालूम है कि RO as a nucleophile RX पे तो साइड अटैक हो रहा है वो बहुत लाइट वेट का होना प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स में सबसे अच्छा होता है एस एन टू यानी कि लिविंग ग्रुप एंड आर ओ बोफाइल सो so, जो अटैक कर रहा है वो हल्का और जिस पर अटैक आटा, जो अटैक कर रहा है वो भारी और जिस पर अटैक कर रहा है वो हल्का होना चाहिए की वजह से आई रिपीट वंस मोर विलियमसन सिंथेसिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिप्रेटरी मेथड ऑफ ईथर्स प्रिपरेशन में अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाए जाते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाए जाते हैं अब अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने में हमारे पास दो तरह के अल्काइल ग्रुप्स आते हैं भारी हल्का दो तरीके के अल्का ग्रुप्स रहेंगे हमें दोनों तरफ ठीक है अब हल्के और भारी के अंदर तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि इसके भारी विल कम थ्रू एल्कोक्साइड हल्का विल कम थ्रू हेलाइड और अफकोर्स नीडलेस टू मेंशन तुम्हें ये तो पता होना चाहिए विलियमसन के रिएक्टेंट्स कौन है वन इज अल्काइल अल्काइट अनदर वन इज एल्कोक्साइड वन इज अल्कड अनदर वन इज एल्कोक्साइड रट्टा मार लो कि विलियमसन का एक रिएजेंट कौन है एल्का हिलाइट दूसरा कौन है एल्कोक्साइड अनसिमेट्रिकल इीथर का हल्का अल्काइल ग्रुप कौन लेके आएगा हेलाइड बल्कि कौन लेके आएगा एल्कोक्साइड खत्म ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा इस विजुअल को देखो इसमें भारी और हल्का दो है भारी अल्कोहल यानी एल्कोक्साइड के जरिए और हल्का हेलाइड के जरिए विलियमसन के ये रिएक्टेंट्स करने होते हैं इसी को एनसीआर से पढ़ लेते हैं ताकि हमको आ जाए कॉन्फिडेंस ये देखो विलियमसन सिंथेसिस में तुम अनसिमेट्रिक लिथर्स बनाते हो जिसके रिएजेंट्स होते हैं हेलाइड एंड एल्कोक्साइड हमेशा ध्यान रखना कि एल्कोक्साइड बल्कि होता है और हेलाइड हल्का ठीक है अगर तुम्हें इस तरीके का इधर बनाना है सिंग, सिंगल थंब रूल चलेगा कि हल्का हैलाइड एंड बल्कि एल्कोक्साइड ठीक है उल्टा ले लिया ना अगर अगर तुमने कहीं उल्टा ले लिया तो एल्कीन बनने लगेगा क्योंकि अगर तुमने सपोज करो इसका हैलाइड ले लिया और इसको एज एल्कोक्साइड ले लिया लाइक सी एच थ्री ये देखो यहाँ किया हुआ है हल्के को एल्को उल्टा कर दिया तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ बेस भी है और

थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइड पे एलिमिनेशन करेंगे एंड प्रोडक्ट अल्किन बन जाएगा ठीक है तो सिंगल रूल हल्का हल्का एल्काल ग्रुप विल कम बायड एंड बल्की विल कम एल्कोक्साइड सिमिलरली फॉर एराय अल्काइल दिस एल्काइल ग्रुप विल कम बाय एंड दिस एल्कोक्साइड विल कम बाय मतलब पूरा फिनॉलिक ग्रुप जो है वो वाया एल्कोक्साइड आएगा अब तुम कहोगे मैम उसमें भी उल्टा करेंगे तो अल्किन बनेगा इसमें उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा मेरे बच्चों कुछ नहीं बनेगा ध्यान रखना एल्काइल एल्काइल ईथर्स में उल्टा करेंगे तो एल्कीन बनेगा वो विलियमसन से उल्टी चॉइस कर दी तुमने तो इधर उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा कुछ नहीं बनेगा क्यों क्योंकि इधर ये भले ही तुम्हारा जो आर ओ एन ए है वो बेस है ठीक है लेकिन इधर अब जो ये रिएक्शन होने वाली है मतलब तो ये जो ये रिएक्ट करने वाला है तो अगर तुमने इस पर ये कर लिया उल्टा चॉइस कैसे करोगे ये हैलोजन ले लोगे तो इस पर फिर होता ही नहीं ना कुछ एलिमिनेशनिनेशन कुछ नहीं होता में में तुमने उल्टी क्या क्या करोगे तुम ये कर कर लो, क्या कर लोगे 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 इसका ले ले इसको उल्टा, अब लो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस पर एलिमिनेशन भी नहीं होता ठीक है तो ध्यान रखना तो विलियमसन सिंथेसिस में देख लेना अगर तुमने रिएक्शन सो विलियमसन सेंथसेज इज ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ रिएजेंस इन फॉर्मिंग अन सेमेट्रिकल ईथर एंड द ईथर इज अनसेमेट्रिकल वन एल्काइल ग्रुप हैज़ टू बी लाइटर देन द अदर यू जस्ट हैव टू सी दैट कौन सा वाला अल्काइल ग्रुप किस जरिए से आएगा एंड देर आर टू रिएक्टेंट्स वन इज अल्काइल हेलाइड अदर वन इज अल्कॉक्साइड हल्का हमेशा हेलाइड होगा बल्कि हमेशा अल्कॉक्साइड होगा एराइल अल्काइल ईथर जो होते हैं जैसे एनिसॉल फीनीटॉल इनमें आपका फिनॉक्साइड के थ्रू आता है एल्कॉक्साइड और जो एलकाइल ग्रुप है वो हेलाइड के फॉर्म में आता है जैसे अगर तुमको बनाना हो एनीसॉल एनीसॉल बोले तो तुमको ये बनाना हो ये बनाना हो तो सी ए सी एच थ्री ओ सी एच थ्री तो बेटा क्या होगा तुम ये बस ध्यान रखना रूल कि ये हमेशा आर एक्स के फॉर्म में आएगा और ये हमेशा ओ एच या ओ एन ए के फॉर्म में आएगा ये ब्रेक ये रिएक्टेंट्स हो गए इसके ठीक है उल्टा कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा ओके चलो वन सी प्रोपेन तो बहुत सिंपल है बना ही लोगे सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू अब क्या करना है प्रोपेन तुमको पर पढ़ रटा पड़ा है कि मैम एक तो हेलाइड होता है तो प्रोपाइल का ही हेलाइड ले लो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एक्स और इसी का ऑक्साइड ले लो सी एच थ्री सी बस खत्म ये बनाओ इथॉक्सी बेंजीन इथॉक्सी बेंजीन अपने आप बनाओ मैं पानी लेके आती हूँ ओ मैं तुम्हें तो बता दूँ थोड़ी सी स्लाइड्स बची हैं एक तो इथॉक्सी बनाओ एक टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन बनाओ टू मिथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन एक ये बनाओ ठीक है ये दोनों तुम बनाओ मैं पानी लेके आती हूँ और वन इथेन भी बनाओ एक साथ एक पेज पे ही कर लो वन मीथॉक्सी इथेन सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री इन तीनों को एक पेज पे कर लो एंड मैं तुम्हें स्लाइड्स भी बता देती हूँ कितनी बची हैं एक सौ पंद्रह स्लाइड पे आ गए हैं विलियमसन हमारी होगी बस दो फिजिकल प्रॉपर्टी दो केमिकल प्रॉपर्टी दस मिनट का सेशन बचा बेटा हार्डली इट्स टेन मिनट्स ऑफ सेशन विच इज लेफ्ट

Thank you. कर लिया बेटा क्या क्या चीज बोल रहा हूँ <coughs> थक गई मैं बोलते बोलते यार हाँ हाँ बस वो नेक्स्ट वही आ रहा है वही इंपॉर्टेंट चीज बची है फिर क्वेश्चंस है फिर खत्म देखो <coughs> कैसे बनाना है देखो जरा ये तुम्हारा एक मिक्सड ईथर है मतलब अनसेमेट्रिकल ईथर है जिसके अंदर दो अल्काइल ग्रुप्स अपन को नजर आ रहे हैं हमें सिर्फ बंटवारा करना होता है कैसे बंटवारा करना होता है बेटो ये देखो ये हल्का है ये हल्का है दिख रहा है ना मिथाइल हल्का है और ये बल्कि हल्का बल्कि कॉन्सेप्ट लगा दो और रट लो कि हल्का हेलाइट से आएगा तो वन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी सी एच थ्री एक्सर वन विल बी सी एच थ्री सी एच टू ओ एन ठीक है इधर देखो ये तुम्हारा ये हल्का है है ना वैसे भी बेंजीन का भी रूल यही होता है और ये बल्कि है तो तुम रट लोबस की हल्का हमेशा है के आता है, तो सी टू एच फाइव एक्स हो जाएगा आई बी आर किसके थ्रू आएगा ONA के थ्रू आएगा ठीक है इसका डिस्टिंग्विश करो ये जीथर है तो ये पूरा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है ये है बल्कि ठीक है ये बल्कि हो गया और ये क्या हो गया हल्का हो गया है ना तो हल्का विल कम थ्रू एल्का सी एच थ्री एंड ओ एन ठीक है बस हल्का बल्कि कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो जाता है ये तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ध्यान रखना विलियमसन में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई कोई ह... मतलब सोचो मैम ये ये केस आ गया तो क्या करेंगे कोई भी केस आ गया कोई भी केस आ गया तुम्हारे हल्का बल्कि ही आंसर आएगा बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि अरे मैम इसमें एक एक्सेप्शन भी था इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है डिड आई मेक इट क्लियर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है हल्का बल्कि कॉन्सेप्ट है सिंथेसिस ओके okay, चलो अब ये हमने कर ही लिए सारी चीजें अब ये रिएक्शन करके बताओ क्वेश्चन करके बताओ क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर बताओ वेरी गुड राघव अभिनव शाबाश मेरा बच्चा वेरी गुड अंश निशा प्रवीण वेदांत सी इज द करेक्ट आंसर ये रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस जिसमें हल्का बल्कि कॉन्सेप्ट है और कुछ भी देखो हल्का है हिलाइड और बल्कि है एमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोड्यूस एनिसॉल दो में पूछा गया कि एनिसॉल प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से क्या चुने <coughs> का एलिफेंट बोल रहा है डी एनीसॉल्व प्रोड्यूस करने के लिए एनी सॉल्व क्या होता है वो मालूम है तुम लोग को ये होता है एनी सॉल्व इसको बोलते हैं एनी सॉल्व ध्यान रखो कॉमन नेम्स पता होने चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स के एनी सोल्व अब एनीसॉल्व में हल्का बल्कि देख लो तुम ये हल्का है तो हल्का तो हेलाइड होता है और ये बल्कि है बल्कि अल्कॉक्साइड होता है है ना इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर तुम इन ऑप्शन को नज़रअंदाज करो तो तुम्हारे हिसाब से इसके रिएजेंट्स होने चाहिए थे ओ एन ए प्लस सी एच थ्री एक्स राइट इस बात से तो कन्वेंस्ड हो ना कि मैम ये इसके रिएजेंट्स होने चाहिए थे तो सी एच थ्री एक्स तो ये रहा ठीक है और ओ एन ए किससे बन जाएगा ओ सी सिक्स एच फाइव ओ एच और एन ओ एच का सॉल्ट है ये यानी ये किससे बनेगा ये बनेगा इससे ओ OH एच प्लस NAH. एन एच ठीक है तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट चॉइस ओके ट्वेंटी करो ये नीट 2014 में पूछा था विलियमसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड एनजे एंड इवन फॉर दिस बोर्ड सभी में इंपॉर्टेंट है विलियमसन तो सब में पी वाई क्यों सबसे ज़्यादा मिलते हैं इसके का एलिफेंट और निशा प्रवीण कह रहे हैं डी कोमल पांडे कह रही है डी 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 कन्नू एवरीवन बट डी क्यों लग रहा है तुम लोग को रीअरेंजमेंट करवा रहे हो तुम लोग रीअरेंजमेंट का टाइम कहाँ होता है एंटीमार्कोनिक से थोड़ी ना होता है एच बी आर एच टू को जयवीरो की जोड़ी है जयवीरो की जोड़ी में यहां ब्रोमीन लगता है तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और सी एच टू बी आई दिस विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये वाई हो जाएगा और इसका रिएक्शन जब तुम सी टू एच फाइव ओ एन ए से करवाओगे तो क्या बनेगा ए बनेगा ना सी एच थ्री सी एच टू का होल्थ राइस फिर ओ सी टू एच फाइव विलियमसन हो जाएगा

तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है लेकिन खुद के साथ नहीं कर सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती सॉल्युबिलिटी पानी में है क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ऑक्सीजन है इसके पास ठीक है अब आते हैं बेटा ये फिजिकल प्रॉब्लम यही चीज यहां लिखी हुई में, कि में होते है पोलर कंपाउंड होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ कर सकते हैं इसलिए पानी में घुल मिल जाते हैं बट खुद के साथ नहीं देखो तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेकिन खुद के साथ नहीं कर सकते इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं कम अब लास्ट बच रहा है केमिकल रिएक्शन इसमें आएगा एक्सेप्शन अभी खत्म हो रहा है चैप्टर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम विलियमसन सिंथेसिस में एक एक्सेप्शन भी तो था लेट मी टेल यू वंस अगेन बच्चों विलियमसन सिंथेसिस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है सिर्फ हल्का बल्कि कॉन्सेप्ट से आप आंसर निकाल सकते हैं आप किसी भी ईथर को घूर के देखो और आप कहो कि भैया ऑक्सीजन के अल्ली पल्ली के ग्रुप्स क्या हैं तो एक हल्का होगा एक बल्कि होगा हल्का हेलाइट से आएगा बल्कि एल्कोक्साइड से आएगा खत्म और एल्कोक्साइड तो एल्कोहल से बन जाता है और एल्कोहल फिर हेलाइड से बन जाता है तो कई बार वो दो हेलाइट से भी आपको ईथर बनवा सकते हैं फ़र्क सिर्फ इतना है कि एल्कोहल से पहले आपको हाइड्रोक्सी कंपाउंड फिर एल्कोक्साइड और फिर विलियमसन सिंथेसिस में एंट्री समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ समझ तो रहे मैं क्या बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है जैसे आपका मैं एक बार बता देती हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रही हूँ जैसे सी टू एच फाइव सी सी एल दे दिया और एक दे दिया सी एच थ्री सी एल क्या तुम इससे भी विलियमसन करा सकते हो क्या तुम इससे भी विलियमसन करा सकते हो बिल्कुल करा सकते हो इन दोनों से भी विलियमसन करा सकते हो पहले तुम ये चुनो कि इनमें से हेलाइड कौन रहेगा और एल्कोक्साइड कौन होगा क्योंकि विलियमसन में एक एल्कोक्साइड चाहिए होता है और एक हेलाइड चाहिए होता है तो ये तो एज हेलाइड ही रख लो और ऊपर वाले को एल्कोक्साइड बनाने के लिए क्या करो पहले आ, कोई भी जैसे ओ एच बनाना है तो एक्वास एनिवेज से ट्रीट करा दो ठीक है क्या बन जाएगा सी और इसको एज इट इज एनवे तू रुक जा तेरे से करवाते रिएक्शन फिर इसका रिएक्शन सोडियम से करवा दो तो सॉल्ट बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ एन ए अब इसका रिएक्शन तुम सी टू एच फाइव सी एल से सी एच थ्री सी एल से करवा दो क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव मिक्स जीथर बन जाएगा ओ सी एच थ्री तो कई बार वो तुमको दोनों हेलाइड दे देते हैं और विलियमसन करवाते हैं तो कन्फ्यूज मत हो जाना बन जाएगा ठीक है तुम्हें बस ये ध्यान रखना कि किसी एक हैलाइड को तुमको इस रूट पे लेके आना है एल्कोक्साइड और वो कौन सा होगा बल्कि बल्कि वाले हेलाइड का एल्कोक्साइड बना के हल्के हेलाइड के साथ रिएक्शन करा दो बस दिस वॉज विलियमसन एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शन जिसमें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्लीवेज ऑफ सीओ इसके रूल्स में यही बता देती हूँ ताकि तुमको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ विलियमसन जस्ट रिवर्स ऑफ विलियमसन इसमें क्या होगा आप एक ईथर लोगे विच इज अनसिमेट्रिकल ईथर ठीक है और इसका आप एच एक्स मोस्टली एच आई के साथ बॉन्ड ब्रेक करोगे आपको याद है ना कि विलियमसन के अंदर जो जब आप ईथर बनाते हो तो हल्का हेलाइड और बल्कि एल्कोक्साइड आर द पार्टिसिपेंट्स। एंड नाउ वेन यू ब्रेक द इथर नाउ वेन यू ब्रेक द से इसको तोड़ देते हो तो भी क्या होता है जैसे ये हल्का है और ये बल्की है तो वेन यू ब्रेक द इथर द बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ विलियमसन इसके अंदर आपका बन जाता है आर एक्स आर एक्स और आर ओ एच सो विलियमसन में था आप बल्कि एल्कोक्साइड और हल्के हेलाइट से ईथर बनाते थे इसमें आप ईथर को एच आई की प्रेजेंस में तोड़ देते हो एंड हल्का हेलाइट बन जाता है एंड बल्कि एल्कोहल बन जाती है ये दिस इज उल्टा ऑफ दिस विलियमसन सिंथेसिस ठीक है अब मसला ये है यहां एक्सेप्शन है विलियमसन में एक्सेप्शन नहीं था लेकिन यहां एक्सेप्शन बिटू है क्या एक्सेप्शन है वो सुनो इधर देखना इधर ये एक्सेप्शन है कि पहला तो नॉर्मल नौ, रूल क्या है नॉर्मल रूल ये है रूल नंबर कि जबकि हल्का एल्काइल फिर ऑक्सीजन फिर बल्कि एल्काइल इसका तुम जब रिएक्शन करवाओगे किससे एच से तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनेंगे हल्का हेलाइड हल्का बनेगा हल्का हेलाइट बनेगा और बल्कि एल्कोक्साइड बनेगा मतलब एल्कोहल बनेगा यू मान लो ठीक है दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ विलियमसन रूल नंबर टू रूल नंबर टू अगर तुमने क्या ले लिया एलकॉक्सीन ले लिया एलकॉक्सीन सपोज इफ यू हैव टेकन एल्केन अब कहां से ब्रेक होगा फॉर श्योर sure, जो ब्रेकिंग होगी वो यहाँ से तो हो ही नहीं सकती यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है ना बेंजीन के साथ नहीं करते वहाँ रेजोनेंस में ऑक्सीजन रेजोनेंस में आ जाएगा इसका मतलब इधर से टूटेगा सिंपल रूल तो जब तुम इसको एच हाँ आई के साथ ब्रेक करोगे तो तुम्हारा आर हमेशा हेलाइट बन जाएगा और ये हमेशा एल्कोहल आर दीज टू रूल्स नॉट रिवर्स ऑफ विलियमसन क्या ये विलियमसन का रिवर्स नहीं है विलियमसन में बनाते वक्त हल्के हेलाइड और बल्कि अल्कोहल से तुम ईथर बनाते थे यहाँ ईथर को वापस कन्वर्ट कर देते हो विलियमसन में तुम जब बनाते थे तो क्या करते थे हल्के हेलाइड और एल्कोक्साइड की मदद से एनिसॉल फिनिटॉल बनाते थे अब एनिसॉल फिनीटॉल को तोड़ते हो तो वापस से हल्का हेलाइड और ये बन जाता है बिल्कुल सही है रिवर्स है अब विलियमसन में जहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं था बेटा इधर एक्सेप्शन आएगा अगर कहीं तुमने देखा कि टर्शरी अल्काइल ग्रुप है वन ऑफ द लाइक बल्कि बल्कि वाला कौन सा है टर्शरी द बल्कि वन इज टर्शरी देन देयर इज एन एक्सेप्शन देन देयर इज एन एक्सेप्शन विलियमसन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता लेकिन जब आप एक ऐसे मिक्स्ड ईथर को एच के साथ रिएक्ट करके तोड़ते हो जहाँ पे एक तरफ टर्शरी ग्रुप होता है और एक तरफ रट लो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है उल्टी हो जाते हैं प्रोडक्ट्स बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं आपको एक्सपेक्टेशन होगी मैम हल्का हेलाइट बनेगा पर नहीं टर्शरी हेलाइट बनता है वेरी इंपॉर्टेंट ये देखो टर्शरी हेलाइट बनता है और हल्का एल्कोहल बनता है दिस इज द ओनली एक्सेप्शन विच वी हैव ओनली एक्सेप्शन विच वी हैव विलियमसन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है एच आई हाँ के साथ ज्यादातर करते हैं क्योंकि रिएक्शन तेज होती है निशा उससे एच सी से भी हो जाती है ठीक है तो थ्री डिग्री का केस अगर आ गया तो वहां पे दिमाग की बत्ती जलेगी कि यार ये तो इसमें तो उल्टे प्रोडक्ट्स बनाने हल्का क्या बनाना है भूख लग लगी मुझे तो यार हाई एक घंटा बचा आरबीसी कैसे फंस गई मैम तो सॉरी हल्का हेलाइड बन जाएगा हल्का क्या होगा एल्कोहल और बल्कि क्या होगा हेलाइड ठीक है ओके अब ये पूरा यही है यही ये, ये पढ़ना है तुमको और इसमें बस ये फाइंड आउट करना है कि इसके रीजनस क्या होंगे ठीक है तो पहला देखो पहला रूल क्या था विलियमसन में जैसे तुम हल्के हेलाइड और बल्कि अल्कोक्साइड से ईथर बनाते थे यहाँ ईथर को जब तोड़ते हो तो हल्का हेलाइड और बल्कि अल्कोक्साइड रिकवर कर लेते हो विलियमसन में जैसे तुम हल्के हेलाइड और एल्को फिनोक्साइड वाला जो था उससे एराइल अल्काइल ईथर बनाते थे यहाँ एराइल अल्काइल ईथर को तोड़ के वापस ये रिकवर कर लेते हो लेकिन विलियमसन ने कभी ऐसा नहीं होता था कि तुम थ्री डिग्री हेलाइड ले लो और हल्का वाला एल्कोक्साइड ले लो क्योंकि अगर तुम ये लोगे एज अ रिएक्टेंट अगर तुम विलियमसन के रिएक्टेंट इनको लोगे तो एल्कीन प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन तोड़ते वक्त उल्टा हो जाएगा समझे तोड़ते वक्त दिस इज ओनली एक्सेप्शन विलियमसन में कोई एक्सेप्शन नहीं मैं दसवीं बार रिपीट कर रही हूँ इसमें एक्सेप्शन है ठीक है अब आ जाओ एनसीआर का फटाफट एक जरा चक्कर मार लेते हैं जब आप आर ओ आर को एच एक्स से तोड़ते हो तो एच एक्स कोई भी हो सकता है तो आप हल्का बल्कि कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें भी सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखते हुए कि जैसे आपने ये तोड़ा यहाँ से कभी मत तोड़ना यहाँ से तोड़ना तो दिस इज़ वन रूल इसी तरीके से मतलब और इसमें ऑर्डर एच आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पूरे चैप्टर में यही चल रहा है कि एच आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ठीक है मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है कि होता क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म अदरवाइज उस एक्सेप्शन को हम नहीं समझ पाएंगे होता ये है कि जब भी तुम किसी ईथर को एच से रिएक्ट करवाते हो तो एच तो एसिड है और इनफैक्ट अब हेलोजन एसिड्स में सबसे स्ट्रांगर एसिड होता है अभी एक बच्ची ने पूछा था कि वाई ओनली एच आई वाई नॉट एच सी एल एन एच बी आर डू यू नो मतलब तुम लोगों ने पी ब्लॉक मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है तुम पी ब्लॉक में जानते हो कि हेलोजन एसिड्स की जो एसिडिटी होती है वो नीचे आने पर बढ़ती है एच एफ एच एच सी एल एच बी आर एच आई सब जानते हैं और यहाँ पर इनका काम ही एसिडिटी का ही है मतलब जो एच आई होता है ना वो उसका एसिडिक होने का ही काम है तो दिस इज द रीजन वाई वी ऑलवेज टेक एच आई ठीक है तो हमने एच आई के साथ किया क्योंकि उसने एच प्लस प्रोवाइड किया और एच प्लस प्रोवाइड सबसे ईजिल और कन्वीनियंटली एच आई ही करता है बाकी वाले थोड़ी दिक्कत से करते हैं तो हमने एच प्लस प्रोवाइड किया ठीक है अब एच प्लस प्रोवाइड करोगे तो वो ऑक्सीजन पर चिपक जाएगा ऑक्सीजन पे चिपकते हैं तो सारे मैकेनिज्म्स में कॉमन है कि ऑक्सीजन के ऊपर एच प्लस जो है वो चिपक जाता है बचता कौन है आई माइनस अब आई माइनस हमला करेगा कौन सा वाला एस इन अटैक करेगा मुझे बताओ एसन अटैक तो हमेशा हल्की साइड से होता है ना

सिटी होगी कि मैम फिर वो एक्सेप्शन क्यों आ गया मतलब अगर हमेशा हेलाइड हल्की साइड ही अटैक करता है फिर आपने टर्शरी वाले का हेलाइड क्यों बना दिया था क्योंकि बेटा वहां एस एन वन हो गया था वहां क्या हो गया था मेरे बच्चों मेरे बच्चों अच्छा सुनना मेरी बात को एस एन वन हो गया था कैसे हो गया था एस एन वन सुनो एस एन वन ऐसे हो गया कि जैसे ही तुमने कहा गया वो कहीं ब्रैकेट ब्रैकेट में था ये रहा तुमने एक ऐसा ईथर ले लिया जिसमें एक तरफ टर्शरी अलकाइल ग्रुप है और एक तरफ प्राइमरी अलकाइल ग्रुप है एक तरफ टर्शरी एक तरफ प्राइमरी पहला स्टेप रिमेन सेम कि जैसे ही तुम एचआई हाँ के साथ रिएक्शन कराओगे स्लोली एच प्लस आके ऑक्सीजन के ऊपर चिपक लेगा अब इससे पहले कि आई माइनस प्रिफरेबली मिथाइल पे हमला करता एस करता डू यू रिमेंबर पिछले चैप्टर का जहां पे ये बॉन्ड अपने आप टूटने को उतारू हो जाएगा उत्सुक हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि थ्री डिग्रीड के बनने की पॉसिबिलिटी है अपने आप जोड़े क्या मेरे को न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं न्यूक्लियोफाइल हमला करे उससे पहले हम बिखर के तैयार ऐसे मन में यही तो होता था स्लो स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का वेट थोड़ी करता था अलका हेलाइट या कोई भी जो भी ग्रुप था वो पहले धक्का देता था कि जा मैं तेरे बिना खुश हूँ तो जा मैं तेरे बिना खुश हूँ ये किसने बोला इसने क्योंकि मैं तो थ्री डिग्री अलका ले ले, थ्री डिग्री कार्पोक अटेंड बनाऊंगा विच इज एक्सेप्शनली स्टेबल ठीक है तो मैंने थ्री डिग्री बना लिया तूने मिथेनॉल बना लिया अब थ्री डिग्री पे अब तो आई माइनस के पास चॉइस ही बल्कि बची है तो वो फिर बल्की हेल्ड यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ थ्री डिग्री के लिए ही ये केस वैलिड है नहीं ऑक्सीजन के बाजू में एलाइल ग्रुप हो तो भी हो जाएगा बेंजाइल ग्रुप हो तो भी पॉसिबिलिटी है थ्री डिग्री में ज्यादा है तो जहां जहां तुम देखोगे कि मैम ये आयोडाइड आयन का वेट नहीं करेगा ये तो खुद ही भगा देगा उसको तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने की अच्छी संभावना होती है नीट और जेई में ठीक है तो अब मुझे बताओ ये कहाँ से टूटेगा ये थ्री डिग्री नहीं है इट इज़ वन डिग्री सो ये है बल्कि और ये है हल्की तो हल्की का क्या बनता है हेलाइड यानी यहाँ से तोड़ दो इसको हेलाइड बना दो इसको एल्कोहल बना दो इसको तोड़ो थ्री डिग्री थ्री डिग्री एक्सेप्शन केस यहाँ से टूटेगा ये बनेगा हेलाइड और ये बनेगा एल्कोहल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ मैं इनके अंदर ये तो टूटेगा नहीं ये टूटेगा ये बनेगा ओ एच ये बनेगा हेलाइड कर लोगे बल्कि और हल्की ओके <laughs> okay. ट्वेंटी थ्री में ये क्वेश्चन आया करो जरा बिल्कुल सही बेटा निशा प्रवीण जहां जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वहां पे ऐसा हो सकता है तुम बस आंख और दिमाग खोल के काम करना तुम्हारा केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया स्कोर बनेगा तुम सभी को बोल रही हूं मैं हम्म तो इसको ये देखो से क्वेश्चन कहा नीट में दो का सवाल सब एनसीआर से चीटिंग करके बनाया गया एनसीआरटी का देख सकते हो तुम एग्जाम्पल इलेवन पॉइंट सेवन का थर्ड वाला केस नीट दो हजार तेईस में पूछा गया तो मैं क्या बोलती हूं फिर क्यों बोलती हूं ऐसे फट्टे थोड़ी देती हूं एनसीआर ठीक से करो उसके केमिस्ट्री में बहुत होती है। फिजिकल में अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो ठीक है सो so, यहां से तोड़ दो ठीक है और ये क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा ये ओ एच हो जाएगा ओ के साथ एच चिपकाना होता है नीट दो का क्वेश्चन देखो एनी एनीसोल ऑन क्लीवेज विद्स वेरी गुड वेदांत नैना अंश रिद्धि सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं ए ए बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि एनी सॉल होता है एनी सॉल नाम कितना प्यारा है ना एनी सॉल ओ सी एच थ्री यहाँ से तो टूटता ही नहीं है ना कहाँ से टूटता है इधर से टूटता है तो ये ओ के साथ एच चिपका दो फिन सी एच थ्री आए ट्वेंटी थर्ड दो हज़ार उन्नीस में पूछा गया उड़ीसा नीट में करो उसको

सी एच टू ओ एच और बना सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एक्स है ना मतलब एच हाँ आई था तो आयोडाइड ठीक है अब उसने लिखा स्पेशली एक्सेस एस एच आई एक्स लिखा मतलब इसे बहुत सारा एच हाँ आई पड़ा है तो यार बहुत सारा एच हाँ आई पड़ा है तो फिर सब्सिट्यूशन हो जाएगा तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू आई ये उसी टाइप का केस है जैसे मैंने तुम्हें बोला था थोड़ी देर पहले कि क्या दो एल्काल हेलाइड से विलियमसन नहीं हो सकती तुम अटक जाओगे नहीं क्योंकि हमने तो पढ़ी है ना एल्कोक्साइड और हेलाइड से होती है लेकिन हो सकती है तुम बाद में मतलब अल्काइल हेलाइड को वाया अल्कोहल कन्वर्ट करके फिर तो विलियमसन करा सकते हो तो इधर उसी का मैंने रिवर्स केस पूछा तुमसे तो यहाँ इसने क्योंकि एक्सेस वर्ड डाल दिया इसका मतलब क्या इसके प्रोडक्ट्स बाद में सिर्फ हेलाइड्स नहीं बन सकते बिल्कुल बन सकते हैं अगर तुम्हारा एच आई एक्सेस में है तो बन जाएंगे करेक्ट तो आंसर हो जाएगा ट्वेंटी 2013 में पूछा हाँ, तूने करेक्ट किया। MBM की चली गई से। फॉलोइंग प्रोड्यूसोहल ट्रीटमेंट विदहा इनमें से कौन है जो मिथाइल अल्कोहल देगा अगर तुमको फंडे आते हैं ना बिट्टू नीट में क्या इतने ज़्यादा सवाल होते हैं पचास क्वेश्चन होते हैं इतने ज़्यादा और तुम्हारे पास टाइम इतना कम होता है कि वो तुमको बहुत सोचने वाले सवाल नहीं देते हैं तुमको अगर चीज़ें सारी मैं तुम्हें इन वन शॉट्स में हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट के साथ में रूबरू करवाऊँगी हर चीज़ बताऊँगी कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें कोई ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये कॉन्सेप्ट एम बी ने छोड़ दिया था वो नहीं होगा और क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं जैसे तुम्हें चीज़ें पता है ट्रिक्स पता है तो तुम ईजीली कर सकते हो कि टर्शरी है यहाँ से टूटेगा ये वो जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा अमंग द फॉलोइंग इट इज विल प्रोड्यूस अल्कोहल दिस विल प्रोड्यूसा तो हर चीज बताऊंगी बट तुमको सुननी बहुत ध्यान से है ठीक है लास्ट क्वेश्चन 2006 का मेजर ऑर्गेनिक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज और सेशन को शेयर कर दिया करो यार शेयर कर दिया करो बिट्टा हाँ जी मेरे बच्चों द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज ए अगेन अरे भाई ये ए का हम ठेका लेके आए हैं क्या ये क्या हो रहा है सी एच थ्री ओ सी एच सी एच थ्री ये टर्स टू डिग्री है तो टू डिग्री है फिर तो ये यहाँ से टूटेगा इसका आयोडीन बनेगा और इसका ओ एच बनेगा कन्फ्यूज़ तो नहीं हुआ ना टू डिग्री को थ्री डिग्री मत समझ लेना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एल्कॉक्सी एल्केल्कॉक्सी बेंजीन्स जिसके अंदर ओ आर स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग होते हैं तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में मिलता है कुछ भी करवा लो तुम जो आपके बेंजीन uh, वाले इथर्स होते हैं उसका अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एल कराओगे तो ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा फ्रिडल क्राफ्ट ऐसा कराओगे तो ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा है ना एंड हाइड्रोसी एल सी एल थ्री क्लोरिन का चोर एंड दिस बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल ऑल राइट सो यू विल गेट दिस नाइट्रेशन कराओगे तो ऑर्थो एंड पैरा दैट्स इट फॉर टुडे चैप्टर पूरा खत्म हो गया चैप्टर को शेयर कर दो मेरे बच्चों है ना और शेयर करोगे तो ज़्यादा बच्चे आएंगे ज़्यादा बच्चे आएंगे तो पढ़ाने में और भी मज़ा आएगा हालांकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बच्चे का मैं तो बच्चे का मैं तो मैम ने तो पाँच बच्चे बिठा के पढ़ा रखे हैं जब हमने शुरू किया था तो मैम तो बढ़िया ही पढ़ेगी बट तो हाँ तुम शेयर करोगे तो हम लोगों का मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा ठीक है।, है तो ये ज़रूर कर देना ओके अब अगला चैप्टर अगले वीक ट्यूसडे को नहीं हो रहा ट्यूसडे को नहीं हो रहा क्योंकि शेड्यूल चेंज हो गया ओरल टेस्ट नहीं रिधी अब टाइम नहीं बचा बेटा अगली क्लास में लेते हैं ठीक है उस दिन मैं कोशिश करूँगी कि कोई और सेशन नहीं हो जिस दिन तुम्हारा लेवलअप हो उस दिन कोई और सेशन नहीं हो इसका नोट्स तुमको इस पे मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे ठीक है और यस मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना इस चैनल पे तुमको जो कंटेंट मिल रहा है वो बाकी सब्जेक्ट्स का भी बहुत एट पार मिल रहा है बायोलॉजी में वी हैव अ वेरी नाइस एडुकेटर जो तुमको एक एक चीज़ बहुत प्यार से पढ़ाने वाली है तो बायोलॉजी के लिए तुम उनके लेक्चर्स पढ़ के देखो मुझे लगता है तुम्हें बहुत मज़ा आएगा एंड uh, मज़ा आएगा तो फिर सिलेक्शन भी होगा ठीक है सो वी हैव के क्यू मैम जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं मैंने खुद उनके सेशंस देखे मैं देखती रहती हूँ उनके सेशंस में लाइव आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बायो को कितने प्यार से धीरे धीरे पढ़ाती हैं है ना सो शेयर करना सेशंस को ठीक है बाय बाय मैं अपना ख्याल रखूँगी निशा बाय बेटा